हेलो बच्चों नमस्कार क्या हाल चाल तो कैसे हैं आप सब लोग गुड इवनिंग टू एवरीवन क्या हाल है भाई क्या हाल है अरे वाह अरे बहुत बढ़िया बहुत कम लोग आए हैं बहुत कम लोग आए हैं अरे वाह 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 वा, और जुड़ जाओ जुड़ जाओ इंतजार करते हैं तब तक तब तक इंतजार कर लेते हैं लोग लेट हो गए हैं लेट ओपी गुड इवनिंग अरे वाह सात सौ अस्सी लोग जुड़ चुके हैं सात करोड़ अस्सी लाख हाँ जी हाँ जी क्या हाल है भाई सबके जो भी जुड़े हैं एक बार फटाफट से लाइक करो सब्सक्राइब करो जल्दी अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करो जल्दी जल्दी लाइक करो लाइक चाहिए लाइक करोगे बढ़िया पढ़ाऊंगा हाँ यहां घूमने फिरने टहलने मत आया करो लाइक करो फटाफट फटाफट जल्दी अरे वहां अंगूठे ऊंचे नहीं करने जहां अंगूठा बना हुआ है वहां करो कमेंट में अंगूठे ऊंचे कर रहे हैं देख करो रिलोड करो रिलोड इसको चेक करूंगा कितनी बात मानते हैं ये टीचर की लगाओ देखें हजार लाइक होंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन चलो 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 फटाफट स्पीड से स्पीड से मिनिमम रिक्वायरमेंट है हजार लाइक की तो उसके बाद क्लास आगे बढ़ती है कैसे हो राजा अरे बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास तुम ही सुनाओ तुम्हारा का हाल है यस एक हजार लाइक हो गए अब आगे बढ़ेंगे हम चलिए भाई चलिए शुरू करते ठीक है और देश विदेश में भी फैला दो इसको लिंक को चलो करी 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 शुरू करते चैप्टर पढ़ेंगे भाई इस तरह से पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे ही चैप्टर अच्छा है लेकिन उससे भी अच्छी बात पता है क्या है, इस में, है जहां से बनते हैं, मतलब एक दूसरे से कर लेंगे फिर आई यू पी एस सी नेमिंग वहां जो है हम सिर्फ आई यू पी एस सी नाम लिखना सीखेंगे सिंपल सिंपल सीखेंगे देखो यार और भी चीजें होती बट नीट में वो सब नहीं आएगी जो जो कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही पढ़ेंगे एनसीआर से बाहर नहीं पढ़ेंगे हाँ मैंने किसी बैच में पढ़ाया है किया है वो सब एक अलग बात है एनसीआरटी से बाहर नहीं पढ़ेंगे सीधी बात है नहीं आता है तो नहीं पढ़ेंगे अभी आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं हम सिर्फ एनसीआरटी को ही अपनी एक तरह से बाउंड्री लाइन मान के काम करेंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे बेटा ठीक है उससे बाहर नहीं जाएंगे वो हमारी सीमा है हा वर्नर्स थ्योरी विबिटी एनसीएफटी है ना और इसमें ही कहीं हम ई एन रूल कहीं पढ़ा दूंगा इसमें ई एन रूल नहीं है वो भी मैं पढ़ा दूंगा आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म एंड एप्लीकेशन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है बेटा सबसे ज्यादा सवाल यहां से बनता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप पैरा मैग्नेटिक जो है डाया मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स में उसकी जिमेट्री क्या है सारी चीजें यहां से बहुत ज्यादा आती है ये एक तरह से मान के चलो ये अकेला ये जो चीज है ना ये अकेली मोर देन सेवेंटी परसेंट कवर कर लेती है इस पूरे चैप्टर को है ना तो इसलिए इसके ऊपर भी हम देखेंगे ध्यान देंगे चीजों को करेंगे चलिए आइए शुरू करते आइए शुरू करते भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमारे पास दो तरह के सॉल्ट हो सॉल्ट ए और सॉल्ट बी एक्वस मीडियम में हमने मिलाया उसको गर्म किया तो हमें कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं सुनना बात को इंट्रोडक्शन में क्या सीख रहे हैं हम कि दो सॉल्ट हमारे पास सॉल्ट ए और सॉल्ट बी पानी में मिलाया और फिर उसको गर्म किया गर्म किया तो पानी उड़ गया पीछे जो क्रिस्टल्स बचते हैं उसको बोलते हैं एडिशन एडिशन कंपाउंड हो गया एक सॉल्ट सॉल्ट तो पता है ना बेटा एसिड प्लस बेस से बनता है सॉल्ट सॉल्ट ए सॉल्ट बी क्या लिखा है एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन कंपाउंड मेडअप ऑफ टू और मोर स्टेबल सोल्ट इन स्टॉइक्योमेट्रिक रेशियो बाई क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ही है आप इसको हीट कर रहे हो तो यहां पे क्रिस्टल्स बन रहे हैं ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कैसे क्या बनाना है दो सॉल्ट को स्टोक्योमेट्रिक रेशियो में मिलाना है यानी कि फिक्स्ड अमाउंट में मिलाना है ऐसा नहीं कि ये इतना ले लिया करे ये पाव भर दे दो या आधा पाव दे दो या आधा किलो दे, दे दो ऐसे नहीं है ना स्टोक्योमेट्रिक रेशियो फिक्स होना चाहिए दोनों का स्टोक्योमेट्रिक रेशियो सेम होगा हम उनको मिक्स करेंगे हम हीट करेंगे उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा तो हमें कुछ क्रिस्टल्स मिलेंगे जिनको बोला जाता है एडिशन कंपाउंड क्या बोला जाता है बेटा इनको एडिशन कंपाउंड अब एडिशन कंपाउंड आपके दो तरह के होते हैं एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं एक होता है डबल सोल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट ठीक है भाई डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट अब ये एग्जाम्पल यहां से हटा रहा हूं है ना क्योंकि हो सकता हो इस तरह से कहीं और समझाया हो तो दो तरह के एग्जाम मतलब डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट अब डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है सुनो एडिशन कंपाउंड क्या है बेटा क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स है एडिशन कंपाउंड क्या है है क्रिस्टल्स इन क्रिस्टल्स को पानी में फेंको वापिस यहां पे तुमने क्रिस्टल्स बना लिए बन गए क्रिस्टल्स ये क्रिस्टल्स बन चुके हैं अब इनको पानी में फेंको कहां फेंकोगे बेटा पानी में फेंकोगे जब पानी में फेंकोगे तो कुछ अलग अलग चीजें होगी उन चीजों के बेसिस पर उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम बोलते हैं एक डबल सोल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स सोल्ट है इसका नाम होता है कॉर्डिनेशन कंपाउंड आपका पूरा चैप्टर इस तरफ चलने वाला है लेकिन क्योंकि कुछ चार एग्जाम्पल एनसीईआरटी में डबल सोल्ट के भी दिए हुए हैं वो चारों एग्जाम्पल आपको अच्छे से कंठस्थ याद होने चाहिए वो चार एग्जाम्पल आपको याद होने ही चाहिए डबल सोल्ट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं डबल सोल्ट के ठीक है और कॉम्प्लेक्स सोल्ट हम पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं इसमें एग्जाम्पल की क्या बात करोगे सर है ना हम तो क्या बात करते हो अभी पूरे चार से पांच घंटे हम यही तो करने वाले हैं यस तो एडिशन कंपाउंड को अगर आप पानी में फेंकते हो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है कुछ चीजें अगर एडिशन कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए तो वो डबल सोल्ट होता है और अगर वो पार्शली डिसोसिएट होता है है ना डू नॉट डिसोसिएट डिसोसिएट कंप्लीटली जिसको हम partially dissociate बोल सकते हैं वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट जहां शब्द ही कॉम्प्लेक्स आ गया वहां पर भैया सारे लोग नहीं टूटेंगे अंदर कुछ इट्स कॉम्प्लेक्स टाइप चल रहा है ओके okay? यहां से पढ़ूंगा तो हो जाएगा क्या हाँ अगर जीरो से शुरू कर रहा है तो तीन सौ तो नंबर आ जाएंगे तेरे लेकिन इस चैप्टर से नहीं सारा पढ़ना पड़ेगा डबल सॉल्ट डबल सॉल्ट की बात करें रशिया का टिकट फाइनल हो जाएगा तेरे डबल सॉल्ट की बात करें तो कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन पानी में फेंका पूरी तरह से टूट जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पूरी तरह से नहीं टूटता डबल सोल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्व सोल्यूशन आपने पानी में फेंका वो टूट गया पहचान है या गई तो पहचान गई अगर वो पूरी तरह से नहीं टूटा तो ये अपनी पहचान को रिटेन कर लेगा है ना? ये अपनी पहचान को क्या कर लेगा एक कह रहा मैं रसिया जाऊंगा हाँ तो तू जाना ठीक है ना चला जाना तू मुझे पता है तू रसिया क्यों जाएगा अरे जो वहां के जाने का तो किराया लगता है अरे किराया महंगा पड़ेगा है समझ तो बात को ऐसे बचाओ छ हजार रुपए की बचत करो ईच आयन विल गिव पॉजिटिव टेस्ट एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट देता है अपना आयन क्या देता है बेटा पॉजिटिव टेस्ट देता है सब कुछ पॉजिटिव टेस्ट देंगे अगर वो सब टूट गए मुझे बताओ एक एक्वस सॉल्यूशन में आपने एक्वस सॉल्यूशन में डबल सोल्ट डाल दिया सब अलग हो गए केटायन आयन केटायन आयन जो भी है अब हर कोई आपने पूछा पोटेशियम कह रहे यस सर कह रहा अपना टेस्ट दोगे बोले देंगे सर कह रहे कौन सा दोगे बोले फ्लेम टेस्ट कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बोले कि नेगेटिव क्लोराइड आयन ने। है बोले क्लोराइड आयन यस सर प्रेजेंट हो अंदर यस सर क्या तुम अपना सेपरेट टेस्ट दोगे बोले यस सर बोले ठीक है क्लोराइड आयन का टेस्ट कर लो सोल्ट एनालिसिस मैं आप इस सॉल्यूशन का यूज करोगे डबल सोल्ट को डबल सोल्ट के एक्वा सॉल्यूशन का आप सोल्ट एनालिसिस में से के टायन एनायन सबके टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो वो सब स्वच्छंद घूम रहे हैं अलग अलग घूम रहे हैं ठीक है बेटा सब अलग अलग घूम रहे हैं तो सब अपना अपना टेस्ट देंगे लेकिन तुमने बोला कि कभी तुम डबल सोल्ट हुआ करते थे बोले हाँ। बोले तुम अपना टेस्ट क्यों डबल सोल्ट को अगर पूछो कि तुम अलग से अपनी पहचान तो वो बोले मैं तो खो चुका हूं तो बोले आयंस बोले टूट चुके हैं फिर आयंस से पूछा कि तू आज पोटेशियम है बोले हाँ क्या तू पहले भी पोटेशियम ही था बोले हाँ बोले तू आज क्लोराइड है बोले हाँ क्या तू पहले भी क्लोराइड ही था बोले हाँ यानी कि कुल मिला के आप समझो इंडिविजुअल जो टूट गए हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल पहचान तो है ही ना वो थोड़ी खराब हुए बेटा आप समझो बात को कि पोटेशियम क्लोराइड अगर इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड ये सब अलग अलग घूम रहे हैं तो इंडिविजुअल आयंस अपनी आइडेंटिटी को तो रिटेन कर ही रहे ना वो क्यों क्योंकि वो पूरी तरह से टूट गए हैं अब ये कोई एक यूनिट की तरह वर्क नहीं कर रहे हैं ये सब अलग अलग हो गए और अलग अलग हो गए तो अलग अलग पहचान तो जिंदा है इनकी जो तो यूनिट बनकर एक सोल्ट बनाया था इन्होंने वो पहचान खत्म हो गई इसलिए डबल सोल्ट अपनी पहचान खो चुका है ये कंपनी की बात है और ये कंपनी में काम करने वाले लोगों की बात है कंपनी बंद हो गई लोग तो हैं चीज है तो इसीलिए यहां पर आते हैं कुछ एग्जाम्पल जैसे कार्नेलाइट हो गया पोटाशियलम हो गया मोहर सोल्ट हो गया इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जैसे ये वाला लिखा हुआ है मोहर सोल्ट का एग्जाम्पल लिखा हुआ है आयरन का सल्फेट अमोनियम का सल्फेट और छह एच टू कैसे याद रखोगे फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट इसका पूरा नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट एफ ए एस भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा इसको एफ ए एस पूरा नाम लिख देना फेरस अमोनियम सल्फेट ये फेरस का सल्फेट अमोनियम का सल्फेट और ये इसका क्रिस्टलाइन वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है जब आप इसको मोहर सॉल्ट को पानी में डालते हो तो आयरन यानी कि फेरस आयन अलग सल्फेट आयन अलग अमोनियम आयन अलग और सल्फेट आयन अलग सब इधर उधर हो जाते हैं तो इसका मतलब है आयरन अपना अलग टेस्ट देगा सल्फेट अपना अलग टेस्ट देगा दे देगा वो सब अपनी इंडिविजुअल पहचान रखे हुए हैं लेकिन इधर ऐसा नहीं है बेटा इधर क्या हुआ ये देख लो इधर क्या हुआ हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा क्यों क्योंकि ये टूटा ही नहीं अब टूटा नहीं तो कुछ आयन जो है वो मिलकर कुछ और बन गए होंगे अब और बन गए तो आप इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं ले सकते इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं नहीं ले सकते यहां पे टूटा ही नहीं पूरी तरह से इंडिविजुअल लूज देयर ओन आइडेंटिटी अब कह रहा है कि इसमें क्या हुआ कि कुछ कॉम्प्लेक्स हुआ कुछ बॉन्ड बन गए कुछ आयंस के बीच में बॉन्ड बन गए तो वो आयंस डिसोसिएट ही नहीं हुए हम शुरू से यही कह रहे हैं कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता अगर नहीं होता तो सारे आयन अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं मतलब हर कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं बताएगा अपनी कुछ एक साथ बताएंगे जैसे यहाँ आओ जैसे को तुम पानी में डालोगे तो ये फोर के प्लस और एफ सी एन सिक्स फोर माइनस में बदल जाएगा क्या तुमने इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे ही बनाया था इतने बड़े एनायन से बनाया था नहीं तुमने इस कॉम्प्लेक्स को कैसे बनाया था पोटेशियम लिया होगा आयरन लिया होगा और साइनाइड लिया होगा अलग अलग लिए होंगे ना बेटा लेकिन आज इस आयरन और साइनाइड के बीच में कुछ ऐसा हो चुका है कि ये एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अंदर बॉन्ड बना चुके हैं ये छे साइनाइड इस आयरन के साथ छह साइनाइड इस आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जुड़ गए हैं और यही कारण है कि ये साइनाइड और आयरन एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते और जब अलग नहीं होना चाहते तो आपको भी पता है इट्स कॉम्प्लेक्स तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया ये कॉम्प्लेक्स एनायन बन गया पूरा हाँ पोटेशियम बोल देगा हमने भी यही कहा कि पूरी तरह से नहीं टूटते तो पोटेशियम टूट गया लेकिन ये आयन पूरा एक सेपरेट यूनिट की तरह हमको नया मिल गया मतलब ये आप तुम इसमें जाकर बोलो कि आयरन अपना अलग से टेस्ट दे दे तो नहीं देगा साइनाइड अपना अलग से टेस्ट दे दे तो नहीं देगा क्यों क्योंकि इन्होंने एक नई पहचान बना ली और वो पहचान को जिंदा भी रखा क्योंकि ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ जबकि ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएंगे इसको पानी में डालोगे ये टूट जाएगा ये पूरा अलग 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 टूट जाएंगे ये सारे, जबकि वो नहीं टूटेगा उसको पानी में डालोगे तो केवल पोटेशियम अलग होगा लेकिन एक नया कॉम्प्लेक्स एनायन हमको दिख रहा है वो ऐसे का ऐसा रहेगा वो पूरा एक सेपरेट यूनिट बन चुका है आयन की ठीक है आगे भाई। करें शुरू फर्क नजर आया कि क्या होता है क्या नहीं अभी डबल सोल्ट के दो एग्जाम्पल और देख लो एक हमने मोहर सोल्ट देख लिया एक होता है कार्नेलाइट और एक होता है पोटाश एलम एक होता है कार्नेलाइट और एक और होता है क्या होता है पोटाश एलम ठीक है ये पोटाश एलम भी देख लेना ये पोटेशियम का सल्फेट होता है एल्यूमिनियम का सल्फेट होता है इसको एक और फॉर्मूला भी होता है दोनों फॉर्मूले सही है दोनों ही सही है ये भी सही है ये भी सही है कार्नेलाइट होता है पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड ये होता है पोटेशियम का सल्फेट एल्यूमिनियम का सल्फेट और ट्वेंटी फोर जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों सही है ये सब डबल सोल्ट है ये डायरेक्ट पूछेगा वो क्योंकि एनसीआर में ये तीनों क्या सर सिर्फ ये तीनों ही डबल सोल्ट होते हैं नहीं लेकिन आप के एग्जाम में आने लायक जो एग्जाम्पल है सीधे के विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज डबल सोल्ट तो ये तीनों में से एक आएगा मोहर सोल्ट कार्नेलाइट एंड पोटाश एलम के फॉर्मूले याद होने चाहिए नाम भी याद होने चाहिए फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और कोई तरीका नहीं है इसका चलो नेक्स्ट आता है कि डी ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा सवाल करो और कॉन्सेप्ट सीखो डी ब्लॉक मेटल सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं बताओ तुम बताओ डी ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं बेटा इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि खाली डब्बा तो डी ब्लॉक वालों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हमेशा होते हैं डी ब्लॉक मेटल्स के पास हमेशा वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं ठीक है हमेशा वैकेंडी और बाइटल होते हैं दूसरा इनकी साइज स्मॉल होने की वजह से इनका फाइव क्या होता है बेटा ज्यादा होता है ये क्या होता 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 है 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 बेटा चार्ज अपॉन रेडियस जिन कैटायंस का ज्यादा उनमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है फजान रूल अगर किसी को याद है तो मैं बता देता हूं फाइ ज्यादा होने पर कोवेलेंट नेचर बढ़ता है और हमें तो वो बॉन्डिंग कोवेलेंट ही चाहिए जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस टाइप का होता है कोवेलेंट टाइप का

मेटल होते हुए भी मेटल होते हुए भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रहा है इसका मतलब है इस मेटल के पास कुछ खास बात है यारों और वो खास बात क्या है इसका ज्यादा है खास बात क्या है फाई है बेटा इसका ज्यादा यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा ये है ना आपसे पूछा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्यों क्योंकि ये डी एंड एफ ब्लॉक में भी दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्यों क्योंकि ये डी एंड एफ ब्लॉक में भी दिया हुआ है इसलिए इस चीज का अच्छे से ख्याल कर ले इस चीज का अच्छे से ख्याल कर ठीक है अच्छे से ख्याल कर ले कि ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे का ऐसा ना आ जाए कहीं अब आते हैं कि हाँ इसको समझ लेते हैं जैसे वो अपना आयरन वाला जो था ना उसमें हुआ क्या बेसिकली तो इसको समझ लो कि जब ये कॉम्प्लेक्स बना तो साइनाइड जो है ना साइनाइड ने छह साइनाइड ने यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए किसके साथ आयरन के साथ और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल थे इन ने वहां पर लोन पे डोनेट कर लिए लोग आए छह इसने बोला मैं छह डब्बे दे दूंगा क्या बोला मैं छे खाली डब्बे बोले अपने पास व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं भिजवा दो आप है ना है ना एकदम बढ़िया सामुदायिक भवन है बोले छह कमरे खाली करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है आप लोन पे डोनेट कर लो तो कुछ ऐसा हुआ ये देख लो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इनके पास खाली डब्बा होना चाहिए हम आगे देखेंगे कि इनके पास हमेशा ही होते हैं ये थ्री डी सीरीज से थ्री डी सीरीज का मेटल है फोर डी तो इसके पास पूरा ही खाली पड़ा होता है फोर डी में इसके खुद के इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। खाली पड़ा है आवाज लगा रहा गुजरा है फोर्थ पीरियड का है तो फोर डी वेकेंट ही पड़ा रहता है तो ले खाली, 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 खाली। -खुब आयरन ये ये को लेकर चलता हूं थ्री डी सिक्स फोर एस टू होता है ठीक है अब अगर आयरन प्लस टू में है तो मतलब मुझे बताओ ये थ्री डी सिक्स हो गया और फोर एस जीरो अब क्योंकि फोर्थ पीरियड है तो फोर पी भी होगा उसके इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ खाली डब्बे तो होंगे और फोर डी भी खाली होगा इतने खाली डब्बे लो बताओ कितने डब्बे दो डब्बे तीन डब्बे चार डब्बे पांच डब्बे नौ डब्बे खाली है कह ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है फुल खाली डब्बे देता है व्यवस्था है अगर अंदर खाली हो जाएंगे तो अंदर के भी दे देगा कैसे हो जाएंगे वो सब आगे सीखेंगे हो सकता हो जगह मिल जाए हो सकता हो जगह ना मिले तो पेयरिंग होकर मिल जाए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होकर अंदर के डब्बे मिल जाए तो कुल मिला के ये अभी अभी यह मुद्दा नहीं है सिखाना मुझे अभी मुझे यह नहीं सिखाना है कि कौन सा डब्बा खाली मिलेगा ये भी मिल सकते हैं और यह तो पड़े ही है बेटा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अंदर वाले डी भी खाली करवा सकता है बाहर का डी इसके पास पूरा खाली पड़ा है कोई टेंशन नहीं इसलिए डब्बों की कोई कमी नहीं है इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स की कोई कमी नहीं है बेटा अगर आप नीचे वाली सीरीज में आओगे तो वहां फोर डी के बाद फाइव एस फाइव पी और फाइव डी खाली होगा तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं खास तौर से इसलिए ऐसा काम होता है चलो भाई अब आता है इस तरह से हम करते हैं। देख लो, ये जो डब्बे आप ये देख रहे हो ये डब्बा ये डब्बा इस डब्बे के बाहर इधर भी कोई आयन हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं डिपेंड करता है कि वो क्या है ये देखो नियम क्या कहता है पहले हमेशा केमिस्ट्री का नियम कहता है बेटा कि सबसे पहले किसको लिखा जाता है प्लस को अगर तुम यहां पोटेशियम को पहले लिख रहे हो इसका मतलब ये प्लस है और वो पूरा डब्बा माइनस है क्योंकि नियम यही कहता है कि पहले किसको लिखा जाता है प्लस को और फिर किसको लिखा जाता है माइनस को अब सोचो अगर डब्बा प्लस हो जाए तो बेटा सोचो डब्बा अगर प्लस हो जाए तो तो फिर ये जो बाहर वाले आयन हैं डब्बे के बाहर वाले ये इधर आएंगे यहां एन आयन आएगा फिर तो अगर डब्बा अगर डब्बा अगर डब्बे पर चार्ज माइनस है तो डब्बे को बाद में लिखा जाएगा ये देखो अगर डब्बे पर चार्ज माइनस है तो पहले सिंपल आयंस जो काउंटर आयंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे ये रे पॉजिटिव पोटेशियम प्लस और वो पूरा डब्बा माइनस अगर डब्बे पर प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है इधर कोई काउंटर आयन नहीं होगा काउंटर आयन फिर उस तरफ जाएगा काउंटर आयन का मतलब होता है बेटा सिंपल आयन जैसे अगर कोई डब्बा ऐसा है तो उस तरफ जाके क्लोराइड लग जाएंगे क्लोराइड लग जाएगा सल्फेट लग जाएगा नाइट्रेट लग जाएगा वो एनायन होना चाहिए क्यों क्योंकि वो उस तरफ लिखेंगे फिर फिर इधर कुछ नहीं होगा पहले डब्बा होगा फिर काउंटर आयन होंगे इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो आगे पीछे कुछ नहीं होगा न्यूट्रल का मतलब है डब्बे पर चार्ज जीरो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा डब्बे पर चार्ज जीरो अच्छा इसको क्या बोलोगे ये क्या है आपका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स ये क्या है आपका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स जब कॉम्प्लेक्स एनायन हो तो काउंटर आयंस पॉजिटिव आयंस होते हैं जब कॉम्प्लेक्स केट हो तो काउंटर आयंस नेगेटिव होते हैं और अगर कुछ भी नहीं हो तो डब्बे पर चार्ज जीरो हो तो उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है न्यूट्रल इस पर चार्ज अगर ऐसा लिखा है कहीं पे तो न्यूट्रल मत मान लेना बोले सर इधर नहीं इधर नहीं कुछ नहीं दिया अरे भाई ये तो दिया हुआ है ना जब ये दिया है इसका मतलब है यहां से कोई छोड़ के भाग गया वो तुमको दिखाया नहीं उसने तो ये तो प्लस तो है ही ना तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है ऐसा नहीं कि डब्बे पे चार्ज प्लस दिख रहा है फिर भी कह रहे हैं न्यूट्रल है क्यों क्योंकि बोले काउंटर आयन नहीं है अरे भाई काउंटर आयन चला गया उसका तुमको नहीं दिखाया ठीक है तो ये देखो और ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं बोले सर नॉर्मल आयन है ही नहीं डब्बा मतलब कैटायन भी डब्बे वाला एनआईन भी डब्बे वाला तो ये एक लास्ट कैटेगरी जिससे मतलब अगर हम देखें तो अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स 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 आयन हो कैटायन तो ऑब्वियसली द रूल रूल इज हमेशा चेंज नहीं होगा रूल हमेशा सेम रहेगा ये प्लस पहले और माइनस को बाद में ही लिखा जाएगा ये प्लस ये माइनस ये प्लस तो भी पहले आएगा डब्बा और अगर दोनों डब्बे डब्बे तो अब्बा डब्बा जब्बा ये डब्बा प्लस पहले आएगा और डब्बा माइनस बाद में ही आएगा तो इसलिए याद रखना बेटा ये एक बेसिक नियम है केमिस्ट्री का आप एन लिखते हो क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है आप सीएल कभी नहीं लिखते बेटा ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि लो ई एन वाला पहले लिखा जाता है और हाई ई एन वाला बाद में लिखा जाता है यानी कि नेगेटिव जो होता है मेटल होता है पॉज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव को पहले लिखते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में लिखते हैं प्लस को पहले लिखते हैं और माइनस को बाद में लिखते हैं ये चीज क्लियर है आगे बढ़ सकते हैं हम ठीक है भाई ओके okay? तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स अच्छा आप भी बच्चों को कैसे अब मैं ये अभी और बता दूंगा देखो ये आयरन है इसको बोलते हैं नाम सुन लो सेंट्रल मेटल आयन क्या बोलते हैं बेटा इसको सेंट्रल मेटल आइटम सी एम ए बीच में बैठा हुआ है ये जो होते हैं ना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ इसके साथ तो ये तो एक्सेप्टर हुआ ये कौन हुआ बेटा एक्सेप्टर अरे भाई ये तो डब्बे दे रहे हैं ना ये कौन है ये कमरे खाली करवाने वाला है बोला ये कमरे प्रोवाइड कराएगा ये क्या करेंगे ये लोन पेयर देंगे लोन पेयर देने वाले कहलाते हैं बेटा क्या क्या कहलाते हैं बोल बोल दो दो एक ही बात है ये जो है, वो क्या कहलाते हैं अभी आगे समझोगे ये जो होते हैं ना बोला ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं बेटा क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुइस बेस होते हैं ये क्या होते हैं ये लुइस बेस और ये क्या होते हैं एक्सेप्टर ये क्या होते हैं बेटा एक्सेप्टर यानी क्या इसको लुइस एसिड लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं ये सारे लुइस एसिड होते हैं जो बीच में बैठा है वो वैकेंट और बाइटल है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो लुइस एसिड की तरह काम करेगा ये डोनेट करेगा तो इसको लिगेंड बोलते हैं ये लुइस बेस की तरह काम करेगा बेटा किसकी तरह काम करेगा ये लुइस बेस की अब बात आती है कि ये पूरा ये क्या कहलाता है ये इसको एक साथ तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्पियर डब्बा कोऑर्डिनेशन स्पियर का मतलब क्या है बेटा डब्बा और कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या है डब्बे के अंदर का माल और डब्बे के अंदर दो ही चीज होती है मेटल लिगेंड क्या बोला मैंने पीएम और लिगेंड डब्बा डब्बा कौन डब्बे का नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्पियर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब डब्बे के अंदर का माल अब डब्बे के अंदर कौन से माल होते हैं बेटा डब्बे के अंदर का माल क्या होता है बेटा एक तो होता है क्या मेटल और एक होता है क्या लिगेंड तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमेशा किससे बनी होगी सीएमआई और लिगेंड से ये जो बाहर काउंटर आयंस होते हैं ये आयोनाइजेबल होते हैं पानी में डाला तो ये चार पोटेशियम ही तो अलग हुए थे सो so, इसका नाम होता है आयोनाइजेशन स्पीयर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है आपस में इसलिए कोऑर्डिनेशन स्पीयर ये आयोनाइजेशन स्पीयर कहलाता है काउंटर आयंस डब्बे के बाहर वाले आयंस काउंटर आयंस क्या कहलाते बेटा डब्बे के बाहर वाले आयन सर एक सीओ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कराइए सही बात है सही है लाइव क्लास है ये पता है ना तेरे को देख आगे लाइव लिखा हुआ आ रहा होगा उसमें उसको ऐसे पकड़ और आगे सरकार नहीं जाएगा देख 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 अगर ये रिकॉर्डेड होता ना तो तू जहां कहता वहां जाता मैं अगर ये रिकॉर्डेड होता तो तू जहां कहता वहां सरक जाता कि नहीं अभी एक सीओ का एम कॉम्प्लेक्स करो नहीं 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 अभी आई यूपीएससी करो अभी ये करो बस तुम्हारे इसी चंचल मन की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा अभी क्या पढ़ा रहा हूं मैं कॉम्प्लेक्स शुरू किया है ये क्या कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के एक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करके बताओ बस वही प्रॉब्लम है तुम फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हो इतने में तुम्हें डर लगता है कि बॉटनी में क्या है अरे यूट्यूब पे बॉटनी चल रही है बॉटनी पढ़ेंगे फिर तुम बॉटनी जा रहे हो कह रहे मजा नहीं आ रहा अभी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसको टिका लो इसको टिका लो और उसको भी टिका लो हाँ ये दोनों एक जगह टिकेंगे तो ही सिलेक्शन होगा वो और ये दोनों टिकेगा तभी भाई सिलेक्शन होगा तशरीफ भी और हाँ दिमाग भी टिका लो इसको एक जगह एक जगह टिकाओगे वरना यही बैठ रहोगे फिर तो बेटा है ना पहली चीज तो ये लाइव है मतलब जब मेरा मन करेगा तभी पढ़ाऊंगा मैं जिस तरह से मेरे को पढ़ाना है वैसे पढ़ाऊंगा तू ऐसे ऐसे सरका के कुछ भी नहीं कर सकता मेरे साथ ठीक है ना ये रिकॉर्डेड तो है नहीं मेरी मर्जी हो जैसे कर ले इसके लिए तुझे किसी और बैच में या किसी रिकॉर्डेड बैच को देखना पड़ेगा बेटा होगा यहीं कहीं मिल जाएगा यूट्यूब पे मेरा ही मिल जाएगा तीन चार तो मेरी तो हर उम्मीद पड़ी है एक उम्मीद दो उम्मीद ये तीसरी उम्मीद है राजा आप कुछ कह रहे थे ना न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जैसे क्या होते हैं तो कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं मैं ये देखो कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे समझा देते हैं कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं जिनमें डब्बे पर चार्ज क्या होगा पॉजिटिव डब्बे पर चार्ज पॉजिटिव कब होगा जब इधर कोई नेगेटिव होगा मान लो इधर सी टू लिख दिया अब मैं अंदर लिख दू पीटीएनएस थ्री पी टी एन एस थ्री टू ठीक है और यहां लिख दिया क्या पीटी एन एस थ्री फोर और पी एल टू ये लो अब देखो इसको तुम दो Cl को हटाते हो तो उस डब्बे पर कितना चार्ज आएगा सोच के देखो अगर यहां से दो क्लोरीन भाग जाएंगे तो माइनस दो भाग जाएंगे माइनस दो भाग जाएंगे तो डब्बे पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है. ये क्या बेटा केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है ये देख ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया

इसको वो ऐसे ना दे के डायरेक्ट ही ऐसे लिख दे लो ऐसे लिख दिया डायरेक्ट अभी जब डायरेक्ट लिख दिया तो फिर तो हम अंधे ही होंगे जो हम कहेंगे कि ये एनआईनिक कॉम्प्लेक्स है या याटाइनिक कॉम्प्लेक्स अबे वो डब्बे पे लिखा हुआ है ना माइनस तो एनआईनिक कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई ऐसे भी तो लिख सकता है वो उसको क्या ही फर्क पड़ता है उससे उसको हटा दिया उसने बोले ये माइनस है कुछ भी हो वहां एन ए थ्री भी हो सकता है क्या फर्क पड़ता है उससे यस तो अगर हम बात करें अगले की तो हमारे पास आ रहा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है जो डब्बे पे चार्ज क्या होता है बेटा तो जीरो होते हैं डब्बे पे चार्ज क्या होता है जैसे NiCo4 फोर है ना कब से चल रहा है ये NiCo4 फोर कुछ भी नहीं है जीरो दिया हुआ भी नहीं है जीरो एफ ए सी ओ फाइव जीरो एन आई डी एम जी टू रोनएच थ्री टू टी एल टू जीरो फर्क है वो वहां पे एन एच थ्री चार है यहां दो ही है जीरो इतने सारे कॉम्प्लेक्स है और जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर इन लिख दो फिर जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वॉटर इनसोल्यूबल देखो ये तो वॉटर सोल्यूबल होते हैं जनरली कारण ये क्यों वोटर सोल्यूबल होते हैं अरे इसमें तो तुमको साफ साफ दिख रहा है ये प्लस है ये है। इसमें भी तुमको साप -साप दिख रहा है, ये प्लस माइनस है ये माइनस है तो प्लस और माइनस का होना पोलरिटी डेवलप करता है कॉम्प्लेक्स में और पोलरिटी डेवलप करता है तो पानी में जाके जो क्या करेंगे पानी में जाएंगे पोलर पोलर को पसंद करता है लाइक लाइक रीजन है इनके अंदर तो रीजन है तो पानी में घुलने के क्यों क्योंकि यहां पर आयन है ये अब ये बेचारा आयन ही नहीं है इसीलिए इसको जब पानी में फेंकते हैं तो ये लगभग सारे ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लगभग सारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वाटर इनसोल्यूबल होते हैं है ना और इधर वाले लगभग सारे जनरली ये सारे वाटर सोलबल होते हैं रीजन उनके पास वजह है पानी में घुलने की उनके पास केटायन और एनायन है और जो आयंस की फॉर्म में है वो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं है ना और ये बिचारे आय में नहीं है ये अंदर से टूटेंगे नहीं बाहर डब्बे पे कोई चार्ज नहीं तो पानी में जाके चुपचाप बैठ जाते है। कि क्या होगा न्यूट्रल है चले आगे चले देखो बात समझ आ रही है क्या अगर समझ आ रहा है तो अंगूठे ऊंचे कर दो ठीक है चीजें बहुत बेसिक बेसिक से सिखा रहा हूं कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक बहुत बेसिक बेसिक से सिखा रहा हूं गुड 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 बहुत बेसिक बेसिक से सिखा रहा हूं है ना कुछ अभी मैंने मतलब एक होता है शब्द आता है बेटा हेट्रोलेप्ट कॉम्प्लेक्स अब सुनना जब डब्बे के अंदर एक ही तरह के लिगेंड्स हो छे के साइनाइड है ना ये सारे भी सेम सारे सारे के सेम जब डब्बे के अंदर एक ही तरह की डोनर स्पीसीज प्रेजेंट हो लिगेंड बोलते हैं डोनर स्पीसीज को जब सारे लिगेंड डब्बे के अंदर सेम हो ठीक है और हेट्रोलेप्टिक होता है जिसमें एक जैसे अभी ये एन एस थ्री टू सी एल टू डब्बे के अंदर एक से ज्यादा लिगेंड है अब देखो ये भी लिगेंड है ये भी लिगेंड है लेकिन दो तो अलग तरह के लिगेंड है दो से ज्यादा मतलब सॉरी एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड अगर प्रेजेंट हो है ना चार तरह के भी हो सकते हैं तीन तरह के भी हो सकते हैं पांच तरह के भी हो सकते हैं हमको उससे मतलब नहीं वो सब हेट्रोलैप्ट कॉम्प्लेक्स में आएंगे मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स अगर हैं उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अगर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हैं मेटल के साथ तो वो सब कहलाएंगे ओके बेटा सेम है सारे होमोलैप्ट ठीक है इधर पीछे भी बता सकते हो आप होमोलैप्टिक होमोलैप्टिक होमोलैप्टिकट्रोलैप्टिक होमोलैप्टिक्रोलैप्टिक तो कॉम्प्लेक्स ऐसे सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इज्रोलेप्टिक अरे देख के बता देना चार ऑप्शन में से यार तुम्हें कुछ नहीं आता मोहित दादीच स्ट्रॉन्ग मन जीवा कह रही है तुम्हें कुछ नहीं आता मोहित दादीच स्ट्रॉन्ग मन जीवा तू तो ते तेरा नाम लिखना नहीं आता मुझे तो कुछ आता नहीं आता भाड़े के टट्टुओं तुम्हें तो तुम्हारा नाम ही लिखना नहीं आ रहा तुम्हारी तो औकात तुम्हारे असली नाम से आने की भी नहीं है तुम क्या मेरे को कुछ बोल के जाओगे हैं? निकाल पहली फुर्सत रेपट दे लो रे इसके रेपट दे लो रेपट इसके रेपट दो इसके रेपट दे लो रेपट इतनी रेपटे चलाओ उसके कि सही हो जाए वो चलाओ रेपट जो भी है वो लगाओ रेपट दे होली होली वाली नहीं, होली वाली नहीं नहीं रेप अब कह रहा मैं मजाक कर रहा हूं अरे तो तेरे घर पे करना है ऐसी मजाक पापा को बोल कि पापा आपको कुछ नहीं आता पापा को बोल कि आपको कुछ नहीं आता फिर पापा बोलेंगे इसलिए भी इसीलिए तो तेरे को कुछ नहीं आता यस डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉर्डिनेशन एंटिटी में क्या होता है अभी पढ़ लिया मेटल होता है और लिगेंड होता है ये आपस में बंधे हुए होते हैं मेटल और लिगेंड आपस में बंधे हुए होते हैं एटम एक कह रहा है सॉरी मैंने ये चैप्टर कभी नहीं किया ठीक है अरे तो कोई बात नहीं कभी नहीं किया तो वो कभी तो करना पड़ेगा ठीक है देख कितने में मिल रहा है अगले साल यकीन सेंट्रल एटम और लोन पेयर एक्सेप्टर होता है लुइस एसिड होता है ये भी सब अपने को पता है हम सीख चुके हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हम कर चुके हैं सारे एक ही तरह के लिगेंड्स होते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या होता है डब्बे की जिमेट्री क्या होता है डब्बे की जिमेट्री डब्बे की जिमेट्री लेकिन उससे पहले यहां पे देखो यहां पे देखो अगर लिगेंड जो है वो दो हैं मतलब सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ स्पेशल कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं अगर मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो दो सिग्मा मतलब लीनियर तीन सिग्मा कोऑर्डिनेट मतलब ट्राइगोनल प्लेनर चार का मतलब टेट्राहेड्रल भी हो सकता है बेटा चार का मतलब स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड वापस सुनो नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन अरे भाई लिगेंड क्या कर रहा है उसके साथ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है आप बॉन्ड काउंट कर लो जितने बॉन्ड उसे अगर दो बॉन्ड लीनियर तीन बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर चार टेट्राहेड्रल चार स्क्वायर प्लेनर आगे जाके पता लगेगा इनमें फर्क क्या है अभी नहीं पांच ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एक पांच और होता है स्क्वायर पिरामिडल बट वो मैंने नहीं लिखा हुआ है और एक छह होता है ऑक्टाहेड्रल क्योंकि उसके इतने कॉम्प्लेक्स नहीं मिलते पांच में भी एक और होता है स्क्वायर पिरामिडल

वो जरूर आएगी लिगेंड और मेटल के बीच में जितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्या बोला मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड मेटल और लिगेंड में कितना सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बस अब ऐसा भी कहीं होता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो प्राइमरी बॉन्ड बनता है ये सिग्मा होता है ठीक है अगर कहीं पर एक आधा पाई और बन रहा हो एक्स्ट्रा तो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करेंगे ये एनसीईआरटी ने लिखी हुई लाइन है वो भी मैंने लिख दी इफ एनी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड देखो सिग्मा तो बनेगा ही पाई के लिए हमको सिर्फ सिग्मा काउंट करना है अगर गलती से कोई ऐसा आगे जाके देखेंगे हम ऐसा भी कुछ होता है कि एक एक बॉन्ड और बना लेते हैं ये उल्लू के पट्टे एक में मजा नहीं आ रहा एक और बना के पाई बनाएंगे पाई मेटल कह रहा हूँ उसको मैं बना लो मेटल कह रहा है मेरे भी इलेक्ट्रॉन ले जा मजे ही मजे कह रहा है एक तरफ से ले रहा है एक तरफ से दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मजे ही मजे बोले मेटल ले भी रहा है मेटल इसको दे भी रहा है ये लिगेंड ऐसा है जो ले भी रहा है दे भी रहा है फुल चल रहा है बताओ मजे ही मजे ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करते हैं तो एक तो दे रहा है जिससे सिग्मा उससे ले रहा है उससे पाई बन रहा है लेकिन हम उस पाई को कोऑर्डिनेशन नंबर uh, में इंक्लूड नहीं करते हैं स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने द ओनली सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बी इंक्लूडेड ओके सो सिर्फ लिगेंड से मेटल की तरफ जो डोनेशन है उसको काउंट किया जाएगा तो so, मैंने भी सिर्फ वही लिखा है द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन लिगेंड्स एंड सीएमआई नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं तो आप ऐसे निकालते हो पहले आप ऐसे सीख लो है ना आप पहले आप ऐसे सीख लो कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है तो पहले आप ऐसे सीख लो आप ऐसे ही करते हो बेटा कि जैसे इस आयरन का निकालना है तो आप क्या करने वाले हो <coughs> यहां पर प्लस वन इंटू फोर करने वाले हो क्या करने वाले हो उठका प्लस वन जैसे इधर से शुरू हो जाओ ये प्लस वन रखता है लेकिन पोटेशियम प्लस वन रखता है तो चार है तो प्लस वन इंटू फोर प्लस इसका हमको निकालना है ये एक्स है इसका हमको निकालना है ठीक है फिर साइनाइड पर एक माइनस होता है सी एन माइनस होता है बेटा ये धीरे धीरे आगे सीख जाओगे ये साइनाइड पर एक माइनस होता है कितने साइनाइड है छह है तो माइनस वन सिक्स कर दिया और ये सारा मिला के क्या होना चाहिए जीरो आप ऐसे ही करते हो फिर एक्स की वैल्यू निकाल लोगे आप इस तरह से तो आप क्या आएगा प्लस टू एक्स की वैल्यू आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा प्लस दो ऐसा ही करते हो ऐसे ही करते हो अब आ जाओ मैं कैसे करवाता हूं वो सुन लो मैं कैसे करवाता हूं मैं ऐसे करवाता हूं इसी एग्जाम्पल को यहां ले लो अभी देख लो कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है पहले ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है ये लो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है एम डी जे डब्बे के अंदर मेटल पर चार्ज और डब्बे के बाहर के चार्ज का फाइनल हिसाब ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि ऐसे एक्स मान मान के तो बहुत तंग आ जाओगे तो एक्स नहीं मानना है क्या मानना है वो मैं बता रहा हूं कैसे करना है ठीक है दिमाग लगाना है कैसे लगाना है कि डब्बे के अंदर जो भी चार्ज आएगा लिगेंड्स की वजह से कैसे डब्बे के अंदर मेटल पर चार्ज डब्बा है बेटा ये डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा ये डब्बा ये डब्बा दिख रहा है तुमको अब डब जब. ये दिख रहा बेटा तुमको दिख रहा अभी इसको साइनाइड ये पता होना चाहिए कि साइनाइड माइनस वन रखता है अभी तुम इसको छे साइनाइड को भगाओ यहां से कह रहे हटो यहां से इमेजिन्री चार्ज होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर तो हम इसको भगाओ जब भगाओगे तो ये अपना अपना माइनस छ लेकर भाग जाएंगे अरे छह लोग हैं तो एक माइनस एक लेके भागेगा तो छह लोग माइनस छह लेके भागेंगे कि नहीं भागेंगे अगर ये पाइनस छ लेके भागेंगे तो पीछे माइनस छाइनस छ लेके गए तो पीछे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना बेटा तो पीछे प्लस छे बचेगा पीछे क्या बचेगा बेटा प्लस छे अब अभी तक आपने आधा काम किया क्या डब्बे के अंदर मेटल पर चार्ज निकाल लिया है यानी लिगेंड्स को भगाओ मेटल पर चार्ज ढूंढो लिगेंड्स को भगाओ मेटल पर भगाजनरी चार्ज ढूंढो लिगेंड्स को भगा लिया हमने इमेजनरी चार्ज ढूंढा अब कह रहा है डब्बे के बाहर का चार्ज भी होगा फिर जो फाइनल हिसाब होगा उससे पता लगेगा अरे भाई डब्बे के बाहर का चार्ज क्या है अरे भाई इससे पूछा कि क्या हाल बा तो कह रहा हम प्लस वन बा क्या दिखेगा ये प्लस वन अच्छा तो इस प्लस वन का मतलब है ये प्लस चार गए कि नहीं गए अगर यहां से प्लस चार को भगाते हो तो इधर माइनस चार आया कि नहीं आया डब्बे पर माइनस चार जाएगा ना बेटा अब डब्बे पर भी चार्ज निकाल दिया अब हमको निकालना है इन दोनों का फाइनल हिसाब फाइनल हिसाब कैसे निकालते हैं अरे ऐसे फाइनल हिसाब निकालते है. प्लस माइनस चार प्लस दो प्लस छह माइनस चार प्लस दो प्लस हो गया ऐसे ही निकालते हो स्टेट। समझ में आया अभी तो और करेंगे खूब करेंगे चार से पांच एग्जाम्पल करेंगे मजा आने वाला है एक बार तो समझ आया सर पी ब्लॉक करवाओ बाईस तारीख को कराएंगे बेटा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल है पी ब्लॉक करवा देंगे बाईस तारीख को जाओ फिर आ जाओ भाई सारे लो एक एग्जाम्पल और करो फिर इसका करके बताओ पीटी देखो कुछ अभी मैं हिंट दूंगा अभी आप कर नहीं पाओगे ना अभी मुझे हिंट देना पड़ेगा पीटी एनएस थ्री टू सी एल टू अभी मुझे क्या करना पड़ेगा हिंट देना पड़ेगा डब्बे पर चार्ज ऑलरेडी जीरो है ठीक है डब्बे पर चार्ज ऑलरेडी जीरो है अभी मुझे हिंट देने पड़ेंगे हिंट क्या देने पड़ते हैं बेटा मुझे हिंट ये देने पड़ते हैं कि एनएस जो है वो न्यूट्रल है ठीक है और सीएल जो है वो एनाइनिक है ये है अभी क्यों दे रहा हूं क्योंकि माइनस वन चार्ज है क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है मान लो आप एनएस थ्री पर कोई चार्ज नहीं होता इतना तो खैर पता ही होगा दूसरा बोथ आर मोनोडेंटेड सर ये नया शब्द आया मोनोडेंटेड का मतलब एक सिग्मा एक लिगेंड एक सिग्मा बनाएगा एक सिग्मा ठीक है ये मोनोडेंटेड लिगेंड की एक एक यूनिट अगर सिग्मा बनाती है मेटल के साथ तो वो मोनोडेंटेड होता है तो मोनो है तो तो ये मोनोडेंटेड इसका मतलब क्या हुआ इसकी जरूरत कहां पड़ेगी वो भी बताऊंगा जरा सोचो कितने जुड़े हुए हैं अच्छा पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दे भगाओ इसको जीरो कुछ नहीं ले गया भगाओ इसको माइनस दो लेके भाग गया ये जीरो तो जीरो ही छूटेगा माइनस दो है तो पीछे प्लस दो छूटेगा बाहर कोई चार्ज है नहीं बाहर कोई चार्ज है नहीं बताओ इसका फाइनल हिसाब कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इज क्या हो जाएगा प्लस टू अब ये मैंने सिखाया मोनोडेंटेड क्यों क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है क्या निकालना है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर के सवाल क्लब होके आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे जरा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है क्या टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये होता है बेटा टोटल सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं अब टोटल सिग्मा कोऑर्डिनेट दो ये बनाएगा दो ये बनाएगा बात खत्म चार हो गया और ये मैंने हिंट दिया कि बहुत आर मोनोडेंटेड यानी कि एक लिगेंड एक सिग्मा बनाता है मोनोडेंटेड का मतलब होता है लिगेंड की एक यूनिट एक सिग्मा बनाती है वो मोनोडेंटेड होता है बेटा जब एक लिगेंड मेटल के साथ एक बार में एक ही सिग्मा बॉन्ड बना पाए तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड जब लिगेंड एक हो लेकिन मेटल के साथ दो जगह से जुड़ जाए अपनी दो जगह से जुड़ जाए एक साथ दो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले बाइडेंटेट हो जाएगा इसी तरह से टेट्राडेंटेड भी होता है इसी तरह से पेंटाडेंटेड भी होता है इसी तरह से हेक्साडेंटेड भी होता है वापस सुनो क्या मोनोडेंटेड कौन से लिगेंड्स होते हैं जिन लिगेंड्स की औकात एक यूनिट की एक सिग्मा बॉन्ड बनाने की हो ये सब मोनोडेंटेड और डाइडेंटेड क्या होगा या बाईडेंटेड क्या होगा कि एक लिगेंड दो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए मेटल के साथ तो वो आएगा एक बॉन्ड दो बनाएगा और हमको काउंट बॉन्ड करने होते हैं ये ध्यान रखना हमको काउंट क्या करने होते हैं बॉन्ड करने होते हैं जैसे ये वाला करो ये वाला सवाल करो बेटा मैंने लिख लिया कोबाल्ट मैंने, e मैंने, मैंने लिख दिया क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे यहां पर लिख दिया एम्बीडेंटेड वगैरह मैं सब सिखा दूंगा अभी आगे मत चलो तेज मत चलो तेज नहीं चलना धीमे चलो धीमे अभी देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं हिंट क्या है वो ये है कि ई एन इज योर बाइडेंटेट और बाइडेंटेड का मतलब एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेट एक लिगेंड दो सिग्मा तो बताओ तीन लिगेंड कितने सिग्मा बाइडेंटेड का मतलब दो सिग्मा बनाएगा एक लिगेंड तीन सिग्मा ऐसे कितने लिगेंड है दो अच्छा दूसरा ई एन जो होता है वो न्यूट्रल होता है तो चलो पहले ऑक्सीडेशन को निपटा देते हैं ऑक्सीडेशन ये भागा जीरो लेके गया जीरो गया ये भागे बाहर से माइनस तीन लेके गए पीछे प्लस तीन छोड़े हिसाब बना रहे प्लस तीन कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया छे क्यों क्योंकि एक ई एन दो सिग्मा बना रहा है है मैं बता तो रहा हूं तुमको ये है एक सिग्मा एक ई एन दो सिग्मा बना रहा है दो सिग्मा बना रहा है तो बात खत्म हो गई तो तीन कितने बनाएंगे छह बनाएंगे हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर छह ये नॉलेज होना चाहिए अभी पढ़ेंगे तो नॉलेज आ जाएगा ना बेटा एक कह रहा है बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हो नीट लेवल का पढ़ाएं। नीट में ये लेके आएगा ना तो बेटा तेरे तो उस दिन भी लूज मोशन लग जाएंगे यही है वो रेपट वाला वापिस आ गया रेपट वाला वापिस आ गया कह रहा है बहुत ईजी पढ़ा रहे हो नीट लेवल का पढ़ाओ ये कह रहा है नीट में यही पूछते हैं दुनिया कर लेती है तेरे समझ आता नहीं है तू तो फिर आ गया यहां पर नीट लेवल पे पड़ा नीट में चालीस बार ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है तू तो अगले साल ऑक्सीडेशन नंबर सीख रहा होगा मत सुनो मेरे मुंह से इसका बताओ फिर तुम करके बताओ चलो एक 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 एग्जांपल तुमको देता हूँ मैं ये लो क्या करोगे ये वाला करो जैसे यहाँ पे लेना है आपको कोबाल्ट ले लो फिर ई एन टू ले लो और फिर सी एल टू ले लो और यहाँ पे ले लो सी एल अब बताओ अब करके दिखाओ फटाफट जल्दी करो और कर लो ये लो ये और कर लो एन आई ओ फोर कर लो ठीक है सी ओ जो होता है वो न्यूट्रल होता है मोनोडेंटेड बताना जरूरी है ना न्यूट्रल है मोनोडेंटेड है चार्ज के हिसाब से ये न्यूट्रल है डेंटिसिटी के हिसाब से मोनोडेंटेड है डेंटिसिटी का मतलब होता है एक लिगेंड की यूनिट एक बार में कितने सिग्मा बॉन्ड बनाती है मेटल के साथ वो उसकी डेंटिसिटी होती है मोनोडेंटेड एक सिग्मा बनाएगी एक बार में अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन और पी हाइड्रोजन एस ब्लॉक पढ़ना है क्या भाई तुम कौन सी दुनिया में हो यार कौन लोग हो तुम तुम सच पक्का ना तुम तुम्हारी ट्वेल्थ में पक्का साइंस ही थी ना भाई पक्का ना भाई कौन लोग हो यार तुम कहां से आ रहे हो यार कहां से आते हो यार कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग यार भाई नए जुड़ रहे हैं लाइक करो आए हो तो लाइक करके जाओ फटाफट अब यार बेटा हमको तो मांग के ही करना पड़ता है काम कुछ टीचर्स के तो बिना मांगे ही रोला मच जाता है अब तो हमारे रोला होता नहीं है ना बेटा यार हम लोग गरीब आदमी है हमें बोलना पड़ता है जो जुड़ जो भी देख के जा रहा है चाहे दो मिनट भी देख के जा रहा है एक मिनट भी देख के जा रहा है लाइक करके जाना नहीं तो तुमको तुम्हारे होने वाली की कसम और होने वाले की कसम सही बता रहा हूं मैं आए हो तो लाइक करके जाओ मेहरबान कदरवान साहिबान लाइक करके जानेगा यस बोला जब हुए तो बड़े बड़े लाइक कर तो जो भी आ रहा है लाइक करो फिर जाओ मम्मी कह रही दूध लेके दूध बाद में लाएंगे पहले लाइक करके जाओ पापा कह रहे खाना खा ले लाइक करके जाओ टीवी का स्विच ऑन कर दे लाइक करके जाओ जो भी करने जा रहे हैं लाइक करके जाओ एक ही चीज है जिसको ऑफिशियली ऐसे लाइक कर सकते हो तुम घर वालों के सामने और बाकी चीजें लाइक करके दिखाओ ऐसे रहपटा देंगे वो कि ये मुझे पसंद है बोल के दिखाना किसी इंसान के बारे में ये लो ले। जीरो ले जाएगा ले जाएगा जीरो ले जाएगा ले जाएगा जमूरे ये क्या ले जाएगा माइनस दो ले जाएगा सरकार तो बता क्या छोड़ेगा प्लस दो ये क्या ले जाएगा माइनस एक ले जाएगा पीछे क्या छोड़ेगा प्लस एक अरे हिसाब बनाएगा बनाएगा क्या लिखेगा प्लस तीन लिखूंगा ऑक्सीडेशन तो नंबर प्लस तीन आएगा सबको नाच के दिखाओ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस तीन जमूरे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर अरे मालिक ये तो एक बार में दो बॉन्ड बनाएगा तो दो मतलब चार बनाएगा और चार बनाएगा तो चार ये बनाएगा और दो ये बनाएगा हो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना है है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा ये छह हो जाएगा है ना क्यों क्योंकि e एक बार में दो बनाता है दो तो में ज्यादा मजा है ये एन आई सीओ फोर है जल्दी बता क्या ये कुछ लेके जाएगा नहीं क्या छोड़ेगा जीरो अरे बाहर भी जीरो अरे जीरो 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 लो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नंबर की चार क्यों क्योंकि मोनोडेंटेड है दो बार मत करना डिसलाइक हो जाए मैं बता रहा हूं मैंने झांपटे मार देनी तुम्हारे डिसलाइक का बटन तो दूसरी तरफ है उसको नहीं दबाना है वहां तो मोबाइल खराब हो जाएगा उसके वो ऐसे वाले पे मत दबाना वहां मत दबाना मैं मारूंगा मैं पकड़ के तुम्हारे बंद हो जाएगा तुम्हारी स्क्रीन काली हो जाएगी तुम्हारे मोबाइल का डिस्प्ले फूट जाएगा बगल वाले मत दबा दियो सही बता रहा हूं आ जाओ नेक्स्ट मजाक मजाक में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स आयंस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सिमा ओ हो, हो हो बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं, हैं लिगेंड्स वो होते हैं जो कैपेबल होते हैं, डोनेट करने में ठीक है, जो देने वाला होता है वो लिगेंड होता है पता है हमको। होते हैं सारे. कह रहा है कि के द्वारा को एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा तो एक सिग्मा बनेगा अपना देसी जुगाड़ देसी जुगाड़ क्या कि कितने सिग्मा बॉन्ड है इसका देसी जुगाड़ क्या है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच कैन बी फॉर्म तुम इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करोगे तुम यह बोलोगे कि यह इलेक्ट्रॉन पेयर है मैं बोलूंगा यह जाएगा तभी तो एक सिग्मा बनेगा तो चाहे तुम इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लो लिगेंड के चाहे तुम डायरेक्ट सिग्मा काउंट कर लो तो एक ही बात है देसी भाषा में समझाया कि एक लिगेंड एक बार में एक साथ कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बोन्ड बना सकता है वही उसकी डेंटिसिटी है अकॉर्डिंग टू दिस मोनोडेंटेड यूनिडेंटेड डेंटिसिटी डेंटिसिटी डाइडेंटेड पॉलीडेंटेड डेंटिसिटी इज मोर देन टू वो सब पॉलीडेंटेड है ट्राइ टेट्रा पेंटा हेक्सा एटसेट्रा ओके स्ट्रॉन्ग मन जीवा बेटा मैं ऐसी तैसी कर दूंगा अभी कुछ भी अंडरस्टैंड बोल के ठीक है ना खराब आदमी हूं मैं तमीज से बैठ ले तमीज से बैठ लो सारे तमीज से बैठ लो और ये यहां नहीं पढ़ना है चले जाओ चले जाओ मुझे भी पता चले मैं भी दो घंटे में खत्म करके चला जाऊंगा देख लेना माइंड मैप दो घंटे में पूरा है वो

एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड ये दो नए नाम आ गए यहां तक तो सही चल रहा था एक दो तीन ठीक है ये तो बढ़िया चल रहा था लेकिन ये क्या है अब एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड तो इसको भी देख लेंगे बेस्ड ऑन द डोनेशन एक्सेप्टेंस मैंने कहा था कुछ लिगेंट्स ऐसे होते हैं जो देने के साथ साथ लेना भी पसंद करते हैं तो इस हिसाब से क्लासिकल लिगेंट वो होते हैं जो सिर्फ देने में विश्वास रखते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंट्स मतलब नए जमाने के लिगेंट अब नए जमाने में क्या हो रहा है कि लेनी देनी दोनों चल रही बेटा आजकल तो इसीलिए दे भी रहा है ले भी रहा है तो नए जमाने के लिगेंड्स वो होते हैं जो देते भी हैं और सामने से लेते भी हैं लेकिन जो लेने वाला बॉन्ड बनेगा बताओ क्या उसको कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड करेंगे यस और नो अपने जल्दी बता यस और नो आंसर है नो नहीं करेंगे ये लो ठीक है बेटा तो पाई एसिड लिगेंड्स बोलते हैं इनको पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स बोलते हैं क्यों क्योंकि जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं पाई जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं पाई इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने वाले को लुइस एसिड बोलते हैं तो लिगेंड इस ये वाले लिगेंड एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लुइस एसिड की तरह भी काम कर रहे हैं तो इनको बोला जाता है पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स नए जमाने के लिगेंड्स होते हैं बेटा ठीक है भाई हेक्साडेंटेड का एडीटीए एग्जांपल होता है अभी सब आ जाएगा एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब आ जाएंगे अपने आप आ जाओ ये ले नहीं है इसको नोट कर लेना होमवर्क एक्चुअली इसको बाद में नोट करना तो देख रहे हो ये सब एनायनिक लिगेंट्स है और इनके सबके नाम में ओ लगा हुआ है एनाइनिक लिगेंट्स जो भी होते हैं उनके नाम में क्या लगता है बेटा सफिक्स लगता है और वो क्या लगता है ओ सफिक्स लगता है ये देखो सफिक्स ओ लगेगा ठीक है सफिक्स क्या लगेगा ओ लगेगा दूसरा देख लो नाम पढ़ लो सल्फेटो कार्बोनेटो क्लोरिडो, ब्रोमिडो हाइड्रोक्सीडो फ्लोरिडो एमिडो इमिडो अजाइडो नाइट्राइडो ये सब आपके काम के हैं मैं ऐसे बैठ के एक एक नहीं पढ़ा सकता जो पढ़ाने वाले होंगे मैं पढ़ा दूंगा ऑक्सीडो सुपर ऑक्सीडो परोक्सीडो साइनाइडो आइसो साइनाइडो एनओ टू ये भी एनओ टू बट नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो ओ इस वाले में नाइट्रोजन मेटल से जुड़ेगा इस वाले में ऑक्सीजन मेटल से जुड़ेगा तो जो जो डोनर एटम मेटल से जुड़ता है और बॉन्ड बनाता है इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है दोनों ही NO2 है ध्यान से चेक करो दोनों ही NO2 है दोनों ही क्या है बेटा NO2 है ये दोनों ही साइन CN NC यहां पर भी साइनाइडो आइसोसाइनाइडो ये देखो यहां पर देखो यहां पे देखो साइनेटो ओ यानी कि इसमें ऑक्सीजन डोनर है साइनेटो एन यानी कि इसमें नाइट्रोजन डोनर है फिर ये थायोसाइनेटो एस थायोसाइनेटो एस और थायोसाइनेटो ये लो इसको आप आइसो भी बोलते हो आदा? और आइसो भी बोल सकते हो ठीक है लेकिन ये ज्यादा अच्छा है टर्म क्योंकि डोनर एटम मेंशन करना होता है मतलब आप ये कह रहे हो कि सर इसमें सल्फर भी डोनर एटम हो सकता है और इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है तो मैं बोलूंगा हाँ तभी तो लेकिन क्या ये दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर सकते मैं बोलूंगा नहीं अगर कर लेते तो, तो हम इनका नाम अलग अलग क्यों लिखते वही उसी तरह से देखो एनओ टू है आपने नाइट्राइटो एन बोला है और ओ एनओ को आपने नाइट्राइटो ओ बोला है क्या सर ये दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर सकते नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ जब बेटा मैं कह रहा हूं एक साथ ही कर लेते तो हम दो बार क्यों लिखते इसको अब हमको यहां से एक चीज क्लियर हुई कि ऐसे लिगेंड्स जिसमें डोनर एटम तो दो हो लेकिन एक बार में एक ही डोनेट कर पाए नोन एज एम्बीडेंटेड ये सारे क्या है बेटा लिगेंड अभी नाम आया था ना एक तो लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें डोनर एटम एक से ज्यादा होते हैं जिनमें डोनर एटम एक से ज्यादा होते हैं अब एनो टू है बेटा अब एनो टू में डोनर एटम ऑक्सीजन भी है और एनो टू माइनस में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है लेकिन एक बार में एक ही डोनेट कर सकता है और डेफिनेशन यही कहती है कि एक बार में जितने डोनेट होंगे वही माना जाएगा ये दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर सकते ये दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर सकते अगर ये दोनों एक साथ डोनेट कर ले अगर ये दोनों एक साथ डोनेट कर ले तो क्या होगा क्या नहीं वो यहां पे आ जाओ समझाता हूं तो आपको क्या समझना है एम्बीडेंटेड समझना है अभी समझाते हैं पहले एक बार इसको क्लियर कर लें कि ये इक्कीस नंबर तक ये है और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एनाइनिक लिगेंड्स के हैं ऑक्जेलेटो ग्लाइसिनेटो डाइमिथाइल ग्लाइक्मेटो ईडीटीए इथाइलिन डाइम इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटेट इथाइलिन डाइमिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नॉट इंपॉर्टेंट ये वाला इंपॉर्टेंट है टेट्रा वाला और ऐसी ऐसी मतलब एसिटाइल एसिटेट है ना नाम सीख लो काफी है बाकी इतना नहीं पूछा जाता बेटा इतना नहीं पूछा जाता काम काम के क्या है वो मैं बता देता हूँ एक तो ये काम काम का 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 है का है है ग्लाइसिनेट डाई मिथाइल ये ऊपर लिख दिए मैंने काम काम के ये तीनों चारों आ जाओ ये चार्ज के बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर लिया है नाम सीख लो अभी सब धीरे धीरे जब आएंगे तो अपने आप सीख लेंगे ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं ये सारे न्यूट्रल हैं इधर वाले फोर्टीन और ये नीचे कैटाइन लिखे हुए हैं ये फोर्टीन सारे न्यूट्रल हैं है ना एक से लेके चौदह तक ये न्यूट्रल लिगेंट है इनमें कोई चार्ज नहीं होता तो अगर इनमें चार्ज नहीं होता तो इनमें कोई सफिक्स भी नहीं लगाएंगे इनमें कोई सफिक्स भी नहीं लगा ये आपको नॉलेज होगी तो इस चैप्टर में मजा है मैं बैठ के यहाँ पे आपको नाम याद नहीं करवा सकता बेटा है ना बैठ के नाम तो याद करवा नहीं सकता तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए इन सब में डोनर एटम नाइट्रोजन होता है अच्छी बात यह है मैं आपका काम आसान कर सकता हूं

पिरिडीन की जगह डाई पिरिडीन बोल दो इसको डाई पिरिडीन डाई पिरिडिल एक ही बात है तो दो रिंग जुड़ जाएगी दोनों नाइट्रोजन जो हैं वो डोनर हो जाएंगे अभी आगे आ जाएगी स्ट्रक्चर ये देख लो इसको अच्छे से देख लो बेटा नाम अच्छे से पढ़ लो ये सब की स्ट्रक्चर में आगे, आगे आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा समय नहीं है अपने पास स्प्लिटिंग कब पढ़ाएंगे अभी पढ़ा देंगे यार बहुत लेट आएगी वो तो On the basis of density, ना, अब हम दूसरे टाइप के तो हमने नाम तो लिखे थे जितने दो दो, दो दो वाले सारे बाईड बाई बाई और ये डाई पीर ये भी बाईड तो मैंने यहाँ सारे भले ही ना लिखे हों लेकिन जो एक बार में दो बॉन्ड बना ले वो सब है। एक से ज़्यादा बार हो, डोनेशन एट ए टाइम होते हैं ऐसे लेकिन ये सब हमने ये देखा हुआ है। ये देखो, ये रहा, एन तीन बना रहा है दो से ज्यादा है ट्राई एन चार बना रहा है एक साथ और ए जो है वो भी हम अभी पढ़ेंगे एक साथ बना सकता है आपकी बात थी एमबीडेंटेड सिखाओ हमको atom, रहा है कि तो एक से हो, लेकिन सारे फंक्शनल नहीं होते सारे फंक्शनल नहीं होने का मतलब है एक साथ नहीं देंगे तो एक बार में एक ही देगा तो एक -एक करके देने वाले क्या होते हैं बेटा मोनोडेंटेड Monodented... होते तो वो मोनोडेंटिटी क्योंकि देंगे तो एक बार में एक ही बट उनकी एक अलग कैटेगरी आती है वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड ये 14 टू 21 लिखने का मतलब है आप जाकर अलग से इसको फिर से क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां जाओगे तो आपको साफ नजर आएगा 14 से 21 वो वहां इसलिए लिखा हुआ है 14 से साइनाइडो टू माइनस एस सी एन वगैरह एटसेट्रा आप यह भी बताया इसमें कि क्यों ऐसा होता है अगर इन दोनों से तुम डोनेट करवा लो तो एक रिंग बनती है जो कि तीन मेंबर की रिंग बनेगी जब कभी भी डोनर एटम आप दो से डोनेट कर आप एनओ टू में आप एनओ टू में करवा लो चलो आप एनओ टू में करवा लो है ना एनओ टू में डोनेट करवा लो अगर एनओ टू में डोनेट कराओगे तो एक ये एटम है दो ये है कितने एटम हो गए तीन और एक मेटल जुड़ेगा तो चार तो चार मेंबर की रिंग बनेगी तो जब कभी भी तीन मेंबर की या चार मेंबर की रिंग बनेगी तो वो स्टेबल नहीं होती इसीलिए दोनों एक साथ कभी डोनेट नहीं करेंगे यहां देख लो आप यहां अगर तुम मेटल जोड़ते हो तो चार मेंबर की रिंग बनेगी जो कि अनस्टेबल होगी तो एक देसी जुगाड़ आ गया बेटा और वो जुगाड़ क्या है कि जब लिगेंड्स में जब लिगेंड में एटम तीन हो या तीन से कम हो तो वो ऑलवेज मोनोडेंटेड होता है क्या बोला मैंने जब इसमें दो ही एटम है तो अगर इसके पास ये दो ही एटम है और ये दोनों डोनेट करना जानते भी हो तो करवा के क्या करोगे ये तो रिंग बनेगी और जो रिंग बनेगी वो क्या होगी आपकी अनस्टेबल होगी ठीक है रिंग बनेगी वो क्या होगी अनस्टेबल होगी तो पर एक शब्द नया आया ठीक है ये अगर दोनों डोनेट करते हैं तो तीन की रिंग बनती है गलत हो गया वो। रिंग जो है वो स्टेबल होनी चाहिए पांच मेंबर, मेंबर होनी चाहिए ठीक है बेटा इनकी स्ट्रक्चर से भी आते हैं क्वेश्चन अब आपको यहां पर एक चीज और नजर आएगी और वो है एक और शब्द था फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंट्स विच कैन शो वेरिएबल डेंटिसिटी अब कार्बोनेट वैसे तो मोनोडेंटिटी होता है पर कभी कभी बाईड होता है हमारे काम का नहीं क्योंकि मैंने स्टार एक पे ही लगाया सल्फेट भी दो दिखा सकता है है ना मतलब हम स्टार वाले को ही कंसिडर करेंगे ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि फ्लेक्सी डेंटेड दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं ईडी टीए हेजा डेंटेड मैन होता है लेकिन ये पेंटाडेंटेड ये टेट्राडेंटेड ये ये ट्राइडेंटेड इवन दैट ट्राइडेंटेडेंटेड तक भी जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इन पी अगर आप पी चेंज करते हो तो इसकी डेंटिसिटी बदल जाती है ये बहुत आगे की बात है आपके दिमाग में नहीं जा रही है मत जाने दो मुझे तो इतना बताओ फ्लेक्सीडेंटेड नाम अगर एनसीआरटी में नहीं दिया है तो नहीं पूछेगा बिल्कुल नहीं दिया है लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि फ्लेक्सीडेंटेड जो अपनी डेंटिसिटी के साथ फ्लेक्सिबल हो चेंज कर सके तो ऐसे बहुत रेयर जो होते हैं बस अगर आप इसको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ले लो ये एनसीआरटी में नहीं है ठीक है इन्फॉर्मेशन के तौर पे ले लो इस शब्द को कि फ्लेक्सीडेंटेड नाम की भी कोई चीज होती है आ जाओ भाई अब क्या मैं कुछ चीज में यहां से मेरे को कुछ चीज याद आ रही थी मैं बोल भी रहा था कि मैं बताऊंगा 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 मैं भूल गया भी अभी अभी मैं है ना तीन मेंबर की रिंग वाला मैं बता रहा था एक कुछ वर्ड याद मुझे आया था चलो जब आएगा तो वापस बता देंगे कोई बात नहीं जब आएगा तो वापस बता देंगे अब बहुत बड़ा डाउट एक दिमाग में आता है बच्चों के और वो मुझे क्लियर करना जरूरी है चाहे आज समय कम भी है पर मैं इसको क्लियर करके रहूंगा और वो क्लियर क्या करना है वो सुनो कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंटिसिटी में बहुत बड़ा अंतर है देखो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर भी यही बताया था कि मेटल के साथ लिगेंड जो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो काउंट कर लो वापस सुनना मेरे शब्दों को मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड क्या बोला टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स राइट हमने सवाल भी किए एक दो अब एक शब्द आता है सर डेंटिसिटी सर डेंटिसिटी में भी आपने बोला कि अगर कोई बाईडेंटेड है तो वो एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो सर सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर भी काउंट करने है, सर। तुम्हें बोलूंगा, फर्क यही है। इधर भी सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करने हैं और कोऑर्डिनेशन में भी तुम सिग्मा कर रहे थे। लेकिन फर्क क्या है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ है ना इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड यूनिट लिगेंड एक यूनिट लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है ये, एक की, सिंगल यूनिट की अब उसमें ऐसे चार लिगेंड है तो हम चारों की जोड़ के थोड़ी बोलेंगे एक लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है फॉर सिंगल यूनिट लिगेंड नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय अ सिंगल यूनिट ऑफ लिगेंड एक यूनिट कितना बना रही है वही टोटल नहीं करना है यहां पे और यहां पे जितने बन रहे हैं सब टोटल कर लो वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे दोनों में फर्क देख लो बेटा क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर भी काउंट कर रहे हैं सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले भी काउंट कर रहे थे तो क्या सर कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंटिसिटी सेम हो जाएगी नहीं 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 फिर एक बच्चा पूछता है कि क्या सर डेंटिसिटी क्या सर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो नंबर ऑफ लिगेंड काउंट करके डायरेक्ट निकाल दें क्या सर हम नंबर ऑफ लिगेंड को काउंट करके डायरेक्ट निकाल दें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मैं बोलूंगा ये बात तब तक सही है तब तक वो सारे लिगेंड मोनोडेंटेड है क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब है एक बार में एक ही सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो तू लिगेंड काउंट कर ले या बॉन्ड काउंट कर ले एक ही बात हो गई लेकिन फंस जाएगा देख ये तो पता है ना अब ये चीज क्लियर है Yes. याद दिला दिया गुड 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 बता दूंगा मैं, याद आ गया. मुझे याद है तो अभी बता देते हैं। मुझे एक वर्ड आता है ठीक है या चिलेटिंग लिगेन लिगेंड विच फॉर्म च फॉर्म्स विच फॉर्म रिंग वेन अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन जो रिंग बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा चिलेट चिलेट का मतलब क्या होता है चिलेटिंग का मतलब क्या होता है चिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा मतलब मतलब रिंग फॉर्मेशन अब रिंग कौन बनाएगा क्या कभी मोनोडेंटेड चिलेट लिगेंट हो सकता है मोनोडेंटेट जिसकी डेंटिसिटी वन हो क्या वो कभी चिलेटिंग चिलेटिंग लिगेंड हो सकता है मोनोडेंटेट का मतलब है एक एक बार में एक ही बनाएगा क्या वो कभी रिंग बना सकता है जब मेटल से जुड़े और रिंग बन जाए जब मेटल से जुड़े और रिंग बन जाए ये रहा ए ये रहा बी और ये रहा मेटल ये जुड़ेगा बताओ ये जुड़ेगा क्या रिंग बनेगी नहीं बनी लेकिन अगर ये रहा ए ये रहा बी ये रहा सी ठीक है ऐसे मान लो कि ये रहा ए ये रहा सी ये रहा डी और ये मेटल है अगर ये जुड़ेगा यह डोनर है यह डोनर है बताओ पांच मेंबर की रिंग बन गई क्या ये कभी मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो कभी चिलेट लिगेंड हो सकते हैं कभी नहीं तो डेंटिसिटी मस्ट बी डेंटिसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन एक से ज्यादा होनी चाहिए डेंटिसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन मोनोडेंटेड तो ये काम कभी नहीं कर पाएंगे इसलिए चिलेट लिगेंड जब भी नाम आए तो लो चिलेट लिगेंड वही होंगे जो रिंग बनाते लेक्चर बेसिक्स है ये बेसिक हैं क्या बेटा अभी करा दू पहला सवाल है ये होमवर्क है कर लेना खुद ही कर लोगे सारे लिगेंड जो हैं वो मोनोडेंटेड हैं ये न्यूट्रल हैं और ये एनाइनिक हैं इस हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है निकाल लेना कहीं नहीं अटकोगे वैसे तो एक तो मैंने करवा रखा है इसमें से बाकी कर लेना ठीक है बेटा हाँ अभी यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो एम्बीडेंटेड अरे भी कैटेगरी तो मोनोडेंटेड एम्बीडेंटेड का मतलब तू ये कह रहा है कि दो है पर एक बार में एक ही देगा अरे जब एक ही देगा तो एक ही, ही हुआ ना वो इन जनरल तो वो ही हुआ मोनोडेंटिडेंटेड नाम उसका अलग तरीके से रखा हुआ है तुम कह रहे हो कि एक बार में एक ही देगा साहब अब जब एक बार में एक ही देगा तो मोनोडेंटेड टाइप का ही है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ये कर सकते हो आराम से ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट लिगेंड्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ दिखा रहा हूँ जैसे ये एन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसका नाम होता है, है पांच मेंबर की रिंग स्टेबल होती है डेंटिसिटी इसीलिए दो मान ली जाती है क्योंकि ये अगर दो एक साथ देगा तो अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी रिंग बनाएगा बाईडेंटेड डोनर एटम बोथ आर नाइट्रोजन अगर दोन अगर डोनर एटम सारे सेम हो तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड कहता है और अगर डोनर एटम डिफरेंट हो तो असिमेट्रिकल बाइडेंटेड होता है बताओ ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है या असिमेट्रिकल तो आंसर है सर सिमेट्रिकल है सी एस टू सी एस टू एन एस टू दोनों नाइट्रोजन डोनर हैं दोनों डोनर अगर सेम है तो, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड कहा जाएगा ओके ठीक है भाई पांच मेंबर की रिंग है स्टेबल है कर लेंगे काम ऑक्जेलेट ऑक्जेलेटो में देखो क्या होता है

ये सब आपको याद नहीं करना है कि कैसे बनता है तो डाइमेल ग्लायोक्सिम को जब बेसिक मीडियम दिया जाता है तो पानी निकल जाता है पानी निकल जाता है तो ये एक जगह पे माइनस आ जाता है अब ये डीएमजी नेगेटिव है डीएमजी कैन नॉट वर्क एज लिगेंड, बट डीएमजी नेगेटिव कैन वर्क एज लिगेंड तो कुल मिला के ये माइनस है अब ये क्या करेगा यहां मेटल है यहां मेटल है ये पांच मेंबर की रिंग बन रही है देख लो ठीक है तो ये डोनर एटम इसमें दोनों के दोनों नाइट्रोजन है और डेंटिसिटी दो है इसको बाइडेंटेड माना जाएगा अभी आगे जब मैं इसका एक कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा तो ये एक यूनिट है इसके जैसी एक यूनिट और आके चिपक जाएगी तो हमको डेंटिसिटी हमेशा एक यूनिट की देखनी होती है जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो दो मिलकर मेटल को ट्रैप करते हैं बीच में अब वो दो मिलकर करते हैं तो इसका मतलब वो तो डाइमर बना रहे हैं बेटा तो मिलकर करते हैं मतलब वो क्या बना रहे हैं डाइमर बना रहे है। अब दो लोगों की थोड़ी चेक होती है एक, तो एक, एक यूनिट की देखो वो इधर से डोनेट करे ऐसे और तुम बोलोगे ओ हो चार बना रहा नहीं बेटा वो डाइमर होगा तो डाइमर को थोड़ी क्या हम तो एक यूनिट की बात हैं डाइमर का मतलब होता है दो यूनिट का जुड़ जाना डेंटिसिटी ऑलवेज जो है वो देखी जाएगी एक यूनिट के लिए इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अच्छे अच्छे टीचर्स डीएमजी को टेट्राडेंटेड बोल देते हैं बेटा अच्छे अच्छे टीचर्स डीएमजी को टेट्राडेंटेड बोल के चले जाते हैं हाँ इधर उधर अभी लेकिन ये डेंटिसिटी दो ही होती है और इसमें दोनों के दोनों आइटम जो है वो नाइट्रोजन ही होते हैं डोनर ये देखो ग्लाइसी ग्लाइसिन होता है बेटा ग्लाइसिन एन एस टू सी एस टू सीओ एच इसमें से एस प्लस निकाल दो ग्लाइसी बनता है अगर यही ग्लाइसी आयन जो है वो लिगेंड की तरह काम करेगा तो माइनस की वजह से हम सफिक्स ओ लगा देंगे तो नाम बिगाड़ देंगे ये हो गया एक तरफ नाइट्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन डोनेट कर लेगा पांच मेंबर की रिंगे पहला ऐसा आया है जिसमें डोनर एटम डिफरेंट है एक नाइट्रोजन है बेटा और एक ऑक्सीजन डोनर है तो आपसे पूछा जाएगा ग्लाइसी में डोनर एटम कौन कौन है तो एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है यहाँ डिफरेंट डोनर एटम्स है इसीलिए असिमेट्रिकल बाइडेंटेट नेक्स्ट है ये देख लेना तुम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है सिक्स मेंबर की रिंग है ठीक है डेंटिसिटी टू है चेक मतलब कर लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देख लेना यार खुद से देख लेना ठीक है बस डेंटिसिटी देख लेना और और कुछ नहीं पूछेगा वो और डोनर एटम दोनों के दोनों ऑक्सीजन है ऑक्सीजन ठीक है दोनों एटम क्या है ऑक्सीजन

यहां पे 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 जोड़ दिया एक जगह पे, पे दोनों चारों जगह एसिटेट ग्रुप है तो नाम देखो क्या नाम है ये रहा दो नाइट्रोजन ये डाई एमीन नाम से पता चल रहा है डाई एमीन का मतलब दो नाइट्रोजन डोनर होंगे डाई एमीन टेट्रा एसिटेट ये चार एसिटेट ग्रुप जुड़े हुए एक दो तीन चार टेट्रा एसिटेट चार ऑक्सीजन डोनर कितने डोनर हो गए बेटा दो और एक दो और चार छः, सिक्स डोनर एटम्स हो गए और सिक्स में से हिसाब किताब निकालोगे जब सिक्स में से हिसाब किताब निकालोगे तो ऊपर लिखा हुआ है दो नाइट्रोजन चार ऑक्सीजन होता है नाम से पता चल रहा है इथाइलीन टाइमिन टेट्रा एसीटेट ठीक है अब यहां क्या होगा इथाइलीन इथाइली ट्राई एसिटेट यानी कि एसिटेट तीन ही है अब और जब तीन एसिटेट है तो यहां पर डाउ दो नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन डोनर एटम हो जाएंगे एक ऑक्सीजन डोनर एटम कम हो जाएगा है ना तो ये फाइव डोनर एटम्स टोटल पेंटाडेंटेड पेंटाडेंटेड ये होता पेंटा होता है वो होता है वो हेक्साडेंटेड और हमने तो कहा ही है कि है ना सिर्फ पेंटाडेंटेड हेक्साडेंटेड बल्कि वो तो दो तक चला जाता है पीएच पे चेंज होने पर तो ये तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है हमारे काम का कौन सा है सर इसको गोली मारो कभी नहीं पूछेगा इसको पूछ लेगा इसको पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है जब ये हेग्जा डेंटेड है तो तुम्हारे काम का है कभी भी सवाल आएगा तो तुम्हारे ही आएगा वही पूछेगा एनसीआरटी इसके बात ही नहीं करती दूसरी डेंटिसिटी पे सर फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंट भी चिलेट फॉर्म करते हैं क्या बेटा ये अजीब सा सवाल है ये मतलब एक मतलब वाहियात सवाल बोलूंगा मैं इसको ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट क्यों कर रहे हो देख लो यार रिंग बन रही है तो यस yes. सर क्वेश्चन में पूछे कि सीएन क्या है एम्बीडेंटेड या मोनोडेंटेड आंसर दोनों अगर बोथ ऑफ दीज लिखा हुआ है तो है ना और अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी उसको मोनोडेंटेड बोल देना एनसीआरटी तो साइनाइड को एम्बीडेंटेड भी नहीं बताती ठीक है एनसीआरटी तो इनफैक्ट एम्बीडेंटेड बोलती नहीं है फिर आता है बेटा पी एन टीएन बी एन ये रहा पी एन पी एन होता है आपका प्रोपाइली मतलब दो नाइट्रोजन डोनौर. अब ये वन टू है आप देखो ये ये कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ते हो तुम पोजिशन आइसोमेरिज्म पढ़ते हो ना कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ते हो ना तुम ऑर्गेनिक में पोजिशन आइसोमेरिज्म देखो मॉलिकुलर फॉर्मुला सेम है C3 C3 H6 दिख रहा है ऊपर आपको और ये भी जोड़ लो इसमें नाइट्रोजन ये देखो लेकिन ये है वन थ्री डाई एमिन प्रोपेन मतलब यहां पे एमीन जो है एनएस टू जो है ये पहले और तीसरी पोजीशन पे है अब आप खुद सोचो ये है तो पोजीशन आइसोमर्स लेकिन लिगेंड के तौर पे इनमें बहुत फर्क आ जाता है क्योंकि अगर वन टू डाई एमिन होगा वन टू डाई एमिन होगा तो पांच मेंबर की ही रिंग बनेगी और अगर वन थ्री डाई एमिन होगा तो फिर तो छह मेंबर की रिंग बनेगी और छह मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू फाइव मेंबर इसीलिए ये ज्यादा अच्छा लिगेंड होगा टीएन टीएन टी एन इज स्ट्रॉगर लिगेंड देन पीएन तो नाम क्या है इसका ट्राई मिथाइलिन डाइमीन वो नाम है प्रोपाइलिन डाइमीन ज्यादा अच्छा है आप इनके आईयूपीएसी नाम से चले वन थ्री प्रोपेन वन थ्री पे लगाओ एमीन को वन पे लगाओ एमीन को ये पोजिशनल आइसोमर होते हैं बेटा ठीक है फिर आता है बी एन ब्यूटाइलीन अब अपने को क्या ही करना है डाई का मतलब दो नाइट्रोजन डोनर इनमें सबसे बढ़िया तरीका होता है ये पीछे जितने एमिन होते हैं उतने ही डोनर होते हैं और नाइट्रोजन डोनर होते हैं ये लो ब्यूटाइलिन और ये लिख दिया आपने पांच मेंबर की रिंग ठीक है बेटा ओके क्लियर है चले आगे नेक्स्ट चलते रहो चलो लाइक करो लाइक करो लाइक like करो एनर्जी कम हो रही है मेरी लाइक like करो जल्दी जल्दी लाइक like करो जल्दी जल्दी लाइक like करो डाईन ये देख लो यार दाई इताएलीन, दाई इताएलीन, मतलब दो इथाइलीन ग्रुप है एक दो और ट्राई इनको कनेक्ट करोगे तो तीन जगह एनएच लगा कनेक्ट कर दो बीच में एक एनएच लगा दो तो वो कनेक्टर हो गया बाकी दो साइड के हो गए बन गए पांच पांच की दो ट्राई इन ट्राई इथाइलिन तीन इथाइलिन ग्रुप ले लो एक दो तीन कनेक्ट करो दो एन से कनेक्ट हो गए और दो कॉनारा पे और लगा दो बन गया ये तीन मेंबर की तीन रिंग बन गई पांच पांच मेंबर की चले आगे ये रहा वो डाई पिरीडिल जिसकी मैं बात कर रहा था पीरिडिन क्या होता है एक नाइट्रोजन डाई पिरीडिन मतलब दो नाइट्रोजन ऐसे दो को जोड़ दो सॉरी दो रिंग डाई पिरिडिन, एक पिरिडिन, दो पिरिडिन जोड़ दो दो जोड़ पांच मेंबर की रिंग बन दो हो जाएगी जाएगी डेंटिसिटी हो ये हम कर ही चुके हैं रिंग फॉर्मेशन जो है चिलेट लिगेंड है ये हमारे पास था हम हटा देते हैं इसको मैंने आगे बता दिया है ये और चाहो तो कर लेना यार कितना करोगे छोड़ो ना अब इसलिए कर सकते हो कि अब हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको है ना अब हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अब सारे कर सकते हो तो कितने बारह ये हैं चार पांच वहां दे दिए सोलह सत्रह सवाल मैंने नंबर, नंबर के दे कर इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हमको पढ़ने हैं उसके बाद हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे दो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स और वो कौन से दो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है ये रहे एक ये रहा डाई मिथाइल तो यहां तक तो हम पढ़ चुके थे कि भैया इसमें से हाइड्रोक्साइड माइनस यानी बेसिक मीडियम करके हम क्या करेंगे एक यूनिट बना लेंगे ऐसी दो यूनिट आपस में जुड़ जाएगी तो ये डाइमर बना देगा तो ये डाइमर है अब आप एक यूनिट पे फोकस करना पहली चीज मैं बता रहा हूं एक यूनिट पे ही फोकस करना ये तो कॉम्प्लेक्स है बेटा ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है अब आप बोलोगे ऐसे कैसे तो मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि बैठकर पहले डीएमजी अलग बना रहे हैं नहीं एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं सुनो मेरी बात को एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें DMG मिलाते हैं, हैं, ठीक है, और और एक मिला मिला देते हैं, मिला लिया ऊपर से अमोनियम मिला लिया। अब आप देखना, जब डीएमजी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड गया तो बेसिक मीडियम गया और बेसिक मीडियम गया तो उसने डीएमजी को डीएमजी नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया होगा वो और वैसे दो डीएमजी नेगेटिव आपस में जुड़कर डाइमर बन चुके होंगे जब जब वो डाइमर बन जाते हैं तो सोल्ट में प्रेजेंट निकल जो होता है ना निकल उसको ट्रैप करके ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसका नाम होता है रोजी रेड पीपीटी या चेरी रेड पीपीटी का कलर आ जाता है इसमें और प्रेसिपिटेट क्यों क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वाटर इंसोलिबल होता है तो ये प्रेसिपिटेट आ जाता है प्रैक्टिस देखो एक टेस्ट ट्यूब निकल हैल्ट डीएमजी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों मिलाया क्योंकि उस डीएमजी को एमजी नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और फिर दो डीएमजी नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ गए ठीक ठीक है है बेटा और ये रहा मेटल ट्रैप हो गया अब तुम इसकी डेंटिसिटी कितनी बताओगे ये एक यूनिट है वो दूसरी यूनिट है क्या तुम डेंटिसिटी चार बोलोगे नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर चार बोलोगे यस एक दो तीन चार क्यों क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो कॉम्प्लेक्स का होता है कॉम्प्लेक्स तो ऐसा ही दिख रहा है जिसमें दो प्रेजेंट है एक साथ तो कोऑर्डिनेशन ही एक दो ही पांच की रिंग है ये, ये पांच मेंबर की रिंग है ये छह की रिंग है ये छह की रिंग है तो छह छह मेंबर की दो है पांच पांच मेंबर की दो है तो इसके लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं वो रहे सारे

निकल के अराउंड देखो आप NI के देखो. के अराउंड अराउंड देखो अगर आप देखोगे तो आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये देखो. ये देखो देखो सिर्फ इसके अराउंड चार बॉन्ड की जिमेट्री देखो. बाकी उस उनमें बाकी क्या पड़ा है उससे मतलब नहीं है हम तो मेटल के अराउंड स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है उसके अराउंड सिर्फ स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है देखो इस मेटल के सेंट्रल मेटल के अराउंड अरेंजमेंट कैसा है देखो स्क्वायर प्लेनर

ये सारे पॉइंट कभी भी इस कॉम्प्लेक्स के लिए पूछे जा सकते हैं बिकॉज ये हमारा सॉल्ट एनालिसिस पार्ट की वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आप क्योंकि Ni+2 प्लस टू का सॉल्ट भी हम ओ, उसका एन आई प्लस टू हम वहां पर टेस्ट भी करेंगे तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है Ni+2 प्लस टू का कॉम्प्लेक्स बनता है चले आगे नेक्स्ट 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 इसी तरह से EDTA के बारे में भी जान लो इथमिन हम टेट्रा वाले की बात कर रहे हैं जो कि हमारे काम का है तो नाम से पता चल रहा है है डोनर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चार ऑक्सीजन दो नाइट्रोजन है हा टोटल रिंग इसमें पांच होती है और पांचों की पांचों पांचों की पांचों पांच मेंबर की ही होती है जरा देखो इस मेटल के अराउंड देखता बेटा इस मेटल के अराउंड ऑक्टाहाइड्रल अरेंजमेंट है ये देख

ये अलग प्लेन में आ रही है देखो अगर जब भी रिंग्स अलग अलग प्लेन में होती हैं तो उसे बोला जाता है नॉन कोप्लेनर को, -प्लेनर। को प्लेनर का मतलब होता है साथ वाली नॉन शब्द लगा दिया तो प्लेन में नहीं है नॉन कोप्लेनर रिंग्स जब भी प्रेजेंट होती है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है कॉम्प्लेक्स और ये आपने ऑर्गेनिक में सीखा होगा नॉन कोप्लेनर रिंग्स जब भी प्रेजेंट होती है तो हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं तो इडीटी कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली ऑप्टिकली एक्टिव रीजन है ये वाला जब भी डोनेट करेगा तो ऐसे रिंग बनाएगा मुझे बताओ लिगेंड कितना आया लिगेंड कितना आया एक बॉन्ड कितने बना दिए छाई ले, ले, भाई, ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई लिगेंड कितना आया एक बॉन्ड कितने बना दिए छे मतलब ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अगर ईडीटीए चाहिए तो कितने लेके आऊं ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है मुझे किसी के साथ तो कितने एडीटीए की जरूरत पड़ेगी मुझे ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कितने EDTA की जरूरत पड़ेगी छ की या एक, की? की, या एक, की? की, या एक की? की या एक की एक की बस यही सवाल पूछा यही मेंस में सवाल पूछा कि कैल्शियम को कैल्शियम का ई के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कितने ई रिक्वायर्ड होंगे कैल्शियम को ई कॉम्प्लेक्स बनाना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है कितने ई की रिक्वायरमेंट होगी पहला ऑप्शन छह दिया था उन्होंने क्योंकि दुनिया को लगता है ऑक्टाहेड्रल छह बॉन्ड छह लिगे डक ना 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 डक नहीं वो हो गया तेरा एक ही जरूरत होती क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का मतलब नॉट छह लिगेंड सिक्स सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और अगर छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की औकात एक अकेला रखता है तो लिगेंड तो एक ही चाहिए ना बेटा फिर एक लिगेंड चाहिए समझ आ गया बेटा ये ले ये रहा जेई का सवाल हाउ मेनी एडीटीए लिगेंड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम ले लो तो सवाल कितने लगा दूं इस पे मुझे नहीं पता था ये सवाल लाया हूं मैं सवाल लाया होता तो मैं आंसर हो गया वन हाँ आंसर सी है बट एक चाहिए हमको ओके बेटा चलिए नेक्स्ट और क्या लिखा हुआ है ये कैल्शियम एडिटी कॉम्प्लेक्स इज यूज टू रिमूव लेड पॉइजनिंग ठीक है और सोडियम एडिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर हार्डनेस को ये इनके यूज हैं देख लेना बेटा है ना आपके लिए कुछ चीजें जो है मैं अच्छी अच्छी भी लेके आ रहा हूँ बहुत अच्छी अच्छी लेके आ रहा हूँ कुछ सवाल करना चाहोगे आ जाओ फिर विच ऑफ लिगेंड इनमें से कौन लिगेंड नहीं हो सकता ये इसको मैं बता देता हूँ मतलब लोन पेयर होना चाहिए लुइस बेस जो होते हैं ना, वो लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं बेटा ये अमोनियम आयन है ये कभी लिगेंड की तरह काम कैसे करेगा मुझे बताओ अमोन नाइट्रोजन अपना पेयर एच प्लस को ऑलरेडी दे चुका और तुम सोचोगे h दे देगा हमें लोन पेर किसी के पास लोन पेर नहीं किसी के पास लोन पेर नहीं है तो ये कभी भी लिगेंड नहीं हो सकता यस yes, no होता है co होता है और इथाइलीन डायमीन तो होता ही है आंसर हो जाएगा तो आ जाओ फिर cn ये बच्चा सवाल पूछ रहा था cn- इजल मोनोडेंटेड एम्बिडेंटेड पाई एसिड लिगेंड तो आंसर है ऑल ऑफ दीस अब सर ये पाई एसिड क्या होते हैं

वो non, वो नॉन क्लासिकल हो गए नॉन क्लासिकल पाई एसिड लिगेंड्स होते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या करते हैं बेटा जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इथिन होता है सीओ हमारे सिलेबस में सिर्फ सीओ है साइनाइड भी उसी में आता है सी सिक्स एच सिक्स भी ऐसा काम कर सकता है पी आर थ्री ए एस आर थ्री भी कर कर सकते हैं सिंपल सा फंडा है लिगेंड्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल बाय बैक डोनेशन फॉर्म पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट्स वाई नॉन एज पाई एसिड लिगेंड ऐसे लिगेंड जो वापस मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी को एक्सेप्ट करके एक नया बॉन्ड बना सकते हैं पाई जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग क्या बोलते हैं बेटा इसको बैक बॉन्डिंग नए नाम सीख लो बैक बॉन्डिंग बैक डोनेशन वापस से डोनेशन हुआ बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग से हमेशा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बेटा बैक बॉन्डिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है हमेशा पाई कोऑर्डिनेट पाई कोऑर्डिनेट सिनर्जिक बॉन्डिंग पाई डेटिव भी बोल सकते हो कोऑर्डिनेट को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं तो सिनर्जिक बॉन्ड बोल दो बैक बॉन्ड बोल दो डेटिव पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दो पाई डेटिव बॉन्ड बोल दो ये इधर जा रहा है वो नहीं है ये सिग्मा है इधर वाला सिग्मा है तो ये तो हो गई इसके साथ-साथ अगर उधर से भी लेना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं बेटा नॉन क्लासिकल तो साइनाइड आयन जो है वो बताओ क्या पाई एसिड लिगेंड हो सकता है तो यस अगर आंसर ऐसा है तो ऑल ऑफ दिस बोल देंगे ऐसे डोनेशन से ऑक्सीडेशन नंबर पे असर होगा आंसर है नो क्योंकि ये रेजोनेंस होता है ये चलता रहता है बेटा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये टेम्परेरी बॉन्ड होता है स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस होता है तो हम कंसिडर नहीं करते वो चीज को है ना तो इतना मत लगाओ दिमाग तुम ही फंसोगे मेरा तो कुछ नहीं एडिटए इज ए पॉलीडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड या 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 एडिटए जो है वो चारों में तीनों सही है पॉलीडेंटेड तो होता ही है चिलेटिंग भी होता ही है रिंगे बना रहा अभी इतनी सारी बना ली और फ्लेक्सिडेंटेड भी मैंने एटलीस्ट एडिटए के लिए तो बता ही दिया है ना कि दो बता दिए चलो मैंने बाकी तो नाम लिख दिए थे दो बताए थे ये 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 देख लो ये सवाल करके फिर ब्रेक दे देते कोई दिक्कत नहीं 10 दस मिनट का द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ई सी एन फाइव एन ओ एस इज अब बताओ ये सवाल अभी रहने दो बेटा अभी नहीं होगा ये आ? अभी नहीं होगा ये इसको रहने दो इसमें कुछ लपड़ा है अभी नहीं होगा ये हम बाद में करेंगे को तो हटा दो मैं ये कॉम्प्लेक्स वापस करवा दूंगा जब बता दूंगा अभी नहीं होगा थ्री हाँ ये स्पेशल केस है याद कर लेना एनओ जो होता है ना बेटा वो थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर होता है याद कर ले स्पेशल केस मैं सवाल इसलिए लाया हूं कि कभी डायरेक्ट ऐसा सवाल आ जाए तो तुम क्या करोगे तो एनओ जो होता है ना वो थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जनरली सब दो दो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करते हैं मेटल को क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है दो ही इलेक्ट्रॉन ये तीन इलेक्ट्रॉन देता है बेसिकली इसके पास जो बॉन्ड होता है ना उसमें एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी को डोनेट करता है एक ऐसा बॉन्ड होता है जो टू सेंटर थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है ये उसी को डोनेट करता है तो इसीलिए इसको थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते तो इसका ध्यान रखना एनो जो है ना एक स्पेशल केस है कि तीन इलेक्ट्रॉन देगा अब हालांकि का मतलब दो ही होते हैं, लेकिन इसके पेयर का अलग कहानी है ये का मतलब तीन निकाल के देता है। एक बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉन मारता है, है? इलेक्ट्रॉन होते दो ये महाराज तीन इलेक्ट्रॉन देते हैं तीन इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और किसी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है एनो 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 बाकी सबके लिए नो सिर्फ नो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होता है स्पेशली सवाल लेकर आया हूं ताकि आपको ये चीज याद रह जाए चल मतलब मैं अगर ये बोलूं ऐसे सवाल किए होंगे आपने कि हाउ मैनी ऐसे बड़े बड़े सवाल हाउ मैनी एनओ आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस All ऑल in CO CO six सिक्स बताओ बताओ इस वाले में कितने एन रिक्वायरमेंट होंगे अभी ये अभी देखो मैंने कुछ नहीं सिखाया मैं तुमको अभी बता दूंगा क्या करना है इसमें लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग अगर ये छह है तो इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया होगा अगर ये छह हैं, तो इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन दिए होंगे बारह इलेक्ट्रॉन तुमको तो बारह इलेक्ट्रॉन का हिसाब पूरा करना है ये थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर है यानी अगर तुम चार से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो गया काम तुम्हारा तुम। तो आंसर क्या हो जाएगा फोर ये चार इंटू तीन बारह हो जाएगा आंसर हो जाएगा फोर और no will be required. ये लो कर लिया तुमने ऐसा हो अरे भाई बारह ये बारह इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि ये तो टू इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये बारह दे रहा है हमको तो बारह से बारह का हिसाब क्लियर करना है भाई ये जुड़ेगा तो इसको वापस ये बोलेगा ना मेरे बारह इलेक्ट्रॉन लेके बारह इलेक्ट्रॉन कैसे देगा ये ऐसे दे देगा बोले मैं तो चार चार ही काफी हूं मैं तो चार ही कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं अपन तो तीन इलेक्ट्रॉन देते तेरे को बारह इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मैं तीन दे रहा हूँ ले चल तो बोले चार ही आओ फिर कोई दिक्कत नहीं आ जाओ आ जाओ सीधा हिसाब और ऐसे सवाल होते ही नहीं है ऑफ द फॉलोइंग आर क्या क्या ही सवाल पूछा भाई साहब एरा तेरा क्या ही सवाल पूछा है बाकी हमने जो भी अभी सेगमेंट पढ़ा है चिलेटिंग लिगेंड्स अमंग द फॉलोइंग आर मुझे लगता है इसमें उसने ऑप्शन गलत किया है डाई एन भी चिलेटिंग होता है ये भी होता है ये भी होता है ऑल ऑफ दीज लिख देना इसको है ना इसने क्या किया है ऑपरेटर ने ये हो सकता हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो यहाँ लगे हुए हो उसको लगा कि इनको अपन ऑप्शन बना लेते हैं ऑल ऑफ दीज कर देना बेटा है ना ऑल ऑफ दीज ये सारे हैं सारे सही हैं इसमें अब हम अगला पार्ट जो शुरू करेंगे ना बेटा वो करेंगे हम सिनर्जिक बॉन्डिंग और आई का नोमन ठीक है और इस और 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 मैंने कुछ यहाँ पर कुछ नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में कुछ बात जो है वो मैंने मैं और बता देता हूँ तुमको आ जाओ या और अगले में हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में लिगेंड से मेटल सिग्मा जाएगा वापस आएगा पाई अब देखो इसमें भी दो कैटेगरी आ गई ये वापस अगर एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करते हैं ये जो लिगेंड है अपने एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करते हैं तो ये हो सीओ सी एन एनओ एनओ प्लस तो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन फिल्ड डी ऑर्बिटल उसके तो भरे हुए डी होंगे बेटा अरे भाई उसका तो भरा हुआ डी होगा मेटल का तो भरा हुआ डी होगा एंड ऑफ मेटल एंड द वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड पाई स्टार समझते हो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पड़ी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी तो ये अपने खाली पड़े हुए एंटी बॉन्डिंग में ले सकते हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डाउट तो आया होगा कि सर ये वापस कैसे ले रहे हैं ये तो सेकंड पीरियड वाले हैं इनके पास तो वैकेंट डी और होता ही नहीं है सर ये कार्बन सेकंड ऑक्सीजन सेकंड कार्बन सेकंड नाइट्रोजन सेकंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेकंड सब सेकंड पीरियड के हैं तो सर ये जब बैक डोनेशन वापिस ले रहे हैं तो सर ये खाली डब्बा कहां से ला रहे हैं सर ये तो सेकंड पीरियड वाले हैं सर ये कैसे बना लेंगे सर तो मैं बोलूंगा

तो कॉम्प्लेक्स को तो स्टेबिलिटी मिल रही है इनका भले ही कम हो गया हो भाई मेरे कान में जन बज गए मैं ज्यादा जोर से बोला जो सब बज गया मेरे मेरे को लग रहा है आप ज्यादा दिन के नहीं है हाँ कान 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 ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं सोचना तो टाइप ता, ऑफ पाई बॉन्ड जो एक्चुअली ये पाई बनेगा वो उसका टाइप क्या हो मेटल का देगा बेटा डी डी और ये कहा लेंगे P तो d p पाई, पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग होगी कौन से टाइप की बैक बॉन्डिंग होगी बेटा D पाई पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग हाँ और हम इसमें से कौन सा पढ़ेंगे अभी जब ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे और क्या नाम है एनसीआरटी में कैसे दिया हुआ है कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स क्या नाम लिखा हो बेटा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स तो ये हमारे काम के नहीं है बस ध्यान रखना ये इसके भाई है लेकिन हमें एक्चुअल में इस बॉन्डिंग को कहां पढ़ना है कार्बोनिल में पढ़ना है तो पहले से सोच के चले जाओ जब मैं वापस आऊंगा तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल शुरू करूंगा वो किस तरह की बॉन्डिंग होगी एक तो सिग्मा होगा ही वो ये डोनेट करेगा वो तो सिग्मा होगा ही जो रिटर्न वाला बॉन्ड होगा वो होगा डी पाई पी पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग उससे क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा ये हम आके करेंगे अभी आपके दिमाग में डाउट आया कि सर चलो ये तो मान लो सर सेकेंड पीरियड के हैं तो इनके पास तो वैकेंट डी ऑरबाइटल नहीं था तो इन्होंने वापिस जो लिया वो अपने एंटी बॉन्डिंग में ले लिया सर लेकिन सर अगर कोई थर्ड पीरियड का हो तो अगर सर कोई थर्ड पीरियड का हो तो तो मैं बोलूंगा उसके पास तो वैकेंट डी है तो सर आप ये कह रहे हो कि वो इसके डी से लेगा मेटल के तो डी से ही लेगा वो तो कहीं नहीं जा रहा मेटल तो डी से ही देगा तो सर आप ये कह रहे हो कि फिर वो तो अपने वैकेंट डी में ले लेंगे मैंने कहा हाँ तो मैंने कहा मतलब वो देंगे भी डी से मेटल देगा भी डी से बिल्कुल देगा और वो लेंगे भी डी में बिल्कुल लेंगे तो सर फिर वो वाली बॉन्डिंग कैसी हो गई अरे तो डी पाई डी पाई हो गई ना फिर ये देखिए लिखा हुआ है ये देख लिखा हुआ है ये देख ये देख थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बाय द ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड यहां तक तो कॉमन है कि मेटल के तो फील्ड डी ऑर्बिटल है है यहां तक तो कॉमन जो चीज बदली है वो ये बदली है कि इन्होंने जो अपना रूम दिया है वो रूम अलग टाइप का है बेटा वैकेंट ऑर्बिटल इन्होंने डी प्रोवाइड करा दिया क्योंकि इन्होंने कहा हम क्यों पड़े एंटी फोनिंग के चक्कर में यार हमारे पास खाली डी पड़ा है ना हम डी ले जाओ तुम और ये पी ब्लॉक में लिखी हुई बात भी है एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली में लिखी हुई बात है ये ठीक है कि ऐसे लिगेंड्स जो होते हैं ये मेटल से डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में और किस तरह की बॉन्डिंग दिखा सकते हैं डी पाई डी पाई टाइप की बॉन्डिंग दिखा सकते हैं इन लिगेंड्स में डोनर एटम सेकेंड पीरियड का नहीं हो सकता क्योंकि देर इज नो डी ऑर्बिटल अवेलेबल इन सेकेंड पीरियड ये डी यहां पे इस तरह की बॉन्डिंग जब भी होगी पाई डी पाई तो यहां पे सीओ सी एन ये नहीं हो सकते चले बेटा नेक्स्ट हो गया ये अब मैं आपको ब्रेक दे के जा रहा हूं है ना और अगले में अगले पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं ये सिनर्जिक बॉन्डिंग वो भी किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में और वहीं से सवाल आएगा और कैसे सवाल आएंगे वो बता दूंगा यहीं से सवाल आएगा इस इस पूरे सेगमेंट में से सिर्फ कार्बोनिल्स के लिए सवाल पूछा जाएगा तो जस्ट आपको पंद्रह मिनट का ब्रेक दे रहे हैं सिर्फ पंद्रह मिनट का जो करना है कर लो भी नहीं दे रहे रहे हो चलो ले लो यार लो सात पांच तक हैं तब तक मैं लिख दिया है सात पांच तक ब्रेक है मैं तब तक ये स्लाइड वाइड चेंज कर लेता हूं ठीक है चाय वाय पी लेता हूं आ जाओ आ जाना सारे कसम है तुमको लाइक करके जाओ लाइक करके जाओ भैया लाइक करके जाओ सारे लाइक करके जाओ जल्दी भाई चले आगे बॉन्डिंग शुरू करें बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स जिसको अपन क्या बोल सकते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग अभी क्या होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग पहले तो मुझे बताओ सिनर्जिक बॉन्डिंग में किस टाइप मेटल कार्बोनिल बोल दिया बेटा क्या बोल दिया हमने मेटल कार्बोनिल मतलब हम वो जो नॉन क्लासिकल लिगेंड है ना उसमें से सिर्फ कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं मेटल कार्बोनिल का मतलब है उसमें से कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं ओनली CO कार्बोनिल का मतलब क्या होता है सीओ यानी कि हम जो वो दूसरे तरह का हमको ढेर सारे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स याद रखने की जरूरत नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड पे फोकस करो सीओ पे फोकस करो <coughs> पर आप भी गुवाहाटी आ रहे हो क्या उनतीस को नहीं भाई मेरे पास ऐसी कोई सूचनाएं नहीं आती ठीक है मेरे पास नहीं आती भाई अलग अलग चीज के लिए अलग अलग लोग बनाए हुए हैं अपना अलग से काम है कभी आएंगे तो बता देंगे जब सिस्टम को लगता है मैनेजमेंट को लगेगा तो हम भी आ जाएंगे बेटा ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है जाओ यस ये देख ये मेटल है ये क्या करेगा फिल्ड और फील्ड और बाइटल बाइटल मान लो ये और ये किस में एक्सेप्ट करेगा ये इसके एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करेगा एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार लिखा हुआ है ना बेटा जिसको पाई ए बी एम ओ लिख सकते हैं ये पाई एबीएमओ एक्सेप्ट करेगा ठीक है अभी सिखाया था कि सिग्मा तो ये दे ही रहा है इस वाले बॉन्ड से तो हमको लेना देना ही नहीं ये तो सिग्मा बन ही रहा है ये वापस जो ले रहा है ये इस तरह से किस तरह की हो रही है बताओ किस तरह का पाई बॉन्डिंग बन रहा है कौन बताएगा ये वाला जो पाई है इस पाई का टाइप बताओ क्या बनेगा बेटा डी पाई पी पाई टाइप की बॉन्डिंग है या नहीं है अभी थोड़ी देर पहले बताया था जाने से पहले ये बताया था क्या ये डी पाई पी पाई है यस yes. दीपाई दीपाई है, ओके तो अब बात क्या है वो सुनो क्या मजबूरी फंसी होगी मेटल को इलेक्ट्रॉन उसको क्या, तो क्या मजबूरी हो गई जो उसको कह रहा है कि तू भी ले ले यार मेरे से क्या मेटल मतलब लिगेंड जाके वहां पे लिगेंड जाके ये थोड़ी बोल रहा है कि ला दे ही दे तो मजबूरी किसकी मेटल की मजबूरी है अगर लिगेंड को वापस लेना पड़ रहा है तो ये मजबूरी किसकी है ये लिगेंड की मजबूरी नहीं है यह मजबूरी है मेटल की कि मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए मेटल उसको वापस दे रहा है कह रहा अच्छा मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब मैं तीन कंडीशन आपको बताता हूं मैं तीन कंडीशन बताता हूं बेटा मैं तीन कंडीशन बताता हूं मैंने कुछ नहीं सिखाया अभी तक मैंने सिर्फ देसी भाषा में सिखाया है मेटल की मजबूरी वापिस देना इज मेटल की मजबूरी अगर ये छोटा सा एम डीजे समझ आ गया तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ऑर्डर कौन बताएगा मुझे एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग मैं लिख रहा हूं यहां पर एक चीज मुझे ऑर्डर बताना है मुझे ऑर्डर बताना है एम प्लस एम जीरो जल्दी बताओ मैंने कहा ये वापस देना मेटल की मजबूरी है मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा देगा मुझे ऑर्डर बताओ किसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी कौन बताएगा जो मुझसे पहली बार पढ़ रहा है वो भी उसे भी समझ आ जाएगी ये बात तो छोटी सी चीज बोली किसकी मजबूरी ज्यादा होगी किसकी ज्यादा होगी बेटा मेटल तो प्लस में रहना चाहता है प्लस वाले मेटल को क्या जरूरत पड़ रही है सिनर्जिक बॉन्डिंग की तो सबसे कम करेगा और जीरो वाला उससे ज्यादा करेगा और ये वाला ऐसा करेगा जरा बताओ ये जीरो और माइनस होना क्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स हम बोल सकते हैं बेटा मेटल्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जिसमें मेटल जीरो में और माइनस में हो सर माइनस में मेटल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स है मुझे बताओ मुझे बताओ क्या पाई एसिड लिगेंड एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है बेटा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है पाई एसिड लिगेंड्स मुझे बताना सही है या गलत मुझे बताना पाई एसिड लिगेंड्स कैन स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन कैन स्टेबलाइज मेटल्स इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यस और और नो इट इज ट्रू फॉल्स ये ऐसा सवाल बना देगा वो कि पाई एसिड लेगेंड मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं यस और नो सही है या गलत ट्रू ये ट्रू ये लो मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी और सबसे टॉप नॉच का क्वेश्चन करवा दिया इसमें सबसे टॉप नॉच टॉप नॉच लेवल है ये इस सिनर्जिक बॉन्डिंग का सबसे बेहतरीन सवाल बन सकता है अगर ये वाला स्टेटमेंट बन के आ जाए तो इस पार्ट का सबसे बेहतरीन सवाल आपके सामने है मैंने मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया सिर्फ सिर्फ इतना बताया कि वापस देना इज अ मजबूरी ऑफ मेटल द मजबूरी इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है कम का मतलब माइनस है ना जीरो प्लस ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे बढ़ती है बेटा ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे बढ़ती है। समझ आ रही है बात तो इसका मतलब है आपसे पहला सवाल तो यह पूछ लेगा एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ऑफर्जिकॉन्डिंग रही दूसरा सवाल पूछ लेगा क्या पाई एसिड लिगेंट्स जो होते हैं मतलब नॉन क्लासिकल लिगेंट कौन सा कैसे नॉन क्लासिकल जितने नॉन क्लासिकल अभी आपके लिए तो सीओ पे पूछेगा सवाल लेकिन जितने नॉन क्लासिकल लिगेंट होते हैं वो वापस ले लेते हैं कुछ नहीं बताया मैंने अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यहां देखो यह है पुराना रिश्ता यह है नया रिश्ता देखो कार्बन ऑक्सीजन का मतलब है पुराना बॉन्ड पुराना रिश्ता और कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो यह है नया रिश्ता अभी बात करते हैं पुराने रिश्ते और नए रिश्ते हरा कलर हम्म हु, मुझ पे यह किसने हरा रंग डाला मार डाला मार डाला ओ हो मार डाला लो। अगर बात समझ आ गई हो तो सुनो मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं अभी सब क्लियर हो जाएगा ई रहा मेटल ई रहा कार्बन ई रहा ऑक्सीजन हम नए रिश्ते और पुराने रिश्तों के बीच में एक दीवार डालेंगे हम नए रिश्तों और पुराने रिश्तों के बीच में एक दीवार डालेंगे अभी आपने कहा ये तो सिग्मा है ही अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो ये इसको एक्सेप्ट इधर देगा और कहां देगा इन एन टू बॉन्डिंग इन टू एबीएमओ ये कहां पे देगा एबीएमओ में देगा कहां पे देगा बेटा एबीएमओ में तो यहां क्या लिखेंगे एक्सेप्ट इनटू टू एबीएम एबीएम ओ में एक्सेप्ट करेगा तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीज बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीज अभी ये ले रहा है वापिस वापिस वाले बॉन्ड की बात करें इसको मत इसको भूल जाओ ये तो खेल खत्म है इसको मत इसको कुछ नहीं करेंगे ये अपना प्यारा बॉन्ड है ये तो चुपचाप बेटा है अरे हमारा काम हो रहा है इधर वाला बेटा इधर वाला जब ये वापस जा रहा है तो किधर एक्सेप्ट कर रहा है ये बॉन्ड ऑर्डर तो किसके बॉन्ड ऑर्डर पे असर आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ पे असर आएगा जब जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी जब जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो बेटा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे और जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी घट जाती है तो फिर लेंथ बढ़ जाएगी दूरियां बढ़ जाएगी बेटा पुराने रिश्तों में पुराने रिश्तों में मजबूती कम आएगी ऑर्डर कम हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन पुराना रिश्ता है बेटा ये घर वाला है वो बाहर वाला है जब बाहर वाले से संपर्क ज्यादा होता है तो घर के रिश्ते जो होते हैं पुराने वो कमजोर होता है बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया और दूरियां बढ़ गई बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो आपसे पूछे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन ऑक्सीजन की लेंथ पे असर आता है यस क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है क्या हो जाती है बेटा इंक्रीज हो जाती है अब ये जो नया बॉन्ड बन रहा है इधर तो रिश्ते सुधर रहे हैं भाई अबे नए रिश्ते तो नए रिश्ते तो सुधर रहे हैं ये देखो एक बना था वो एक्स्ट्रा और बन रहा है तो इसका मतलब इधर तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है भाई इधर तो नए नए जो मजा आ रहा है स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और नजदीक यहां भी बढ़ रही है मने दूरियां घट रही है मने दूरियां क्या हो रही है बेटा घट रही लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो हैं लाइक करो रे भाई लाइक करो बहुत मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए ठीक है बहुत मेहनत करते हैं बेटा बहुत मेहनत करते हैं और तुम सेल्फीयां किसी और के साथ ले जाते हो बताओ यार ऐसे थोड़ी होता है चलो लाइक करो कुछ नहीं तो हम तो सेल्फियां वाले हैं भी नहीं चलो 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 चलो, चलो जल्दी यस आगे बढ़े <coughs> Yes. अब मैं सवाल पूछूं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ेगी एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो वो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या डायरेक्ट बोल देते हैं सी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग सॉरी मैंने आई थिंक कुछ गलत लिख दिया है यस yes, मैंने गलत लिख दिया सिनर्जिक बॉन्डिंग की बॉन्ड लेंथ जो है वो उतना ही बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी ना बेटा दूरियां बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी इंटरनल लेंथ ऑफ सीओ इंटरनल लेंथ का मतलब है सीओ लेंथ इस पर सवाल सबसे ज्यादा पूछता है वो सीओ बॉन्ड लेंथ का इंटरनल सवाल पूछता है यस yes. ऐसा कोई सवाल आया तो बता दोगे ये लो ये सवाल करके दिखाओ एक लिखा हुआ है वी सी ओ सिक्स माइनस एक लिखा हुआ है एम एन सी ओ सिक्स प्लस और एक लिखा हुआ है एफ ई सी ओ फाइव सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको इसको यह बताना है इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताओ जल्दी तो बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बताओ इस पर ऐसे ही सवाल आते हैं और किसी तरह के सवाल नहीं आएंगे बॉन्ड लेंथ पे पूछेगा है ना ये अगर मैं इसको ए बोल दूं इसको मैं बी बोल दूं और इसको मैं सी बोल दूं तो जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी लेंथ जो है उतनी ही ज्यादा होगी सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग ए में होगी तो ए उसके बाद सी उसके बाद बी जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा है ना ओनली टू टू थ्री परसेंट इंक्रीज होती बेटा टू सॉरी टू टू फाइव परसेंट इंक्रीज होती अच्छा मैं बोल दू मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ बोल दू तो मतलब नए रिश्ते की बात कर रहा है नए रिश्ते की बात कर रहा है नए रिश्ते की बात कर रहा है तो नए रिश्ते सुधर रहे हैं तो लेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब है नए रिश्ते में फिर ए हो जाएगा फिर सी हो जाएगा और फिर बी हो जाएगा बेटा नए रिश्ते सुधर रहे हैं इसलिए हमेशा ध्यान रखो कभी भी इसको सवाल को सोल्व करने से पहले ऐसे बना के ऐसे देख लिया करो तो इधर की दूरियां कम हो रही मतलब लेंथ कम हो जाएगी जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग ये उतना ज्यादा पास आएंगे और ये उतना ही ज्यादा दूर जाएंगे ठीक है बेटा ए सी बी ठीक है भाई बॉन्ड लेंथ पूछा है बेटा length. Length है स्ट्रेंथ नहीं पूछा स्ट्रेंथ पूछता तो अलग कर लो इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछना है अलग कर लो बात समझ आ गई एकदम आसान है तो मेटल कार्बन के बीच में जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं एक सवाल आया कि मेटल कार्बोनिल्स में ये जो मेटल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है इसमें कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं है ना? तो लिख देना बोथ यहां पे लिख देना नोट लगा के लिख देना नोट बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर आर प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन इन मेटल क्यों क्योंकि ये रहा कार्बन ये रहा ऑक्सीजन ये रहा मेटल ये यहां पे सीनर्जिक बॉन्डिंग चलेगी यहाँ सिग्मा चलेगा और इधर से आ जाएगा तो पाई आ जाएगा ये दोनों होते हैं बेटा क्लियर है ऐसा भी कोई सवाल आ जाए तो कर सकते हो दोनों टाइप के कैरेक्टर होते हैं उस बॉन्ड में सिग्मा भी होता है पाई भी होता है दोनों कैरेक्टर है बॉन्डिंग में चले आगे हो गया ये ऐसा ही पूछेगा वो ठीक है भाई अब एक शब्द आता है इफेक्टिव अटोमिक नंबर क्या है इफेक्टिव मतलब हिसाब किताब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब कितने तो गए हिसाब किताब क्या होता है कितने आए अगर आप ये हिसाब लगा देते हो वो आपका इफेक्टिव अटोमिक नंबर है कैसे निकालते हैं अभी सीखते हैं इतने गए मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियसली जाने का मतलब पॉजिटिव चार्ज जाने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए एक लिगेंड एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन देता है एनओ को छोड़ो वो तीन देता है एनओ वाली बात अलग है उसको तो पता ही है तो अगर कभी एनो आ जाए तो तीन काउंट कर लेना ठीक है अब देखो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब कितने गए कितने आए सिंपल वो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है अभी सबको सवाल करवा देते हैं आज वो फटाफट ये देखो एग्जाम्पल देखो सबसे पहले उसी का कैलकुलेट कर लेते हैं लो 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 इसका कैलकुलेट करें जल्दी हो जाएगा यही वाला कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है ये देखो सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना प्लस दो है सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अभी कितने गए कितना तो पहले इसके पास इसका number, यहीं करवा के बता दूंगा मां. ये लो. क्या है कि जितना मेटल का अटोमिक नंबर मेटल का अटोमिक नंबर माइनस उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने गए माइनस कितने आए प्लस इतने कितने गए कितने आए अब अगर कोई डेंटेड है तो चार इलेक्ट्रॉन आएंगे ना बेटा एक साथ देगा वो चार इलेक्ट्रॉन तो गलती नहीं करनी है इलेक्ट्रॉनों का हिसाब सही होना चाहिए अभी देखो कितना हो जाएगा ये देखो क्या ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता है कितना आ रहा है बेटा प्लस दो निकालना सिखा चुका हूं बार बार नहीं सिखाऊंगा ये पता होना चाहिए इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है एक लिगेंड है ना एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है ये पता होना चाहिए अब जरा देखो आयरन प्लस टू में है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है छब्बीस में से दो तो चले गए प्लस दो का मतलब अभी छह मिलकर बारह इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे ना बेटा तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बेटा थर्टी सिक्स लो, ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कितने गए कितने आए सिंपल फंडा यही हो और कुछ नहीं है ऐसे तो ऑप्शन में अगर थर्टी सिक्स हुआ तो डायरेक्ट टिक मार देंगे हम मार देना तू स एन आई ये देखो अभी इसको देखो प्लस दो दिख रहा है साफ साफ ये न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा प्लस दो हो गया ठीक है तो क्या हो जाएगा 28, इसका नंबर होता है दो कहे अब आए कितने अब बहुत सारे बच्चे इसको तीन इंटू दो कर देते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया ही गलत होता है कह रहा कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू टू कर दो अरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू टू क्यों कर दें कर देंगे मान लो पर तुम कोऑर्डिनेशन नंबर गलत निकाल दोगे तो मान लिया कोऑर्डिनेशन नंबर छह है इसका इंटू टू कर दो मान लिया कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू टू होता है इलेक्ट्रॉन्स लेकिन मैं कह रहा हूं, तुम कोऑर्डिनेशन नंबर ही गलत निकाल तो दिक्कत हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स पे कोऑर्डिनेशन नंबर मत करो इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है एक ई एन दो बॉन्ड बनाता है यानी कि एक ई एन चार इलेक्ट्रॉन देता है तो तीन ई एन बारह इलेक्ट्रॉन ही देंगे ना बेटा कितना हो जाएगा बताओ छब्बीस अड़तीस हो गया क्या इसका थर्टी एट टिक कर दे रहे थर्टी सिक्स टिक करने वाला है? चलो तो इफेक्टिव नंबर ऐसे निकालते हैं ये हमने कर ही लिया अब अगर ऐसा कुछ हो तो जैसे आयरन तो क्या है जीरो स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जीरो तो माइनस जीरो कर दो यार कोई नहीं गया आए ही आए हैं छत्तीस ये इफेक्टिव एन आई सी निकाल दो ट्वेंटी एट कुछ नहीं गया जीरो कर दो ट्वेंटी एट माइनस जीरो कितने हैं चार मतलब आठ इलेक्ट्रॉन हो गए लो छत्तीस जितने ये हैं उसके डबल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो अगर मोनोडेंटेड है तो ये लो बात समझ आ रही आसान है जो चौंतीस तो कहां से आ गया चौंतीस तो हिसाब किताब नहीं आ रही क्या तेरे को आगे बढ़ सकता हूं कोई डाउट है तो पूछ लो हो गया है जोड़ भागी हिसाब है फिर एक रूल ऑफ ई एन होता है बराबर हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनमिकली स्टेबल माना जाता है ऑक्टेट टाइप की चीज बताई इसने क्या बोला कि अगर किसी का मान लो लेट सपोज किसी का इफेक्टिव एटोमिक नंबर थर्टी सिक्स है ठीक है और नेक्स्ट इनर्ट गैस भी थर्टी सिक्स ही होती है थर्टी मतलब सिक्स अगर बराबर हो जाए साथ, साथ लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू दिविक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल इफ इट्स एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस ठीक है नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस ये उसने बोला कि नेक्स्ट इनर्ट गैस का अटोमिक नंबर के बराबर होना चाहिए लेकिन यह हमेशा ट्रू नहीं होता इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम लिगेंड्स आर एडेड टू सी एम आई एंटिल दी एम आई अचीव टोटल इलेक्ट्रॉन सेम एज इन द नेक्स्ट इनर्ट गैस ये कह रहा है कि फिर ऑक्टेट टाइप की चीज हो गई तो सिज्विक रूल ये कहता है कि सिंपल सी बात है तुम तो ये देख लेना कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है तो ई एन रूल फॉलो जैसे वो कह गया भाई कह रहा था ना छत्तीस थर्टी सिक्स आ रहा है तो ई एन रूल फॉलो है सिज्विक रूल फॉलो है थर्टी फाइव आ रहा है तो फॉलो नहीं होगा इसी तरह से कोई और इनर्ट गैस आ रही हो तो फॉलो होगा इनर्ट गैस नहीं आ रही हो तो फॉलो नहीं होगा ये चीज है ठीक है तो इन दिस रूल फेल्स इन मेनी केसेस बट इट वर्क्स बेस्ट इन स्टेबिलिटी बट इन इट वर्क्स बेस्ट इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स मेटल कार्बोनिल के, के केस में ये रूल बहुत बढ़िया काम करता है बेटा सारे मेटल कार्बोनिल ऐसा ही करना चाहते हैं ठीक है सारे मेटल कार्बोनिल जो है वो ऐसा ही करना चाहते हैं ये देखो जैसे एम एन सीओ सिक्स है अब एम एन सीओ सिक्स का तुम निकालोगे इफेक्टिव एटोमिक नंबर तो वो थर्टी सिक्स थर्टी सेवन आ रहा है थर्टी सेवन आ रहा है तो अब ये फॉलो नहीं कर रहा 37 के हिसाब से लेकिन ये मेटल कार्बोनिल ऐसे होते हैं इन्होंने कसम खा रखी होती है कि हम फॉलो करके ही रहेंगे तो ये बेचारा क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा थर्टी हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा छोड़ेगा तो क्या आएगा ऊपर प्लस आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है तो आपसे पूछे कि क्या एम एन सीओ सिक्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट टू बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा सर कभी ऐसा हो कि खाना पड़ जाए किसी को ये ले ले. सिक्स इट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कारण अगर तुम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हो तो थर्टी फाइव आता है निकालो एटॉमिक नंबर जीरो बारह जोड़ दिया थर्टी फाइव आता है अब ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा यानी कि अपना रिडक्शन करेगा तो कैसा हो गया बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये लो। थर्टी सिक्स करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन खाता है ये माइनस हो गया चले आगे ये एन रूल जो है लगभग खत्म हो रहा है कुछ जो है वो क्या करते हैं बेटा सम मेटल कार्बोनिल्स अंडर को डाइमराइजेशन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन कुछ नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए डाइमर बना लेते हैं जैसे एम एन फाइव है ठीक है वो जुड़ जाता है तो एम एन टू टेन हो जाता है अब इसमें चेंज क्या आया तो एम एन एम एन के बीच में एक चेंज आया और वो एक नया बॉन्ड बन गया डाइमर है तो एम एन एम एन के बीच में क्या आ गया बेटा एक नया बॉन्ड आ गया अब जब तुम इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब निकालोगे तो सबसे पहले दो दो का निकाल लो जैसे एक मैंगनीज मैंगनीज का 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 आपका एक एक एटॉमिक नंबर 25 तो दो का ऐसे जोड़ लो 50 वही फॉर्मूले में तू तू करते जाओ फिर मैंगनी जोड़ो तो जीरो अभी 10 मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे डाइमर का निकाल रहे हैं 10 मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे तो 10 इंटू दो बीस हो जाएंगे जो नया आया है ना वो ये आया है कि सर ये दो इलेक्ट्रॉन हमको इसमें एड करने ही पड़ेंगे सर ये दो इलेक्ट्रॉन किस बात के ऐड कर रहे हो तो मैं बोलूंगा ये एम एन एम एन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा अभी तक भी तुम यही तो कर रहे थे इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो, दो ऐसे करके तुमने बीस इलेक्ट्रॉन जोड़े है ना दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह दो सोलह अट्ठारह है ना है ना मतलब चौदह बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस ये 20 तो जोड़े तुमने अब 20 यहां जोड़े तो फिर ये कहां गए ये भी आएंगे ये दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए अब इसको हिसाब किताब बना लो कि एएन ऑफ एमएन वो एक का ही निकालना पड़ेगा ये तो 72 हो गया 72 तो बेटा दो मैंगनीज का है 72 तो दो मैंगनीज का है एक का निकालोगे डिवाइड बाई करोगे 36 हो जाएगा ठीक है ये लो एमएनसीओ5 कितना हो रहा 35 हो रहा ये एक और तरीके से भी कर सकता है अपना ई एन रूल फॉलो बताओ कैसे या तो वो डाइमर बना ले डाइमर बना के भी छत्तीस हो गया एक और तरीका है वो बताओ तुम बताओ एक और तरीका है जिससे ये बन, बना सकता है बताओ जल्दी बताओ एक और तरीका होता है जिससे ये काम कर सकता है कौन बताएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, थोड़ा सोच के बोल बेटा, 35 के 36 करने, एक इलेक्ट्रॉन खाना है उसको, ये क्यों ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये तो रिड्यूस होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर लेगा, पगलेट रिड्यूस हो जाएगा ऐसे बोल खुद रिड्यूस हो सकता है ये रिडक्शन से काम करता अपना रिडक्शन करवा के तो प्रोसेस आ गया कि अगर ये अपना रिडक्शन करवा ले तब भी ये काम कर लेगा और डाइमर बना के भी ये काम कर लेगा सिमिलरली मुझे बताओ ये बताओ जरा ये बताओ ये बताओ सिमिलरली ये बताओ मुझे CO है है ना CO CO4 है लो निकालो इसका इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय ये भी दो तरीके से स्टेबलाइज़ हो सकता है दूसरा तरीका यह है कि मैं इसका डायमर बना लू पीओ सी ओ एट देखो इसमें पूरा हो गया क्या पीओ टू सी ओ एट इसका मैं बना पहले ट्वेंटी जीरो एंड 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 प्लस सोलह एंड प्लस दो इलेक्ट्रॉन देखो जरा कितना हो रहा चौवन चौवन सोलह कितने हो गए सत्तर सत्तर दो बहत्तर ये लो, 72. तो यहाँ पे ई एन कितना हो जाएगा ए एन ऑफ सीओ कितना हो जाएगा बेटा 72 टू डिड बाई टू करोगे तो कितना हो जाएगा 36 चलो इसने डाइमर बना के पूरा कर लिया अब ये और भी क्या और क्या कर सकता है इसका करके देख लो पता लग जाएगा ये में जा सकता है ये भी डायमराइजेशन से अपना पूरा कर सकता है एक और तरीके से कर सकता है ये देखो ये सत्ताईस इंटू सत्ताइस 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 माइनस जीरो और ये कितना हो जाएगा आठ ये भी थर्टी फाइव हो रहा है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खा ले है ना एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले तो भी ये कितना हो जाएगा सीओ सीओ फोर और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस ये कितना हो जाएगा इसका ई एन निकाल लेना थर्टी सिक्स आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों हुआ मेटल मेटल का एक बॉन्ड एक्स्ट्रा ऐड होगा ना बेटा डाइमर में ये देख वैसा इसमें ऐड हुआ वैसा उसमें भी ऐड होगा डाइमर है तो मेटल मेटल का एक, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया एक्स्ट्रा बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए इसलिए वो ऐड कर रहे हैं हम बेटा है है ना अब ठीक ऐसा सवाल आएगा कर लोगे ठीक तो है तो इट कैन बी एन रूल को फॉलो कर सकता है बाय द रिडक्शन ऑफ इट सेल्फ एंड बाय द डाइमराइजेशन इन बोथ केसेस दोनों काम कर लेगा बेटा इलेक्ट्रॉन खाकर भी और और दोनों से भी स्टेबल हो सकता है चले आगे ये आपके लिए होमवर्क है बेटा कर लेना लिखा हुआ है होमवर्क ई एन कैलकुलेट कर लेना कर लोगे कि नहीं कर लोगे डाइमर वालों में कुछ नहीं करना दो दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ने कर लोगे आप तो सारा सिखा दिया बेटा यस यस और नो भरोसा करके जा सकता हूं ई एन रूल से क्वेश्चन आते हैं हाँ आते हैं बेटा भरोसा करके जा सकता हूं यस और नो कर लोगे पक्का स्क्रीनशॉट खींच लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा कब ढूंढोगे इसको वापस स्क्रीनशॉट ढूंढ के स्क्रीनशॉट खींच लो प्रैक्टिस कर लेना जो नो लिख रहे हैं वो यहां नहीं कहीं और पढ़े एक करवा दूं क्यों करवा दूं इतने करवा दिए एक करवा दूं क्यों करवा दूं एक करवा दूं कौन सा करवा दू ये करवा दू सी एस थ्री सिक्स ले करवा देता हूं कोबाल्ट कितना होता है है चले गए ठीक प्लस बारह ठीक है बता दिया एक वो उधर तो लिख लिख रहा है तू दूसरी बार लिखेगा इतने तो मैंने कर दिया सवाल ऑक्सीडेशन नंबर तीन आएगा ना इसका ये तो न्यूट्रल है अंदर तो जीरो चार्ज छूटेगा प्लस तीन आएगा पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल उसको माइनस कर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं जोड़ दे हो गया छत्तीस बन गया ठीक है यस ऐड करवा ही दूंगा ना मैंने कब मना किया नहीं करवाऊ विच इज नॉट ट्रू अबाउट द मेटल कार्बोनिल्स बताओ जल्दी बताओ कौन सा सही नहीं है मेटल कार्बोनिल्स के लिए जल्दी बताओ सीओ एक्ट एज लुईस बेस एज वेल एज लुइस एसिड <laughs> बेटा, अरे बाबा, ये तो कौन सी कौन सी डी पाई पाई होती है लेकिन पी पाई बैक बॉन्डिंग थोड़ी होगी मेटल अपना डी देता है मेटल तो अपना डी देता है समझे बाबा ले, ओम फोम कर ले सवाल सवाल आंसर चार मजा आ रहा है Next. ये तुम करो, लाओ। कि अगर किसी मेटल कार्बोनिल का ई ए एन छत्तीस है तो वो पूछ रहा है कि उसमें कार्बोनिल कितने बता दे और उसका एटॉमिक नंबर छब्बीस दिया हुआ है ये है तो तुम ई ए एन क्या बोलते हो तुम यही बोलते हो ई एन की छब्बीस माइनस ये ऑब्वियस सी बात है कार्बोनिल है तो जीरो होगा प्लस एक्स बराबर जीरो करके देख ले अब है सही है क्या नहीं है क्या नहीं सॉरी छत्तीस है सॉरी सॉरी बराबर छत्तीस अब करके देख ले करके देख ले तो एक्स बराबर आएगा छत्तीस माइनस छब्बीस बराबर दस इलेक्ट्रॉन अब दस इलेक्ट्रॉन मतलब पांच कार्बोनिल आंसर क्या हो जाएगा थर्ड दस इलेक्ट्रॉन मतलब पांच कार्बन हो गया बेटा सवाल हो गया तुरंत चलो इधर चलो आज आज भी सारे जल्दी बड़ा फट हाँ ये रहा वो सवाल द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सीओ सीओ फोर इज थर्टी फाइव हेंस लेस स्टेबल हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है इट अटेन्स स्टेबिलिटी बाय कैसे कैसे करेगा स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन Ox तो नहीं करेंगे हम इसका टाइमराइजेशन कर सकते हैं रिडक्शन भी कर सकते हैं आंसर हो गया भैया चार आंसर हो गया बेटे चार ओहो डर लग रहा है अब तक पता नहीं कहां पड़े थे ये सवाल तो हो ही नहीं रहे थे YouTube की उम्मीद सीरीज ने ऐसे सवाल करवा दिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ 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 ये सवाल लो ले भैया ओम फॉर्म द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स बताओ क्या तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा जरा बताइए जरा बताइए डब्बे के अंदर सारे न्यूट्रल हैं 0 0 हिसाब आ गया +2 तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हो गया +2 +4 काट +4 काट कोऑर्डिनेशन नंबर एक ई एन दो बॉन्ड बनाता है तो दो ई एन चार बॉन्ड बनाएंगे छह हटा दे तो 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 ये ले आंसर हो गया चार अगेन फोर ओ हो कोई पूछ रहा था ये जेई मेंस का सवाल है कि ऐसे सवाल आते हैं क्या सेलेक्ट बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड फ्रॉम द फॉलोइंग नो 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 यस मैं क्या करूं सारे आंसर चार आ रहे हैं मैंने नहीं बना के लाए भाई ठीक है किस्मत है को इंसिडेंस है कोऑर्डिनेशन Co कंपाउंड में को इंसिडेंस चलता है कोर्डिनेशन को इंसिडेंट चलता बेटा ये 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 चलो अगला रे अगला आला रे आला द तो ऑक्सीडेशन नंबर ये ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ देखो जरा तो दिखा साफ साफ ये एक बॉन्ड बनाएगा ये तीन बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया चार है कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया चार ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो देख लो इसको भगाओ माइनस तीन लेके भागेगा ये तो न्यूट्रल है कुछ नहीं लेके भागेगा इस पर प्लस आएगा बाहर एक माइनस पहले से दिया है हिसाब बना लो प्लस दो तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका प्लस दो तो ये 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 सोल्ट है बेटा क्या बोलते हैं इसको जीस सोल्ट देख लेना जिस सोल्ट का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा जिस सोल्ट है वो ठीक है इस माइनस को हटा के उधर के लगा देना के पी टी टू एच फोर सी एल थ्री ये 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 इनकरेक्ट अबाउट डीएमजी ओ माय गॉड ओ माय गॉड टेट्राडेंटेड पहला ही गलत लिखता है बदतमीज टीचिलेटिंग लिगेंड यस डोनर एटम इज नाइट्रोजन यस ग्रेविमेट्रिक डिटरमिनेशन ऑफ एनआई यस 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 yes, यस yes, पहला ही गलत लिख दिए बाबू है पहला ही गलत लिख दिए का ये 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 चलो आई तो नहीं पढ़ी लेकिन तुम फिर भी ये सवाल कर लोगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट अचिलेट तरह लगाओ दिमाग आई तो अब पढ़ेंगे लेकिन बताओ डाई मिथाइल ग्लायोक्म डीएमजी ओ माय गॉड बना देगा ये तो इथाइलिन डाई टेट्रा थायो साइनेटो इथाइलिन डाई टेट्रा थायो साइनेटो क्रोमेट ईएन है इथाइलिन डाई ईएन है बना लेगा ये भी

जो लोग बोल रहे हैं कि मुझे नहीं आता पढ़ाना उनसे बेटा सवाल हो रहे हैं होने तुमसे भी चाहिए अच्छे से हो रहे बेटा, मजा आ रहा बेटा दर्द तो नहीं हो रहा बेटा जलन तो नहीं हो रही बेटा कि इतने जल्दी कैसे हो रहे हैं सवाल ठीक है आगे बढ़े ये वैसा सा सवाल है जो हमने कर लिया है है ना ये आप होमवर्क कर लेना हम इसका मिलता जुलता एक सवाल कर चुके हैं बस ध्यान रखना बेटा वो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस प्लस तो बोल बोल रहा है। तो याद रहे, प्लस दो बोल रहा है है याद रहे इसका मतलब माइनस दो कर लेना आप एटॉमिक नंबर में से लाइक ये थर्टी फोर है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है तो आप इस सवाल को ऐसे कर लेना माइनस दो करके फिर प्लस एक्स कर लेना और बराबर इसने EAN बोल दिया है क्या थर्टी फोर नहीं ये थर्टी फोर तो ई एन है ये ट्वेंटी एट है अब कर लेना बेटा इसको अब हो जाएगा ये ठीक है yeah, yeah, yeah! पीछे वाले में फोर्थ ऑप्शन तो का मतलब क्या है मतलब ट्रांस। ट्रांस होता है सिस और ट्रांस तो ट्रांस लिख दिया उसने जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से तो ये उसका आईसोमरे जी आई है तो ट्रांसफॉर्म है तो ट्रांस लिख दिया सिस होता तो सिस लिख देता ठीक है अपने को उससे मतलब नहीं है ना अभी अभी आइसोमेरिज्म मेरी सबसे आखिर में करेंगे हम ये 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 और पहले तो क्या चल रहा है ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ एनआई बेसिकली

सही है सही है भाई बहुत ऑफ द बो यस 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 ओ हो 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 हा 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 लो बताओ ए आई पी एम टी दो हजार ग्यारह का सवाल तुम तो ही बता दो कि किसमें स्ट्रोंगेस्ट सीओ बॉन्ड है जहां पर पुराने रिश्ते मजबूत हैं जहां पुराने रिश्ते मजबूत हैं मैं पुराने रिश्ते की बात कर रहा है जहां पुराने रिश्ते मजबूत होंगे वहां नए रिश्ते नहीं बनेंगे और नए रिश्ते प्लस होने पर क्यों बनेंगे आ जाओ सेकंड मैं तो सीधी बात बताता हूँ इतना तो सोचना ही नहीं है पुराने रिश्ते मजबूत कब होंगे जब नए रिश्ते नहीं बन रहे होंगे प्लस वाले में नए रिश्ते क्यों बनेंगे क्लियर? कितना जल्दी सवाल हुआ जैसी सोचो फिक करो ये नए रिश्ते पुराना रिश्ता रा बाप रे बाप कैसा उड़ा रहे सवाल एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्यों करूं भाई मैंने पढ़ाया नहीं क्या एक्सप्लेन करूं पॉजिटिव होगा प्लस होगा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगी कम होगी लिस्ट और जब सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इनकी लेंथ नहीं बढ़ेगी इस तरफ वाली इधर सब कुछ नॉर्मल चलेगा जब नया कमजोर रहेगा नया कमजोर रहेगा तो पुराना मजबूत रहेगा ना बेटा करो वाह क्या कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ये तुम कर लेना होमवर्क तो क्या कर लोगे री ए आई री ए आई पी एम टी दो हजार पंद्रह का सवाल है देखो मेटल इन पहले इसको देखो ये कितने बॉन्ड बनाएगा चार ये कितने बॉन्ड बनाएगा दो तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हो गया क्या छे सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया छह दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं इसके जाने से कुछ नहीं होगा इसके जाने से माइनस दो जाएंगे तो पीछे प्लस दो आएंगे यहां से माइनस एक जाएगा तो पीछे प्लस एक आएगा ये प्लस दो और प्लस एक मिलकर कितना हो जाएगा प्लस तीन यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया क्या प्लस तीन और प्लस तीन और ये मिलके कितना हो जाएंगे नाइन तो सम हो गया नाइन हटा दो ठीक है बेटा चले आगे ए नहीं है बे हफ्ते मार दूंगा मैं हम पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर का और उसका तो प्लस दो इस पे चढ़ेगा बाहर से प्लस वन मिलके प्लस तीन तो छह और तीन नौ होंगे जल्दबाजी नहीं ज्यादा तेज नहीं चलना आराम से करो ज्यादा तेज नहीं चलना आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से जनता पलटी अब फटाफट से यह सवाल एनसीआरटी में एक चित्र दिया हुआ है एफई सीओ फाइव जो होता है ना वो ऐसा होता है बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये एफई सीओ फाइव क्या होता है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ठीक है एक सेंटर है मोनो न्यूक्लियर है अजीब सा सवाल नीट 2018 में बना दिया था मतलब लोग तो लॉजिक ढूंढ रहे थे लॉजिक था ही नहीं ना एनसीआरटी में एक चित्र दिया हुआ है तो उसने कहा एक सेंटर है जैसे डाइमर हो जाता है तो वो दो सेंटर हो जाते हैं डाइमराइज हो जाता है तो, तो ये मोनो न्यूक्लियर की कैटेगरी में डाल दिया उन्होंने मोनो न्यूक्लियर मतलब एक सेंटर एक सेंटर वन सेंटर मोनो न्यूक्लियर है ना ये कोई सवाल ऐसे मत सोचना कि ऐसे और कैसे सवाल आ रहे कुछ नहीं है भाई कुछ भी नहीं है ये तुम्हारा तो बायोलॉजी का सवाल है पर ये केमिस्ट्री में भी लिखा हुआ था इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बोला हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी ब्लड में जाता है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना होता है वो ऑक्सी हिमोग्लोबिन क्या होता है बेटा ऑक्सी हिमोग्लोबिन और ये जब जाता है तो कार्बन कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन बन जाता है और कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ओ टू से अच्छा सीओ लिगेंड है O2 से ज्यादा बढ़िया लिगेंड कौन है सीओ है तो जैसे ही ब्लड में सीओ जाएगी वो ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चिपक जाएगा कर गया आजा तो वो लेस स्टेबल नहीं होता वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है बहुत बहुत ज्यादा गुना चार सौ गुना ढाई सौ गुना तीन सौ गुना जो भी तुम पढ़ते हो बायोलॉजी में तो ये आंसर तो यही हो गया मुझे पता है जनता लिख दी जनता ने लिख दिया इट प्रोड्यूसेज डू टू द इनकम्प्लीट कम्बशन हाँ ऑब्वियसली अगर पूरी ऑक्सीजन देके कार्बन को जलाओगे तो सीओ बनेगी थोड़ी कम ऑक्सीजन देके जलाओगे तो सीओ बनेगा इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ लिया हो तो ठीक है तो आंसर हो गया सेकंड लाइक like करो लाइक like करो जो भी नया आए लाइक like करो भाई ईडीटीए के लिए नीट 2021 में पूछा सवाल है ईडीटीए यूनिडेंटेड अरे नहीं होता बाइडेंटेड नहीं होता ट्राइडेंटेड अरे नहीं होता हेक्साडेंटेड लिगैंड विद फोर ऑक्सीजन नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन आगे नेक्स्ट हम्म चलिए अब ये तो रिपीट हो गया जेई मेंस 2008 का सवाल है हम कर चुके हैं ये नीट में भी आ चुका है एज इट इज ठीक है इसमें इस सम नहीं पूछा इन्होंने ये देख लो जेई मेंस 2008 में पूछा हुआ सवाल है इसमें सम नहीं पूछा तो क्या आ रहा है इसमें कुछ आ रहा है क्या एनओ टू माइनस बाहर क्लोरीन था ऐसे कैसा सेम सवाल था याद है तो प्लस दो प्लस एक प्लस तीन तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस तीन है तो ये कट गया ये कट गया रेस्पेक्टिवली के हिसाब से और कोऑर्डिनेशन नंबर चार नहीं हो सकते चार ये दे, दे देगा दो ये दे, दे देगा तो चार प्लस दो छ हो जाएंगे तो छ और तीन यही मेन दो हजार आठ का सवाल था। दो में सवाल ओ हो 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 एग्जाम्पल ये हो गया थारामोर क्या चाहिए भाई इसको ये हो गया थरा मोर साल्ट और ये हो गया थारा पोटास तो कॉम्प्लेक्स है कैसा बनेगा सी यू एन एस थ्री फोर और साथ में बनेगा क्या एसओ फोर ये कैसा बनेगा एफी सी एन सिक्स और ये क्या सामने लग जाएगा के फोर तो ये तो होंगे नहीं तो ऐसी चलाओ गर्मी बहुत है आंसर हो जाएगा थर्ड ठीक है बेटा डबल सोल्ट का जेई मेंस दो हजार में पूछा हुआ सवाल शुरू करेंगे आओ आओ नेमिंग करने एस सी बहुत ज्यादा अंट शंट तरह की आई पढ़ने की जरूरत नहीं है काम काम की आई पढ़ेंगे क्योंकि तो मेन एग्जाम में आ सकती है उसी उसी तरह की पढ़ेंगे और फिर खत्म भी करेंगे इस वाले सेगमेंट को क्योंकि तो आई यू का सवाल चार ऑप्शन में से आसान है टिक करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुरंत हो जाता है देखते ही ऑक्सीडेशन नंबर ही गलत लिखी होती बाकी दो ऑप्शन में तो तो उनको क्या होता है कि एक सही बनाना होता है और तीन गलत बनाने होते हैं अब तीन गलत बनाने के लिए वो गलतियां क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर गलत करेगा नाम गलत लिखेगा कुछ तो करेगा ऐसी चीजें करता है तो पता करो एलिमिनेशन से किया करो जल्दी हो जाता है आदित्य पूछ रहा है कि अगर एडीटीए पे सवाल पूछे तो हाँ बाई डिफॉल्ट एडीटीए माइनस फोर वाला मानना है यार मैं तो ये सब करवाता भी नहीं था पता है एडीटीए के लेकिन बहुत सारे टीचर पंचायती कर लेते हैं पीएच बेसिस पे इसकी डेंटिसिटी चेंज हो जाती है अरे आती कहाँ है यार मेन एग्जाम में वो एडीटीए लिख के देगा तो एडीटीए फ्लेक्सीडेंटेड भले ही हो लेकिन एनसीईआरटी बोलता है क्या कोई फ्लेक्सीडेंटेड नाम का शब्द नहीं तो एडीटीए को एनसीईआरटी ने हेक्साडेंटेड लिखा हुआ और ये मैं भी जानता हूं कि 99 वो हेक्साडेंटेड होता है बाकी एक परसेंट में वो सारे केस आ जाते हैं उसके तो आपको बाय डिफॉल्ट उसको हेक्साडेंटेड ही मानना है मेरी गलती हो गई जबान फिसल गई जो मैं ले आया वो वाली स्लाइड दिमाग फिसल गया डिनर का ब्रेक मिलेगा मैं डिनर करके आज गया मैंने कर लिया था खाना भी पंद्रह मिनट में खा गया, गया मैं खटाक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का ई कैलकुलेट करवा दो उसमें क्या दिक्कत है जोड़ देना ना बेटा हेट्रोलेप्टिक का करवाने का क्या मतलब हुआ तुझे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं इतना तंग क्यों अरे मेरे बच्चे इतना तंग क्यों हो गया बता मेरे को किसका तेरे को जोड़वा के बताऊं बता किसका जोड़ू बता तू बता किसका जोड़ू तू बता तू कहे उसका जोड़ ले बता ये ले इतनी बड़ी बात थोड़ी बेटा ये देख इजा देख पता किसका जोड़ू इसका जोड़ू प्लेटिनम का ही जोड़ देता हूँ यह एन एस थ्री टू क्या चल उसका जोड़ लेते हैं कोबाल्ट वाले का वो अपन कर रहे थे ना ये एनसीआर टी में दिया हुआ भी है मुझे पता है कभी भी पूछ लेगा इसका कर लेते हैं ले चल ये प्लस वन क्या करना है इसमें कुछ भी नहीं क्या करना है इसमें ये देख ये जीरो ये गया माइनस दो ये प्लस दो मिलकर हो गए कितने प्लस तीन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस तीन कोबाल्ट कितना सत्ताइस माइनस कर दे तीन क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन तो गए अभी तेरे को ये समझ आ जाएगा कि ये क्या है ये दो से दो जगह ये दो बॉन्ड बनाता है एक साथ ये एक साथ दो बॉन्ड बनाता है तो दो कितने बनाएंगे चार बॉन्ड चार बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आठ और इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए चार तो ये बारह इलेक्ट्रॉन हो गए देख जरा कितने हो रहे हैं छत्तीस क्या दिक्कत है तुझे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने ना आज तो टाइम से पहले खा लिया भाई उस दिन भूखा रह गया था मैं <laughs> उस दिन टाइम नहीं मिला था भूखा रह गया था उस दिन दिक्कत एक और हो गई थी गोली खा ली थी भूखे पेट गोलियां खा ली थी और खाना खाने का टाइम नहीं मिला था तो बाद में बहुत हालत खराब हुई थी सुबह पाँच बजे के आसपास जब यहाँ से गया था तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो हैवी एंटीबायोटिक था तो उससे चक्कर वक्कर आए थे उस वक्त ऐसा लगा था भाई खाना खा लेना चाहिए ज्यादा चौड़ में था तू ठीक है खैर कोई बात नहीं आ जाओ आई यूपीएससी नाम शुरू करेंगे आई यूपीएससी शुरू करें लो दुनिया का हर रूल यही कहता है कि कैटाइन पहले लिखना होता है मैंने बता दिया क्या ही देखना है इसमें कि प्लस पहले लिखो रे माइनस बाद में लिखो पता ही है हमको अब अगर प्लस कॉम्प्लेक्स है तो भी पहले लिखेंगे नहीं है तो भी प्लस का नाम पहले ही लिखेंगे अगर कॉम्प्लेक्स माइनस है तो बाद में लिखेंगे ठीक है अगर कोई कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है देखते जाओ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल सा फंडा चलता है और वो फंडा क्या है वो सीख लो इस सबसे पहले आपको करना क्या होता है इसमें सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है इसमें आपको इसमें आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखने होते हैं जिसको लिखना होता है जैसे बाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस तरह के नंबर मेंशन करने होते हैं प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स के बाद उसको लिखना होता है नेम ऑफ लिगेंड्स ये दिखने होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है प्लस नेम ऑफ मेटल और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन और वो भी ब्रैकेट में बंद एनक्लोज इन ब्रैकेट ब्रैकेट में करना है, है है, ठीक ठीक भाई समझ तो में आई बात? अब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज अगर माइनस है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज अगर माइनस है तो एज इट इज रूल वही रहेगा सिर्फ मेटल के नाम में एट आ जाएगा कोई चेंजेस नहीं है सारे रूल वही है नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड मेटल बस इस बार मेटल के नाम में एट लगेगा क्या लगेगा बेटा एट कब जब डब्बे पे चार्ज माइनस हो जब डब्बे पे चार्ज माइनस हो तो क्या लग जाता है एट लग जाता है बाकी क्या वापस देख लो नंबर ऑफ लिगेंड नेम ऑफ लिगेंड नंबर ऑफ मेट सॉरी नेम ऑफ मेटल अगर वो कॉम्प्लेक्स प्लस और न्यूट्रल है तो मेटल का नाम सीधा सीधा आएगा और अगर वो कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो मेटल के नाम के आगे एट सफिक्स जुड़ जाएगा बाकी सब कुछ सेम है कोई चेंजेस नहीं है अदर रूल्स जो हैं वो सारे सेम रहेंगे। अब अगर आ जाओ ऐसा भी देख लो कि ये एट लगने वाली बीमारी ये रही जैसे आयरन नहीं लिखना है इसको वैसे तो इसका नाम आयरन लिखेंगे बट आयरन नहीं लिख के फेरेट लिखेंगे स्टेनेट, अर्जेंटेट, ओर ओबालिकलेट निकलेट निकलेट क्रोमेट प्लेटिनेट, पैलेडेट एल्यूमिनियम ले लो एल्यूमिनेट ऐसे कुछ नाम लिखते हैं ठीक है मुझे आई यू पी एस सी नहीं आता है अब तू तो क्रॉस क्यों लिख रहा है तो नहीं आता है तो तू यहाँ क्यों लिख रहा है यहाँ लिखने से आ थोड़ी जाएगा तेरे को पढ़ने से आएगा क्लास में कमेंट से ज़्यादा ध्यान अगर मास्टर पे दोगे तो क्लास समझ आएगी तुम यहाँ बैठ के अपने कमेंट की स्किल्स डेवलप कर रहे हो प्रिया तुम कहाँ से हो सोनाली एक बार बात करो मुझसे सोनाली आज तुम लेट हो गई ये सब मत करो ना ये सब करना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं करो हमारा तो धंधा तुमसे ही चल रहा है तो सारे ही पढ़ने वाले हो जाएंगे तो फिर हमारे कौन आएगा आओ ये एक एनसीआरटी ने लिखा हुआ है देखो कि तुम कह रहे हो कि लिगेंड्स के नंबर तुम क्या कह रहे हो लिगेंड्स के नंबर अगर लिगेंड्स के नंबर बाई ट्राई ऐसा लिखो सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ लिगेंड्स बाई ट्राई टेट्रा पेंटा यह कह रहा है कि अगर लिगेंड के नाम में ही अगर लिगेंड के नाम में ही पहले से ही ये वाले नंबर हो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ठीक है तो फिर अगर वो लिगेंड दो होंगे तो बिस लिखेंगे अगर वो लिगेंड तीन होंगे तो ट्रिस लिखेंगे अगर वो लिगेंड चार होंगे तो टेट्रा किस लिखेंगे पांच होंगे तो पेंटा किस लिखेंगे ठीक है ऐसे लिखेंगे लिखेंगे टेट्रा किस लिखेंगे करेंगे नहीं हाँ चाय मंगा लेता हूं मैं इसी बात पे अजीब समावल हो गया हाँ भी चाय बना दे किससे किसमें आएगी वहां पर एक रोरा गिरा आप बहुत कड़वा बोल दिए तो बेटा यहां तू कड़वा क्यों लिखता है फिर तो चाह बेटा रे बोल दिए तो बोल दिए कड़वा सुनने की हिम्मत है तो आगे बढ़ जाएगा लाइफ में ठीक है अगर कड़वा सुनने की हिम्मत है तो लाइफ में आगे बढ़ोगे नहीं तो नहीं बढ़ोगे यार फिर तुमको तो चिकनी चुपड़ी बातें ही सुनना पसंद होगी तुम कड़वा बोलने से डरोगे क्या डॉक्टर बनोगे कल को किसी पेशेंट के कोई दिक्कत होगी उसके पेरेंट्स को या उसके घर वालों को उसके फैमिली मेंबर को जाके बोलोगे कि इसको ये है तुम्हारे थप्पड़ मार देगा इतना कड़वा बोलता है कि दो ही महीने का मेहमान है ये बदतमीज तो रेपट खा लेना तुमसे ज्यादा कड़वा तो कौन ही बोलेगा डॉक्टर हो भाई कड़वा मतलब सच और सच बोलना पड़ेगा क्या बोलोगे <laughs> कोई बात नहीं सब सही हो जाएगा मर जाएगा दो दो घंटे बाद चिंता करने की कोई बात नहीं है और अंदर वो मर गया ऐसे थोड़ी होता बेटा तुमको तो सबसे ज्यादा कड़वा बोलना पड़ेगा कि हम इसको नहीं बचा सकते इससे ज्यादा कड़वा बोलेगा कभी कि किसी के सामने नहीं ना सीख ले सुनना भी और बाद में तो बोलना भी पड़ेगा तुझे आजा फिर लाइक करो सब्सक्राइब करो चलो तो जैसे अभी ये रूल ध्यान रख लेना अभी हम करेंगे नहीं हम पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल करेंगे कौन सा सिंपल सा एग्जाम्पल करेंगे करेंगे भाई करेंगे कौन सा करेंगे करेंगे भाई करेंगे, करेंगे, भाई करेंगे कौन सा करेंगे तो बताओ के फोर एफी सिक्स ही लिख देंगे तुम बताओ तो है उसी को लेके चलते हैं तो नाम भी उसी का लिखते हैं फिर सब कुछ इसी का दाघा खोल दिए हैं के फोर एफी सिक्स का नाम लिखेंगे भाई साहब सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है बोले इसका तो पोटेशियम लिखेंगे फिर एक स्पेस देंगे काउंटर आइंस के बाद मुद्दा तो इस डब्बे का नाम लिखने वाला है अभी जरा लगाओ देगा दिमाग ये प्लस लेके जाएगा तो ये माइनस चार छोड़ेगा क्या तो ये डब्बा कैसा है एनाइनिक है याद रखना मेटल के नाम के साथ एट आएगा एनाइनिक डब्बा निकल गया बेटा एनाइनिक डब्बा निकल गया कैसा डब्बा निकल गया एनाइनिक डब्बा अब क्या लिखोगे हेक्सा कितने साइनाइड है, है छह तो छे के लिए हेक्सा साइनाइडो हेक्सा साइनाइडो है ना साइनाइड का नाम साइनाइडो होता है पहले ही बता दिया वो लगता है माइनस है तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो प्लस दो आएगा निकाल लो कितनी बार निकाल दिया इसका तो पोटेशियम हेग्जा साइनाइडो फेरेट नाम हो जाएगा बेटा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट समझ में आ रहा है सबको करें और एग्जाम्पल करें जाओ फिर ये पहला हो गया दूसरा और कर देते अरे एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं दूसरा एग्जाम्पल और करते हैं आ जाओ फिर ये क्लियर है क्या अरे भाई ये क्लियर है क्या आगे बढ़ सकता हूँ क्या यस और नो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ तुम्हारे जल्दी बताओ चल <coughs> वो प्लेटिनम वाला कॉम्प्लेक्स भी बार बार अच्छा वो सीओ वाला ले लेते हैं सी ई एन थ्री ठीक है सी ई एन थ्री और यहाँ पे लगा लेते हैं सी एल थ्री लगाओ इसका नाम लिखो फटाफट पट कोबाल्ट ठीक है अच्छा इधर काउंटर आयन है इस तरफ पे मतलब डब्बा प्लस है काउंटर आयन उस तरफ पे मतलब डब्बा माइनस है इसीलिए हमने फेरेट लिखा इसमें लिखने की जरूरत नहीं इसमें एट नहीं लगेगा अब इसमें लिखना पड़ेगा ट्रिस क्यों क्योंकि ये इथाइलिन डाइमीन है क्योंकि इसके नाम में ही डाई है, हा तो इसीलिए पहले से ही लगा दिया ट्रिस ट्रिस इथाइलिन डाइएमिन कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तीन और इनके नाम में ये कितने क्लोराइड है ये नहीं लिखे जाते हैं काउंटर आयस के नंबर नहीं लिखे जाते डायरेक्ट लिखे जाते हैं ट्रिस इथाइलिन डाइएमिन कोबाल्ट थ्री अब इस इथाइलिन डाइएमिन को कैसे लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो इथेन वन टू डाइमिन वन टू डाइएमिन इथेन भी लिख सकते हो तो जैसे सी एच टू सी एच टू और ये क्या हो जाएगा एन एच टू और एन एच टू तो आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो इथेन वन टू डाइमिन है ना वन टू डाईमिन इथेन ये भी लिख सकते हो दोनों लिख सकते हो नाम में डाई आ रहा है बात खत्म ठीक है हो गया ट्रिस ट्रिन डाई है तो हम तीन है तो ट्रिस लिख देंगे ना बेटा अभी बोला था इसी तरह से फिर यह वाला सवाल कर ही लो चलो यह स्पेशल केस वही है इसका पूरा नाम लिखो जरा का नाम किसी को याद नहीं है तो बेटा इसके लिए परेशान नहीं होना है क्यों क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं अभी हम और वापस बाद में खुद भी तो पढ़ेंगे है ना खुद भी तो पढ़ेंगे तो इसका नाम होता है ट्राई फिनाइल ऑस्फिन इसके नाम में ट्राई आ रहा है बेटा तो क्या करेंगे हम इसको बिस करेंगे बिस और ये क्या है क्लोरिडो ये क्लोरिडो है और ये ट्राई का फिनाइल ये देखो ये फिनाइल का पी लेंगे तो अल्फाबेटिकल में क्लोरिडो पहले आएगा कि नहीं आएगा यहाँ जीरो है चलो यहाँ क्या है जीरो है ये दो क्लोरीन को भगाओ कितना भागेंगे माइनस दो ये न्यूट्रल होता है बेटा जीरो इस पे कितना आ जाएगा प्लस दो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस दो नाम लिख दो फटाफट ये स्पेशल केस वही है कुछ नहीं है स्पेशल केस इसको हटा देना क्योंकि पहले के कहीं टाइप हुआ हुआ होगा स्पेशल केस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें वो सिखाना बिस्ट्रिस वाला ही सिखाना होता है तो डर मत जाना स्पेशल केस देख के चलो बताओ न्यूट्रल है निकलेट तो आएगा नहीं क्या लिखोगे डाई क्लोरिडो फिर क्या आएगा बिस फिर क्या आएगा ट्राइफिनाइल लो निकल टू निकल टू तु, गया बेटा डाईक्लोरोलोरिडो दोनों सही हैं। दाई दाई नहीं है डाईक्लोरोलोरिडो दोनों ही मतलब चलिए 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 ये लो इनके नाम बताओ इनके नाम बता सकते हो ये नंबर हटा देना क्योंकि स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है बता सकते हो देखो यह है एमीन यह है क्लोराइड यह है नाइट्राइट और नाइट्राइट में भी नाइट्राइट ओ एन वाला क्योंकि एन टू है ओ एन NO होता तो नाइट्राइट ओ होता अब जरा लगाओ दिमाग कि इसको भगाओ तो माइनस दो सॉरी माइनस एक लेके भागेगा इसको भगाओगे तो माइनस एक लेके भागेगा इसको भगाओगे तो माइनस एक लेकर भागेगा इसको भगाओगे तो जीरो लेके भागेगा यानी माइनस एक माइनस एक यानी कि प्लस दो छोड़ेंगे बाहर ऑलरेडी जीरो है ही सही तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका प्लस दो लगाओ दिमाग करो न्यूट्रल है न्यूट्रल है तो नाम चेंज करेंगे नहीं क्या लिखेंगे एमीन का ए पहले आएगा बेटा तो क्या लिखोगे डाई एमीन ठीक है क्लोरिडो पहले आएगा फिर क्या लिखोगे नाइट्राइटो और एन और फिर क्या लिखोगे यहाँ पे प्लेटिनम अभी निकाला सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू ये लगा लो रही कर सकते हो ये कार्बोनेट है क्या हो जाएगा इसका पेंटा एमिन पेंटा एमिन कार्बोनेटो पेंटा एमिन कार्बोनेटो कितना हो रहा है इस कार्बोनेट से माइनस दो हटेगा तो प्लस दो लगेगा बाहर से हटेगा तो प्लस वन लगेगा मिलकर कितना हो जाएगा बेटा प्लस तीन हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया तो कोबाल्ट और तीन और क्लोराइड लो। कर लोगे पक्का अब तो दिक्कत नहीं आएगी लो जी लो।, लो बताओ फिर इसको सवाल करो इसका आई नाम ढूंढ के बताओ देखो आईयूपीएस मैंने कहा ना एलिमिनेशन से चलना मजा आ जाएगा तुमको एलिमिनेशन से चलोगे तो कैसे मजा आएगा वो देखो अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो सब में चार है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो तुम निकालो ही मत ऑक्सीडेशन नंबर सब में चार है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालो ही मत और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्राई एमीन ठीक है फिर ब्रोमिडो ट्राई एमीन क्लोरो ब्रोमो तो इसमें मुझे लग रहा है एल्फाबेटिकल वाला है नाइट नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, लग, लग क्यों रहा प्लेटिनम प्लेटिनम मुझे कुछ कुछ गड़बड़ हुआ होगा नहीं इसको एल्फाबेटिकल ऑर्डर से चेक करना पड़ेगा बेटा ये सवाल आपका एल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाएगा सोच के देखो कितना बारीकी से सवाल दिया है तो एल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये पहले आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा और फिर एन आएगा मतलब इधर सबसे लास्ट में लिगेंड हमको नाइट्राइटो चाहिए सबसे लास्ट लास्ट में नाइट्राइटो चाहिए सबसे लास्ट में नाइट्राइटो चाहिए ब्रोमो नहीं चाहिए ये तो वैसे ही काट दो ये ब्रोमो भी लास्ट में लिख रखा है काट दो अब बचा कौन सा ट्राई एमीन ठीक है ट्राई एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्राइटो अब वैसे तो इसका पूरा नाम नाइट्राइटो एन होता है बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो अकॉर्डिंगली हमको ऑप्शन देख के आंसर सेकेंड करना पड़ेगा नाइट्राइटो एन लिखना जरूरी होता है अगर उन्होंने नहीं दे रखा तो तुम भी कंसिडर कर सकते हो लड़ाई नहीं करनी वहाँ बैठ के ठीक है बेटा लड़ाई नहीं करनी नाइट्राइटो एन ही होता है इसका प्रॉपर नाम बट ऐसा कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दे रखा लड़ाई नहीं करनी अपने ठीक है झगड़ना नहीं है बाकी इसमें तो एबीसीटी का नॉलेज पूछा है उन्होंने आई यू पी एस सी के सवाल ही नहीं मिलते हैं यार यही मिलेंगे ये देखो देखो कहाँ से लाएंगे और मुझे इस टॉपिक की इतनी ज़्यादा चिंता है भी नहीं क्योंकि ऑप्शन काट के बच्चा वैसे ही कर लेता है उसको समझ आ जाता है गलत क्या है डाई यू पी सी ने बो तो पी टी सी एल एन एस टू एन एस थ्री ये मिथाइल एमीन होता है ना इसका नाम ये हो सकता हो हमारी लेगेंट की लिस्ट में नहीं हो बट ये मिथाइल एमीन होता है सिंपल है मिथाइल एमीन कोई खास बात नहीं है, है ना मिथाइल एमीन तो देख लो पहले डाई एमीन म टू क्लोराइड पहले तो चेक कर लो ये दो ही है क्या हाँ यहां से ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल इधर से प्लस वन इधर से प्लस वन मिलके प्लस दो हो जाएंगे यस तो दो हैं प्लेटिनेट का तो सवाल ही नहीं होता तो इसको तो काट दो क्योंकि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है बिस एमेन बदतमीज ऐसे ऐसी हरकतें करेगा तुमको काटना है बस एम के आगे बिस् लगाएगा तुम उसमें भी सोच रहे हो 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 होन के आगे बिस् लग गया है डाइएमीन क्लोरो डाइएमीन क्लोरो मिथाइल एमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड इसमें और इसमें क्या फर्क है भाई इसमें और इसमें क्या फर्क है डाइ डाइमाइन क्लोरो ये देखो 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 देख, तुम्हारे मजे ले रहा बेटा डाइमाइन गलत मिहाइल गलत देख रहे हो ये तो वो वाली बात हो गई बिस्लेरी की स्पेलिंग वाली कि बिस्लेरी बिल सेरी होटल एकदम एक, एक जैसी दिख रही है और तुम बिस्लरी खरीद के बीस रुपए दे के पी रहे हो उसको ये बिस्लरी है कि बिल सेरी है पता ही नहीं चल रहा या फिर बी एस दिख रहे हैं उसमें लिंगे बदल रहे हैं मजे ही मजे पिए जा रहे हैं ये तो वो बात हो गई बेटा तो मजे ले गया तुम्हारे मेरे भी ले गया तुम्हारे छोड़ो हाँ निक्की के जूते लाया हूं एन आई के आई निक्की तो निक्की क्या पहनेगी अबे बक तू एडीडास पहनता है या एबिबास नहीं कि मैं एबीडास हूं है ना रीबुक <laughs> रीबुक का रीबुक, चलो पढ़ते रहो ये वैसा ही है बेटा तर वो ट्राई कार्बोनेटो आएगा कहाँ ट्राई कार्बोनेटो आएगा मेरे भाई इसकी बात कर रहा तू ट्राई कार्बोनेटो में यहां क्या अब कार्बोनेट तो जीरो थ्री होता है टू माइनस ट्राई कार्बोनेट क्यों लिख रहा है तू मैंने तेरे झांपटे मार देनी है कर लेना है बाकी का होमवर्क है आओ फिर आगे बढ़ें चलो भाई तो ये हमारा आई हो चुका है आई के और भी सवाल आएंगे हम कर लेंगे आई अच्छा इसका सवाल तो देख लो ये आंसर नहीं लगाएगा हमने डाई मिथाइल एमीन ये हो जाएगा अपना आंसर पहला हो जाएगा डाई हम्म, क्लोरो ठीक है मिथाइल एमीन प्लेटिनम क्लोराइड ठीक है बेटा चलिए भाई ये हो गया हमारा आई यू का सेगमेंट अब हम करने वाले हैं बॉन्डिंग वाला पार्ट जिसमें हम वर्नर पढ़ेंगे फिर वीबीटी पढ़ेंगे फिर सी एफ टी पढ़ेंगे वीबीटी सी एफ टी एक साथ पढ़कर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर छः ऑक्टा हेडरल कॉम्प्लेक्स के लिए आप डायरेक्ट सी एफ टी से करना सिखा दूंगा मैं आपको चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ फिर इसी बात पर आई यू पी एस सी खत्म आई यू पी एस सी में सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं ठीक है कर लेना और उप, मैं इतना ज्यादा इसमें दिमाग क्यों नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ऑप्शन में से तो तुम छांट लोगे इतने समझदार हो तो इसमें कोई रूल तो बचा नहीं जनरल रूल है अब ऑप्शन आके दिख जाएगा तुमको गलत क्या सही क्या कर लेना यार आसान आसान सी बात है इसलिए इसको इतना लाइटली करवा के जा रहा हूं साफ बात है चलो इसको सेव कर लेता हूं दस मिनट का ब्रेक चाहिए तुमको दस मिनट का ब्रेक चाहिए दे सकते हो फिर बॉन्डिंग शुरू कर दें। दस मिनट का ब्रेक चाहिए तो बताओ आठ बाईस हो रहे हैं दस मिनट का ब्रेक चाहिए तो बताओ जाओ दस मिनट के लिए वापस आ जाना आठ पैंतीस पे आ जाना बस जाओ एट थर्टी फाइव पे वापस आ जाना चलो जाओ। जाओ जाओ जाओ, जाओ 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 जब तक मैं ये ताम सेट कर देता हूँ एकदम जल्दी खाना वाना खा के आ जाओ भाई आठ बज के पैंतीस मिनट पे वापस मिलेंगे आप फेर मिलांगे आप फेर मिलांगे हमें डर है हम खोन जाए कहीं तुम्हारा सफर और ये मौसम हसी न जाए कहीं चलो भाई इधर मैं पार्ट थ्री लगा लेता हूँ अपना इम्पोर्ट करके सबसे बड़ा पार्ट है इम्पोर्ट करके इसको लगा देंगे तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे हो चलो निकलो खाना खाओ लाउकर लाउकर जला लाउकर ए जला जला लाउकर चला ऐसी राहत सी मुझे नहीं। 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 जाओ भाई सारे चले आगे वर्नर एक साइंटिस्ट था बोले हाँ वर्नर ने कहा कि मेटल के दिमाग में दो तरह की खुजली होती है पहली खुजली ये कि मेरा कोई चार्ज सेटिस्फाई कर दे यार है ना मेरे पे प्लस चार्ज है मैं तंग आ गया हूं कोई माइनस आए और मेरा चार्ज सेटिस्फाई कर दे पहली खुजली को उसने नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी पहली खुजली को क्या नाम दिया बेटा उसने प्राइमरी वैलेंसी फिर जब प्राइमरी वैलेंसी उसकी पहली खुजली है कि मेरा चार्ज हो जाए। दिमाग में उसकी दूसरी खुजली क्या है दिमाग बॉन्डिंग या बॉंड होगी हो तो दो तरह की खुजली उसके दिमाग में वर्नर ने कहा मेटल को दिमाग में दो ही इच्छाएं है पहली इच्छा है कि वो अपने चार्ज को सेटिस्फाई करना चाहता है विच इज नॉन एज प्राइमरी वैलेंसी नाउ अडेज इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन नंबर भाई किसके बराबर हो जाएगी प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मतलब उसके चार्ज को सर्टिस्फाई करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी ना बेटा उसके बाद है सेकेंडरी वैलेंसी अभी आज के दिनों में सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या है बॉन्ड और बॉन्ड का मतलब क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर ये इक्वल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के ये इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के आओ वर्नर भैया ने और क्या क्या बताया वन डिग्री वैलेंसी के बारे में वर्नर भैया ने कहा कि वर्नर भैया ने नहीं कहा था एक्चुअली अब हम कह रहे हैं कि इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल किसी भी मेटल की नंबर जितनी है, उतनी उसकी बात है ऑक्सीडेशन नंबर किससे होगा से होगा कैन नॉट यूज इन जिमेट्री प्रोडिक्शन कह रहा है कि जिमेट्री प्रोडिक्शन में यूज नहीं हो सकती प्राइमरी वैलेंसी उसी तरह से इधर आ जाओ इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल सेटिस्फाइंग बाय एनायंस एज वेल एज न्यूट्रल्स बेसिकली ये लिगेंड की बात कर रहा है बॉन्ड कौन बनाएगा लिगेंड्स बनाएंगे बॉन्ड कौन बनाएगा लिगेंड बनाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे काउंट करोगे लिगेंड के साथ बॉन्डिंग देख के काउंट करोगे लिगेंड तो एनायन और न्यूट्रल दोनों हो सकते हैं होने को कैटायन भी हो सकते हैं पर उस वक्त तक इतना नॉलेज नहीं था वर्नर को और आज भी कैटायनिक लिगेंड सिर्फ दो ही है जिमेट्री प्रोडिक्शन हो सकती है सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर से जिमेट्री प्रोडिक्ट कर सकते हैं जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर दो है तो हम बोलते हैं लीनियर हो सकता है तीन है तो हम बोल सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर चार है तो हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बोल सकते हैं पांच है तो हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर छह है तो हम ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं तो इसने कहा जिमेट्री हम इससे प्रडिक्ट कर सकते हैं अब क्योंकि ये क्या होती है ये वन डिग्री वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है यह नॉन आयोनाइेबल होती है और डायरेक्शनल होती है डायरेक्शनल क्यों बोला क्योंकि लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कोवेलेंट क्या होता है बेटा डायरेक्शनल बॉन्ड होता है कोवेलेंट क्या होता है? Directional bond होता है है डायरेक्शनल बॉन्ड यह चीज समझ आ गई आपको वन डिग्री वैलेंसी को वर्नर डायग्राम में डैश 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 से अच्छा वाला डैश से शो किया जाता है और टू डिग्री वैलेंसी को mm, से सॉलिड लाइन से जो है वो किया जाता है ठीक है भाई चलिए अब आ जाओ सवाल करते हैं पहला प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कंपाउंड रेस्पेक्टिवली बताइए इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है सीधा सवाल पूछेगा वो आपसे प्राइमरी वैलेंसी क्या है जल्दी बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या है जल्दी बता दो मेरे बच्चा प्राइमरी वैलेंसी का है राजा प्राइमरी वैलेंसी क्या है अरे प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ना प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर सो द प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर सब में ही चार 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 होगी आंसर हो गया सी पूछ लेगा ले क्लियर है नेक्स्ट ये लो ये सवाल करो एक कॉम्प्लेक्स है पीटीसीएल इसको देखते ही पहले वन डिग्री वैलेंसी तो चार कर दो क्यों क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चार है ये लो फिर इसमें देखोगे तो कॉम्प्लेक्स आपके कितने बॉन्ड बना रहा है बॉन्ड बना रहा है कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा छह बॉन्ड बना रहा है अब छह बॉन्ड बना रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा छ हो जाएगा वही इसकी क्या हो जाएगी बेटा वही इसकी क्या हो जाएगी टू डिग्री वैलेंसी ठीक है चार और दो छह बॉन्ड बना रहा है इधर प्लेटिनम ठीक है अब देखो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर चार है लेकिन बाहर बैठे तो दो ही क्लोरीन है।, देख, सिंपल सी बात है मेरी बात समझना इसके प्लस चार को सेटिस्फाई करने वाले क्या चार क्लोराइड आयन है? है इसके प्लस चार को प्लेटिनम के प्लस चार को सेटिस्फाई कौन कर रहा है चार क्लोराइड आयन खुद मेरी बात को समझा दूंगा चार क्लोराइड आयन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि ठीक है सर तो पहली खुजली किसने मिटाई चार क्लोरीन ने पहली खुजली यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसने मिटाई चार क्लोराइड आयन ने मिटाई ठीक है अब जैसे ही खुजली मिटी इसके दिमाग में एक डाउट आया कि बॉन्ड बनाऊंगा? बनाऊंगा क्या बनाऊंगा बॉन्ड बनाऊंगा क्या बोला बेटा बॉन्ड बनाऊंगा तो इसने अमोनिया को बुलाया बोले इधर बॉन्ड बनाऊंगा ठीक है चार बॉन्ड बनाए इसको बनाने थे छे इसको किसने बनाने थे छे ठीक है अब ये आपको प्रोडिक्शन लेना पड़ता है मैं आगे लिख दूंगा कि प्लेटिनम अगर प्लस चार में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर छह मेंटेन करता है तो इसके पास तो चार ही अमोनिया थे तो चार अमोनिया आए अब बॉन्ड छह बनाने तो बोला कि अब मेरे दो बॉन्ड और कौन बनाएगा तो बोला कि तुम चार क्लोरीन में से इधर आओ दो क्लोरीन तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है भैया बताओ क्या करना है कि तुम अंदर आ जाओ क्या बोला कि तुम 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 अंदर आ जाओ तो बोस ने अंदर बुला लिया इनको अब वो चार क्लोरीन इसकी दोनों तरह की खुजली मिटाएंगे कैसे डुअल नेचर करेंगे कैसे बाहर भी मतलब प्राइमरी वैलेंसी भी कर रहे लेकिन बच गए तो बोला तुम भी आ जाओ तो इसको बोलते हैं डुअल नेचर क्या आपको इस डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है जिसको हमने डैश 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 और सॉलिड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट किया है ये वही दो क्लोराइड आयन हैं जो ड्यूअल नेचर वाले हैं ये वही दो क्लोराइड आयन हैं जो ड्यूअल नेचर वाले हैं अगर ये चारों क्लोराइड आयन बाहर होते तो चारों के चारों आयोनाइजेबल होते लेकिन जो अंदर चले गए वो अब आयोनाइजेबल नहीं रहे तो इस बात का ध्यान रखना बेटा यहां पे लिखा है आयोनाइजेबल लेकिन सारी की सारी प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होगी ऐसा नहीं है लेकिन जो होगी आयोनाइजेबल वो प्राइमरी ही होगी लेकिन इसमें से ऐसी प्राइमरी वैलेंसी जो डुअल नेचर हो जाए यानी कि जो अंदर भी चली जाए यानी कि जो टू डिग्री वैलेंसी की तरह भी काम करने लग जाए वो आयोनाइजेबल नहीं रहती है सेम यहां पर ऐसा ही हुआ दो क्लोरीन अंदर चले गए अब दो क्लोरीन आयोनाइजेबल है और दो नहीं है आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ आयोनाइजेबल क्लोरीन कौन है दो है परसेंटेज क्या लिख दू मैं बोलूंगा फिफ्टी आप बोलोगे क्यों क्योंकि टोटल चार है चार में से दो अंदर दो बाहर तो 50% परसेंट आयोनाइजेबल और 50% परसेंट नॉन आयोनाइजेबल ठीक है नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट देखो होता क्या है इसके एक मोल को इस इस फॉर्मूला देख रहे हो बेटा इसके एक मोल को एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा दो इसके एक मोल को अरे सिंपल सा एमडी जब बताऊं डब्बे के बाहर जितने क्लोरीन उतना मोल AgCl तो कितना हो जाएगा दो AgCl जो आयोनाइज़ेबल है वही AgCl का पेपिटेट देंगे वापस सुनो क्या वापस सुनो क्या डब्बे के बाहर जितने क्लोराइड उतना एजीसीएल बात खत्म इससे ऊपर कोई सवाल मतलब आएगा ही नहीं डब्बे के बाहर जितने क्लोराइड उतना एजीसीएल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इसमें टोटल आयन कितने हैं तो आप ये देखोगे बेटा कि ये एक डब्बा है जिस पर प्लस दो चार्ज है और ये दो क्लोराइड आयन है टोटल आयंस कितने हो गए थ्री आयंस टोटल थ्री आयंस हो गए तो तीन हो जाएंगे कैसे एक तो पूरा डब्बा जिस पर प्लस दो है ये पूरा डब्बा एक आयन है और दो क्लोराइड आयन है टोटल तीन आयन हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट रेशियो क्या होगा इसका अब ये आयन है तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिखा सकता है क्योंकि इसमें कैटायन भी है और एनायन भी है तो क्या रेशियो होगा कैटायन एनायन का तो वन इज टू वन इज टू टू रेशियो होगा बेटा वन इज टू टू रेशियो इलेक्ट्रोलाइट वन इज टू टू रेशियो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा सिंपल है आसान आसान सा डायग्राम इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं पूछे तो बता दो वो अमोनिया है ए एम का मतलब डायग्राम वाइग्राम कुछ नहीं है तो बना रखा है कुछ नहीं है चार सॉलिड से दो सॉलिड और डैश दोनों से क्योंकि ये डबल नेचर है और ये जो दो बाहर बैठे हैं इनको केवल डैश 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 से दिखाया यानी कि ये प्योरली प्राइमरी वैलेंसी है नेक्स्ट ये वाला सवाल करो ठीक है डब्बे के बाहर वाले क्लोराइड आयन ठीक है एमडीजे क्या कह रहा है डब्बे के बाहर वाले क्लोराइड आयन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ AgCl का पीपीटी देंगे कौन जो डब्बे के बाहर वाले क्लोराइड होंगे वो AgCl का पीपीटी देंगे सवाल है ये वाला एनसीईआरटी का सवाल है देखो वर्नर क्या कर रहा था इन कंपाउंड्स की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा रहा था वर्नर कैसे कर रहा था बेटा वर्नर इन कंपाउंड्स की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा रहा था इसका 1 मोल एक्सेस ऑफ AgNO3 है ना इसका एक मोल एक्सिस ऑफ एजीएनओ थ्री इसका भी एजीएनओ थ्री सबके रिएक्शन एक एक मोल के एजीएनओ थ्री के साथ करवाए वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने देखा कि यहां तीन एजीसीएल का मोल मिला उसको तीन एजीसीएल मिलते ही तुमने करना क्या है डब्बे के बाहर तीन क्लोरीन लिख दो जैसे ही दो एजीसीएल मिला तुम क्या करोगे डब्बा बनाओ और डब्बे के बाहर दो क्लोरीन लिख दो जैसे ही एक एजीसीएल मिला ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है हमको क्या करना है एक सी लगा देना है बात खत्म अब हमको कोऑर्डिनेशन नंबर छह है तो जब तीन क्लोरीन बाहर है तो छह के छे अमोनिया अंदर चले जाएंगे बेटा ये बन गया फिर आप कह रहे हो कि दो क्लोरीन बाहर है क्योंकि दो एजीसीएल के पीपीटी है मतलब दो क्लोरीन बाहर है दो क्लोरीन बाहर है मतलब एक क्लोरीन अंदर गया तीन में से क्योंकि तो टोटल क्लोरीन है कितने हमारे पास तीन है ना कंपाउंड में तो एक अंदर चला गया तो पांच अमोनिया हो गए पांच अमोनिया को एक क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी चार अमोनिया को दो और की जरूरत पड़ेगी चार और दो एक बाहर आ गया तब के लिए वन डिग्री वैलेंसी तो सेम ही होगी तीन 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 लो टू डिग्री वैलेंसी सबकी सेम ही है छे छे छे, छे लो नंबर ऑफ आय इज नंबर ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले हम यहां पे नंबर ऑफ आय देख लेते हैं इधर नंबर ऑफ आय और इधर टाइप ऑफ तीन आयन ये एक डब्बा चार दो आयन ये एक डब्बा तीन एक ये और एक ये दो इट क्या वन इज थ्री होगा ये एक ये तीन ये एक ये दो ये वन इजू टू होगा ये वन इज वन होगा अगर आयन ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी बोलो क्या ए की सबसे ज्यादा बी की कम और सी की कम हो जाएगी वो उधर नाम लिखे बेटा ए बी सी है ना ये लो बात तो समझ आ रही है ठीक है है ये लो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पूछ रहा है वो से तीनों के तीनों बाहर है, है ना? यहां पर हंड्रेड परसेंट होगा उसके बाद रेस्पेक्टिवली लिख रहा हूं मैं एबीसीडी के लिए अब तीन में से दो बाहर है तो इसका मतलब सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट होगा और यहां तीन में से एक ही बाहर है तो यहां थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट होगा क्या बेटा ये लो, लोर लो नंबर ऑफ नॉन आयो आयोनाइजेबल क्लोराइड इसमें नॉन आयोनाइजेबल जीरो परसेंट क्योंकि सारे के सारे आयोनाइजेबल है इसमें नॉन इजेबल अंदर एक चला गया तो इसका मतलब थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट और इसमें दो अंदर चले गए यानी कि ये, 66 .66 ये लो नॉन मतलब अंदर वाला हो सी एल के मोल इसमें अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमने पहले ही उधर हम उसी से आगे चल रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद ही ये सारी चीजें निकली कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले तो ये हो गया ए बी सी हमने कर तो लिया ठीक है परफेक्ट है चलो हो गया एनसीईआरटी का सवाल है हो गया आएगा तो यही आना तो यही है। लो बताओ इसका होमवर्क करके बताओ होमवर्क मैंने दिया था तुम यहाँ अपन करते हैं सवाल आ जाओ। ठीक बता सकते हो नॉन आयोनाइजेबल आयोनाइेबल बताओ नॉन आयोनाइजेबल कितने होंगे परसेंटेज इसमें आयोनाइजेबल है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट यस और नॉन आयोनाइजेबल कितने होंगे बेटा इसमें 33.33 करेक्ट .33%, है बेटा ठीक है नंबर ऑफ AgCl मोल कितने होंगे दो AgCl हो जाएंगे इसमें ये लो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे इसमें तीन हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट टाइप हो जाएगा वन इज टू टू अगर आपसे पूछे इसमें वन डिग्री वैलेंसी तो बताओ कितना लिखोगे इसमें वन डिग्री वैलेंसी कितनी आएगी तीन आएगी क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस तीन आएगा इसमें टू डिग्री वैलेंसी कितनी आएगी छह आएगी बात खत्म चले आगे जादू 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 आगे चलते लो एक और सवाल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मैड अब ये एनसीईआरटी का सवाल है मैड अब एक्वा सोल्यूशन है ना मोल ऑफ एजीसीएल दिए हुए हैं उसमें दो मोल एजीसीएल के हैं हमने मोल ऑफ एजीसीएल देखकर फॉर्मूले बना डाले आपने कहा दो AGCL, तो आपने CL2 यहां लिखा और छह एच टू अंदर डाल दिए है, है ना फॉर्मूला बना दिया अब यहां बड़ा गेम अलग था फॉर्मूला है पीटीसीएल फोर साथ में है दो एच सी एल और एच सी एल मतलब क्लोराइड एजीसीएल का एक भी मोल नहीं आ रहा यानी कि बाहर तो कुछ भी क्लोराइड नहीं है तो इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा तो छीसीएल अब ये क्या हुआ तो सुनो पीटीसीएल फोर था यहां पे दो एच प्लस और दो सीएल टूट गए के सीएल टूट गए ये दो सीएल माइनस ने इस पे अटैक कर दिया अटैक करके क्या बना दिया बेटा पीटीसीएल टू माइनस बना दिया और इस टू माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए दो हाइड्रोजन आ गए है ना और टू एच प्लस आ गया तो ये क्या बन जाएगा बेटा एच टू पीटीसीएल सिक्स बन जाएगा क्या ये बन गया क्या बन गया ये एच टू पीटी सीएल सिक्स क्या नाम है, इसका? है इसमें एक आ रहा है एक बाहर कर दो बचे हुए दो अंदर करके कर लो इसमें जीरो आ रहा है यानी कि दो सब कुछ अंदर ही जाएगा दो अमोनिया भी अंदर दो क्लोराइड भी अंदर ये लो अब क्या देखना है इसमें टू डिग्री वेलेंसी चार छ चार दो छे दो, दो चार ये आपके एनसीआरटी का सवाल है हो गया बस वो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना कि ये डिसोसिएट होके एच प्लस और सीएल माइनस दो अलग अलग हो जाते हैं दो सीएल माइनस इस पर अटैक करके इधर चले जाते हैं इसीलिए एच का बीपीटी नहीं आया वरना तो आ ही जाता बाहर होता तो अगर बाहर क्लोराइड बचता तो आ ही जाता ना यानी कि ये दोनों क्लोराइड जो डिसोसिएट हुए हैं इनमें से कोई बाहर नहीं है वो अंदर जाके अटैक कर गए छह हो गए वो चार के साथ करे भाई करे आगे चले लाइक करो अगला सवाल दो सवाल है ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू दोनों का आंसर सेम है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ जीरो मॉलर कंडक्टिविटी कौन से कॉम्प्लेक्स की मॉलर कंडक्टिविटी जीरो होगी जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी जीरो कंडक्टिविटी कौन सी किसकी होगी और कौन सा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं कर सकता आंसर ही मिल गया मुझे लो फिर बात खत्म आयन है आयन है आयन है ओह नहीं है लो अब जिसमें आयन नहीं है उसमें मोलर कंडक्टिविटी जीरो हो गई और उसमें क्या हो चुका है हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी की तरह भी वो काम नहीं कर सकता वहां कैटायन एन आयन नहीं है बात क्लियर सबको पक्का ऐसे सवाल पूछता है समझ आ रहा है बेटा सबको आसान सी भाषा में फटाफट फटाफट यस टू डिग्री वैलेंसी मोस्टली चार या छह होता है मोस्टली देखो वर्नर ने एक चार्ट दिया था कि इस मेटल की इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होता है बट वो नहीं तुमको मतलब है उससे ठीक है रहने दो बहुत सारे टीचर्स भी करवाते हैं मैं देखता हूँ कि क्रोमियम है क्रोमियम प्लस टू में ये रखेगा पर मैं तुमको सिर्फ इतना बोल देता हूं कि तुम्हारे काम की बात इतनी है कि तुम प्लेटिनम में फंस सकते हो प्लेटिनम पेलेडियम अगर अगर प्लस चार में है अगर ये दोनों ही क्या है प्लस दो सॉरी प्लस दो में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या रखते हैं चार और अगर ये प्लस चार में है प्लेटिनम पेलेडियम क्योंकि तुम्हें यही परेशान करेंगे मेनली तो कॉर्डिनेशन नंबर इनका क्या होता है छ मेनली तुमको ये परेशान करेंगे तो ये दिमाग में फिट कर लो अपने बोले ये लो बस बाकी छोड़ो बाकी छोड़ो क्योंकि मुझे पता है वैसा कोई सवाल आना नहीं है कि तुम उस बात से अटक जाओगे कब भी नहीं अटकोगे तुमको वो पूछ पूछ के थक जाएगा एजीसीएल के मोल बस और वो तुम बता सकते हो ठीक है अब वर्नर के कुछ सवाल मुझे करवाने थे बट आई थिंक वर्नर के सवाल यहाँ है नहीं वो अगली बार में होंगे आ, है वर्नर के सवाल है कर ले फिर पहले वर्नर के सवाल करके वर्नर उड़ाना चाहते हो

जल्दी जल्दी मजा आ रहा है तो लाइक करो ऑन एडिंग AgNO3 जी एन ओ थ्री सोल्यूशन टू अ सोल्यूशन पीटीएनएसेंटेज ऑफ नॉन आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन कह रहा है कि नॉन आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन कौन सा है अरे तो चार में से तीन अंदर बैठे हैं यार चार में से तीन अंदर बैठे हैं चार में से तीन अंदर बैठे हैं है। है। इसका मतलब पिचहत्तर परसेंट नॉन आयोनाइजेबल है चलो तो फिर आंसर देखन कर दो सेकंड चार में से तीन अंदर बैठे पिछहत्तर इलेक्ट्रोलाइट हाँ अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से लगाओ ये अंदर ये कर लेगा ये तीन है ये कर लेगा ये कर लेगा ये नहीं करेगा क्योंकि ये क्या बनेगा इसको तीनों अमोनिया अंदर चाहिए और सी थ्री भी अंदर आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर छह मेंटेन करने के लिए तो जीरो हो जाएगा ये नहीं कर सकता आंसर हो गया चार

इसने अलग बनाया हुआ है इसको ऐसे समझो सी ओ एन थ्री और ये फाइव है ये सी एल अंदर आएगा तो दो सी एल बाहर जाएंगे और ये लिस्ट तो यही हो गया ना बात ख़त्म हो गई सी ओ एन थ्री ये थ्री और ये सी एल थ्री तो ये ज़ीरो हो गया तो लिस्ट के लिए भी हम ज़ीरो वाला ही आंसर करेंगे चलो नेक्स्ट विच गिवस ट्वेंटी फाइव परसेंट मॉल ऑफ ए

एक ही सिर्फ बाहर रहे एक ही बाहर कैसे रहेगा देखो जरा पीटी एन एस थ्री तीन अंदर ले लो और तीन क्लोरीन और अंदर ले लो तो एक ही बाहर बचा हो गया आंसर हो गया चार कंसंट्रेट H2SO4 टू एसओ फोर विल नॉट डिहाइड्रेट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स देखो बेटा ये बाहर वाला पानी खा सकता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सिर्फ बाहर वाला सिर्फ डब्बे के बाहर वाला सिर्फ डब्बे के बाहर वाला याद रखना ऐसा कभी सवाल आ जाए तो डब्बे के बाहर वाला एच टू ओ खा सकता है उड़ा सकता है उड़ा सकता है अंदर वाला नहीं उड़ाएगा अब डब्बे के बाहर डब्बे के बाहर यहां पर है उड़ा देगा यहां पर है उड़ा देगा यहां नहीं है नहीं उड़ा सकता आंसर हो गया तीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसेंट्रेट एच टू लेकिन डब्बे के अंदर वाले एच टू के हाथ नहीं लगा सकता वो तो बाहर पड़े हुए पानी के हाथ लगाएगा आगे चले बढ़िया सवाल चलो तो मैं पूछूं कि लॉस इन मास कहां ज्यादा होगा बताओ अब मैं पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा लॉस इन मास कहां होगा लॉस इन मास मास में लॉस कहां ज्यादा होगा इसमें आंसर बताओ 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 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मास में लॉस कहां होता जहां पानी ज्यादा उड़ेगा ये देखो दो एक्स टू खाएगा ना बेटा तो लॉस इन मास सबसे ज्यादा यहां पे होगा बी में ये देखो गजब 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 कौन कह रहा था सवाल नहीं आ रहा तुमको इस लेवल के सवाल कर रहे हो तुम अब पोल करा दो यार पढ़ लेना बेटा यार पोल करा दो पोल करा दो पागल है क्या पोल करा दो बैठ के सारा दिन एक कैरी सर आई एम योर गर्लफ्रेंड थैंक यू आगे बताओ ये लो neat Ncert exemplar when 0.1 मोल अब 0.1 को तुम one समझ लो बात खत्म तुम्हारे लिए तुम one समझ लो तो कह रहा है कि इसका एक mole AgNO3 के साथ दो mole AgCl देता है ठीक है तो दो mole AgCl देगा इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स बनेगा डब्बे के बाहर दो Cl अब डब्बे के बाद दो Cl इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा CO NH3 five और डब्बे के अंदर एक Cl अब ये क्या होगा ये वन इज टू रेशियो हो जाएगा बस खत्म बात लो का सवाल सर लेक्चर कब तक चलेगा और वो भी अलग पांडे नाम बना के आए हैं अलग पांडे सर का नाम सर मैं आपको फोन पे बता देता हूँ कब तक चलेगा यार कितने ऐसे ऐसे ही सवाल आते हैं यार और कुछ नहीं आता ये तुम कर लेना यार कर लिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है हो गया है हटा देता हूँ मैं इसको तो रिपीट है कौन सा कॉम्प्लेक्स है ए आई पी एम टी दो हजार पहुँचा जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट नहीं देगा कौन सा है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट नहीं देगा जिसमें बाहर क्लोरीन नहीं होगा वो नहीं देगा अब बाहर क्लोरीन इसमें नहीं बचेगा नहीं देगा यार क्या इसको बार तो लिख चुका हूं मैं लैंग्वेज बदल बदल के एक ही एक सवाल पूछ रहे हैं। इसमें कोई बाहर क्लोरीन नहीं, नहीं देगा ये जिसके में क्लोरीन हो गए वो सिल्वर वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ दे देगा आओ फिर आओ फिर जल्दी चले लो ये सवाल करो नीट 2017 में पूछा हुआ सवाल है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द दी एल इसमें से किसमें कौन सा एजीसीएल बनेगा हाँ ठीक है ठीक है इसमें छः के छः हैं तो तीन बाहर आएंगे इसमें डब्बे के बाहर दो आएंगे नहीं हाँ दो आएंगे और इसमें डब्बे के बाहर चार ये गए दो ये छः तो एक ही आएगा तो तीन दो एक देख लो तीन दो एक का है भाई अब तुम चाहते हो कि मैं इसको ऐसे समझा समझा के सवाल कराऊं तो बेटा करते हैं दूसरे टीचर मुझे खुद पे भरोसा है कि मैंने पढ़ाया है तो सवाल इतने ही जल्दी होंगे बाकी करते रहते हैं इसी सवाल को ऐसे समझा समझा के एक ऑप्शन टिक करेंगे फिर गलत करेंगे फिर दूसरा आ, करते रहेंगे यार उनको टाइम पास करना है मुझे नहीं करना मुझे नहीं करना मुझे इतना पता है कि अभी किसी बच्चे से ये नहीं हो रहा है तो एक बार नोट्स रिवाइज कर होगा इतना ही जल्दी होगा मुझे नहीं करना उतना टाइम पास समझाने वाले सवाल में समझाऊंगा ना बेटा घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो क्या मतलब उसका तरीका बताओ ना अप्रोच अगर सही है तो खटाखट हो जाएगा लो जई जाए मैन दो में क्या पूछा टोटल नंबर मोल जोड़ दो एजीसीएल के लो एडिशन ऑफ एजीएनओ तो वन मोल इच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ये देखो ये एक देगा ये दो देगा और ये देगा ही नहीं और ये दो देगा ये जीरो हो गया अब करना है क्या है जोड़ना है टोटल पूछ रहा है तो दो और एक तीन और दो पांच आंसर हो गया जय मेन दो हजार तेईस का साफ चलो ये वर्नर के जितने सवाल पॉसिबल ये खुद कर सकते हो तुम इसमें देख लेता हूं मैं क्या है हाँ ये कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगाना कर लेना अच्छा सवाल है कर लेना बेटा है ना होमवर्क है कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें वर्नर के सारे सवाल कर लिए हैं हमने ये भी कर सकते हो क्या देखो कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम अमोनिया एंड क्लोरीन फोर पर मॉलिक्यूल्स इन द क्लोरिन प्रोड्यूस आयिकूशन चार आयन है चार आयन है तो लगाओ दिमाग फिर चार आयन है इसका मतलब है कि पहली चीज तो प्लेटिनम चार में है तो यहां पर हमको क्लोरीन कितने चाहिए अः ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो देख लेते हैं ये हमारा प्लेटिनम ये एन एस थ्री फाइव और सी एल अभी देखो ये अभी बन के बैठ गया ये पी टी एन एस थ्री फाइव सी एल पेंटा एमिन होना चाहिए हेक्सा एमिन नहीं होगा पेंटा एमिन पेंटा एमिन क्लोरो प्लेटिनम प्लेंटा एमिन क्लोरो प्लेटिनम क्लोराइड हो गया बात खत्म लो डाई एमिन नहीं टेट्रा एमिन नहीं पांच अम, पांच अमोनिया लोगे ना फिर अगर तुमको बाहर तुम ये कह रहा है कि चार आयन चाहिए इसको टोटल तो एक ये हो गया और तीन ये हो गए तो चार आयन तभी चाहिए जब तीन क्लोरीन बाहर होंगे अकॉर्डिंगली सेट कर लो आंसर हो गया check. हो गया सवाल आ गया सवाल सर आप कोऑर्डिनेशन नंबर छह कैसे ले रहे हो अरे बेटा प्लेटिनम चार में है ना वो प्लस चार में मैक्सिमम तो छे और छे ही चलता है मैक्सिमम ही चलता है मेरे भाई तेरे को अभी इतने सवाल किए अटका क्या तू नहीं ना क्यों परेशान हो रहा है फिर क्यों अभी इसको रीअरेंज करना पड़ेगा मैं वो मैं बाद में करूंगा अभी टाइम नहीं है वर्नर की थियोरी के क्वेश्चंस पहले कर लिए हमने अब हम आ जाते हैं वापस से वी पे इस पे आ जाते हैं बेटा वी पे वी के बारे में सुन लो कैसे क्या करना है जीमेट्री हाइब्रिडाइजेशन एटसेट्रा कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ सीएमआई एम आई कि कॉर्डिनेशन नंबर कितना है सेंट्रल मेटल आयन का उस हिसाब से अपन जीमेट्री हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब के? प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये यह देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर दो है तो लीनियर तीन है तो ट्राइगोनल प्लेनर चार, टेट्राहेड्रल चार, स्क्वायर प्लेनर पांच ट्राइगोनल यहां से वो डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि कौन सा डी यूज हुआ तो इस स्लाइड के लिए इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसके हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में जैसे याद रखना स्क्वायर प्लेनर होता है बेटा डीएसपी टू स्क्वायर प्लेनर क्या होता है डी टू तो ये हो जाएगा इसमें जो डी यूज होता है वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है क्योंकि एक्स वाई एक्स पे चाहिए हमको डीएसपी थ्री हो या एस पी थ्री डी हो दोनों सेम है फर्क सिर्फ एक है कि ये डी अंदर वाला है और ये डी बाहर वाला सर अंदर वाला बाहर वाला जैसे किसी के पास थ्री डी है फोर एस है फोर पी है और फिर फोर डी है अगर वो इस वाले डी को यूज करता है तो हम डी को बाद में लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा एस पी थ्री डी कैसे लिखेंगे एस पी थ्री डी इसमें तीन डब्बे होते हैं एस पी थ्री डी और अगर वो अंदर वाला डी यूज करता है तो डी को पहले लिखना पड़ेगा ना राजा इसलिए डी को पहले लिख दिया अगर अंदर एक डी मिल जाता है तो डी को पहले लिखेंगे नहीं मिलता है तो बाहर वाला लिख देंगे ठीक है तो इसलिए ये दो तरह का फर्क होता है हाइब्रिडाइशन डी थ्री और एसपी थ्री डी का मतलब यही है ये इनर डी होता है और ये आउटर डी होता है ठीक है जैसे ये इनर डी है थ्री डी ये फोर एस ये फोर पी ये फोर डी

तो इसका मतलब है शेल नंबर क्या होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में जिनमें डी जाता है वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहता है वहाँ पर जो भी सबशेल्स जो भी सबशेल्स पार्टिसिपेट करती है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहता है सेम रहता है और अगर अंदर वाला पार्टिसिपेट करे अगर अंदर वाला पार्टिसिपेट करें 4s, 4d, 4p, 4d. अगर अंदर वाला पार्टिसिपेट करे इस वाला पार्टिसिपेट करे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं जैसे डी एस पी टू टाइप की कोई चीज हो गई डी एस पी थ्री टाइप की कोई चीज हो गई जैसे डी टू एस पी थ्री टाइप का कोई चीज हो गया अब मुझे बताओ क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है या बदल गया जल्दी बताओ क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है या बदल गया वो सवाल पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड ऐसा पूछ लेगा वो तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन जो हम नॉर्मल कंपाउंड्स में नहीं देखते हैं कॉम्प्लेक्स में देखते हैं जिसमें डी पहले लिखा जाता है जब भी डी पहले लिखा जाता है वो इनर डी होता है इनर डी मतलब एन माइनस वन डी होता है बेटा ये क्या होता है एन माइनस वन डी होता है तो ये एन है ये सब क्या है आपका एन है और ये एन माइनस वन डी है तो एन की वैल्यू चेंज होगी ना बेटा ये चार है तो ये तीन होगा ये पांच है तो ये चार होगा ये छह है तो ये पांच होगा मैंने तो थ्री डी सीरीज के लिए बताया है उससे आगे वाले में भी तो हो सकता है पांच के बाद आपसे सवाल पूछे कि इनमें से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है इस तरह के सारे हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है ठीक है भाई बाकी जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि ये जो दो डी होते हैं वो डीजेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होते हैं तो उधर भी वही होते हैं सेम बस फर्क है ये अंदर वाले के हैं ये बाहर वाले के ये भी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि sp3d थ्री डी में डीजेड स्क्वायर होता है तो डीएसपी थ्री में भी डीजेड स्क्वायर होता है तो ये सेगमेंट तो हमारा कॉमन है एक चीज नई आई एक चीज नई आई और वो है कि स्क्वायर प्लेनर में हमने हाइब्रिडाइजेशन dsp2 टू नहीं पढ़ा था यहां पढ़ेंगे डीएसपी टू और डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा चलो जब तुम अपनी बातें कर रहे हो तो मैं छोड़ दूंगा मुझे क्या दिक्कत है मैं तो फटाफट ये देखो मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का होता है अब इसमें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है सब कुछ सेट है देख लो आप खुद सोचो क्या मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है इसमें अगर यस लगे आप उसको पढ़ के देखो अगर अब इसमें से कुछ भी समझ नहीं आए तो बता दो मेरे को सब कुछ पढ़ा दिया मैंने देख लो आप एक साथ समझा दी सारी बात कोई बात ऐसी है जो इसमें समझ नहीं आ रही है कोई बात ऐसी है जो इसमें समझ नहीं आ रही बताओ किसकी मिक्सिंग हुई है किसकी नहीं हुई अकॉर्डिंगली देख लो इसमें ये 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 देख लो लो है ना ये लो। चलो आगे रहा एकदम चलो तो जब भी वो अंदर वाला डी होता है तो उसको बोलते हैं इनर डी और बाइटल्स जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा वाला हाइब्रिडाइजेशन करेगा ना अंदर वाला तो उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है इनर डी कॉम्प्लेक्स क्या बोला जाता है बेटा उसको इनर डी कॉम्प्लेक्स और जब कोई ऐसा वाला करता है तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स को बोला जाएगा इनर डी कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा Next. Next हमें डोनेशन स्ट्रेंथ के बेसिस पे जनरली हम लिगेंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एक होते हैं वीक लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब मजबूत बॉन्डिंग करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब है बॉन्ड अगर मजबूत बनाएगा तो हो सकता हो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा सके ठीक है अभी हम सीखेंगे वो सब ये कुछ नहीं करना है आपको तो इतना ध्यान रखना है कि कार्बन नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और ऑक्सीजन हेलोजन डोनर जनरली वीक लिगेंड होते हैं बस इतना सा ध्यान अभी का आप कर लो सिर्फ ये कोई आपको ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है ना रीजंस वगैरह कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है आप तो इतना देख लो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और halogens के अंदर डिक्रीजिंग होता है वापस तो यहां से यहां से तक डोनेशन स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी अगर ये डोनेशन स्ट्रेंथ पता चल गई तो हमको पता है कि अब दो तरह से हम लिगेंड को क्लासिफाई कर लेते हैं अगर का ये देखो ये स्ट्रॉग लिगेंड है तो ये क्या हो जाएंगे कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हेलोजन हो जाएंगे ठीक है ये नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन इधर आ गए ऑक्सीजन हेलोजन इस तरफ आ गए। लिगेंड वो होते हैं जो मंत्री जी के बेटे होते हैं अगर जरूरत पड़ी कि नहीं मैं अंदर वाले डी लूंगा और पेयरिंग हो सकती है कह रहे कि तो तुम इलेक्ट्रॉन चिपक जाओ एक दूसरे के मुझे डब्बा चाहिए तो अगर रिक्वायर हो तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा सकते हैं क्यों क्योंकि हाँ चचा विधायक है हमारे स्ट्रॉन्ग आ बेटा और अगर 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 ये हो तो ये कैन नॉट पेयर इलेक्ट्रॉन कह रहे कि ये चुपचाप बाहर चले जाएंगे इनकी औकात नहीं है हाँ लेकिन अंदर जगह है तो तो ये भी अंदर चले जाएंगे ऐसा नहीं है कि जगह भी पड़ी और फिर भी आ गए नहीं नहीं जगह अगर है तो फिर क्या स्ट्रॉन्ग क्या वीक वो तो अंदर चला जाएगा लेट सपोज थ्री डी वन कॉन्फिगुरेशन है हा? आप समझो बात को थ्री डी वन कॉन्फिगुरेशन है एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है अब ये थ्री डी है हमको दो डब्बे चाहिए मैक्सिमम क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन एस पी है या डी टू है तो d के तो दो ही डब्बे चाहिए हमको मैक्सिमम तो ये क्यों सोचेगा कि स्ट्रॉग हूं मैं या वीक हूं अरे भाई जब खाली पड़ा है तो सभी आएंगे ना फिर ले लेगा ये दो डब्बे इसी तरह से अगर किसी में दो इलेक्ट्रॉन है तब भी ले लेगा इसी तरह से अगर थ्री डी वन है थ्री डी टू है थ्री डी थ्री है तो हमको दो डब्बे तो हमेशा ही खाली मिल जाएगा ना तो थ्री डी वन 3d2 और 3d3 कॉन्फिगरेशन होने पर स्ट्रॉन्ग वीक का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा 3d1, 3d2, 3d3 होने पर स्ट्रॉन्ग वीक का कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो अंदर आ जाएगा जगह खाली उसको तो दो डब्बे चाहिए यस yes, अभी और आगे सीखेंगे ये बातें जनरली फॉर्म इनर डी और कॉम्प्लेक्सेस है ना जनरली इन जनरली शब्दों का बहुत बड़ा मतलब है जनरली फॉर्म डाया मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्यों क्योंकि ये पेयरिंग करवा देगा तो मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक जनरली फ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अच्छा लो स्पिन का मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी घट जाएगी क्यों घटेगी क्योंकि ये तो पेयरिंग करवा रहा है अगर पेयरिंग करवा रहा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने पहले होंगे उससे क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उसको लो स्पिन ही बोला जाता है मेटल के फ्री स्टेट में माना कि चार अनपेयर्ड थे कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक भी नहीं बचा अनपेयर्ड पेयरिंग की वजह से तो उस कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन बोला जाएगा अब जरूरी नहीं है कि लो स्पिन उसी को बोले कि जो चार से जीरो हो जाए नहीं चार से दो भी रह जाए तो भी लो स्पिन होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन घटे इसका मतलब लो स्पिन बोला जाएगा वापिस बोलो क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर घट गए तो उसे लो स्पिन बोला जाएगा ठीक है बेटा ये बाकी जनरली आउटर डी बनाएंगे जनरली फॉर्म पैरामैग्नेटिक जनरली फॉर्म हाई स्पिन हाई स्पिन का मतलब क्या है जितने फ्री स्टेट में मेटल की फ्री स्टेट में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उतने ही कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बच जाएं, उसे बोला जाता है क्या स्पिन कॉम्प्लेक्स चेंज नहीं हो गटे नहीं तो। ठीक है भाई? अब आ जाओ सवाल एक जुगाड़ ले लो कि तुमको दिक्कत आती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फिग्रेशन निकालने की तो मैं तरीका बताता हूं कि अगर कोई प्लस दो में है ना तो वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही होगा मतलब स्कैंडियम से लेके लेंथेनम पूरा डी ब्लॉक नॉट ओनली 3d सीरीज पूरा डी ब्लॉक में पूरे डी ब्लॉक में प्लस दो का कॉन्फ़िगरेशन उतना ही होता है जितना उसका सीरियल नंबर होता है सीरियल नंबर एक दो तीन चार पांच छह सात दस जैसे स्कैंडियम प्लस दो में डी होगा तो ये ट्रियम प्लस दो में भी डी होगा ये टाइटेनियम यहां टाइटेनियम आएगा तो टाइटेनियम प्लस दो में डी टू होगा ये यहां कौन आएगा वेनेडियम वेनेडियम प्लस दो में तीन होगा क्यों क्योंकि वो तीसरे नंबर पे है इसी तरह से पांचवें नंबर पे कौन मैंगनीस तो एम एन प्लस टू जो है वो डी फाइव होगा तो प्लस दो में कोई चेंज नहीं है क्योंकि जैसे आप खुद सोचो क्रोमियम है बेटा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है ट्वेंटी फोर कितने नंबर पे आता है चार नंबर पे यहां आता है क्रोमियम अगर आप क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो थ्री डी फोर थ्री डी फाइव फोर एस वन होता है अब देखो हमारा रूल खराब हो गया चार नंबर पे है तो थ्री डी फोर होना चाहिए था ना चार नंबर पे तो थ्री डी फोर होना चाहिए था तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर कूद जाता है पता है तुमको लेकिन मैं ये बोलूं कि अगर क्रोमियम प्लस वन हो क्रोमियम प्लस वन हो तो थ्री डी फाइव फोर एस जीरो हो जाएगा और अगर क्रोमियम प्लस टू कर दूं तो अरे प्लस टू कर दोगे तो थ्री डी फोर हो जाएगा यस यानी प्लस दो में ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस ले लेगा चार नंबर और मैं ये तरीका बता रहा हूं जुगाड़ बता रहा हूं कि प्लस दो में जो जहां है वहीं रहेगा प्लस दो में सीरियल नंबर फिंगर पे काउंट कर लिया करो मैं पूछ रहा हूं आयरन प्लस टू तुम काउंट कर लेना आयरन कितने नंबर पे आता है तो छह नंबर पे आता है तो बोल देना डी होता है सर प्लस दो में क्या होता है डी -6. अब अगर मैं प्लस तीन बोल दू तो एक कम और कर दे यार प्लस दो से मैंने तुम्हारे दो स्टेप बता दिए तुम पहले जीरो सोचोगे फिर तुम प्लस दो सोचोगे फिर तुम प्लस वन सोचोगे फिर तुम प्लस दो सोचोगे मैंने तुम्हारे तीन स्टेप बचा दिए बेटा कोबाल्ट प्लस तीन कोबाल्ट प्लस टू का दिमाग में रखो कोबाल्ट प्लस टू सातवें नंबर पे आता है डी सेवन सर प्लस तीन पूछ रहा है तो डी सिक्स कर दो एम एन प्लस थ्री मैगनीज पांचवें नंबर पे आता है एम एन प्लस टू डी फाइव हो गया सर तो प्लस तीन डी फोर हो गया सर टाइटेनियम प्लस फोर सुन लो टाइटेनियम प्लस फोर टाइटेनियम प्लस टू पे कितना आता है डी टू पे आता है सर टाइटेनियम प्लस दो में डी टू होता है तो प्लस फोर में जीरो हो जाएगा सर टाइटेनियम प्लस फोर में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा हेट्रोलाइट हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ये हमेशा का डाउट है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में स्ट्रोंग और वीक कैसे देखेंगे है ना बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आधे आधे हो जाए तो वीक मान लो स्ट्रोंग मान लो कोई रूल नहीं है ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी देख के पता लगाते हैं कि वो स्ट्रोंग की तरह काम कर रहा है या वीक की तरह तो आप नहीं बता सकते डेटा देख बताना पड़ेगा ये सब फालतू बातें हैं कि तीन वीक हो और एक स्ट्रोंग हो तो वीक मान लो चार वीक हो एक स्ट्रोंग हो तो वीक मान लो फालतू बात है ना मैंने कभी की ना मैं करूंगा एक स्ट्रोंग आने पर भी वो स्ट्रोंग हो सकता है इसीलिए डेटा बेस्ड चीजें मत पूछो तुम्हारे को सवाल आया है क्या ऐसा कि स्ट्रोंग है कि वीक है कभी आया ऐसा उठा के देख ले एक आध बार गलती से आ गया हो तो किसी ऑप्शन में फंस रहा होगा उसमें हो सकता हो आंसर कोई और ही होगा अब एक कह रहा है स्ट्रॉन्ग है वीक है मैं पढ़ा लू पहले ऑक्सीजन वीक लिगेंड है ऑक्सीजन डोनर है वीक लिगेंड है। लेकिन सामने कोबाल्ट प्लस तीन आएगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अब रो बीच में छेड़ा मेरे को आ जाओ तो ऐसे प्लस दो में वही होता है जो होना चाहिए अब एक कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं एक कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं पहले चार नंबर नंबर वाले वाले करते हैं नंबर वाले के लिए मैं TFT भी करवा दूंगा दोनों को एन आई सी ओ फोर एन आई सी ओ फोर कहा गया पहले चार नंबर करते हैं चलो आ जाओ एक कॉम्प्लेक्स करते हैं चार नंबर के लिए हमेशा वीबीटी लगाओ कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए हमेशा क्या लगाओगे वीबीटी लगाओगे एनआईसी सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना एन आई निकलेगा प्लस दो में प्लस दो में निकलेगा आठवें नंबर पे आता है इसका मतलब थ्री डी एट है, जीरो है फोर पी भी जीरो होगा और फोर डी भी जीरो होगा लिख दो जरूरत पड़ेगी ले लेंगे नहीं तो कोई बात नहीं जब कोऑर्डिनेशन नंबर चार होता है तो या तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा या फिर टेट्राहेड्रल बनेगा इन दो के अलावा तो कुछ नहीं बन सकता अभी देखते हैं हमारे पास ये कौन सा बनेगा या तो sp3 थ्री होगा या डी एस पी टू होगा चार के अंदर तो दो ही हो सकते हैं अभी देखते हैं इसमें क्या होगा Ni का क्या करोगे Ni के डब्बे बना दो थ्री डी एट बना दो बेटा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक है फोर एस बना दो फोर पी बना दो लो और फोर डी भी बना दो जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे नहीं तो कोई काम का नहीं अपने चलो आ जाओ अभी सी एन माइनस कैसा है स्ट्रोंग लिगेंड है क्योंकि कार्बन डोनर है सी एन माइनस कैसा है कार्बन डोनर है पेयरिंग हो सकती है अब पेयरिंग हम तभी करवाएंगे जब हमको लग रहा हो कि एक डब्बा मिल जाए क्योंकि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर जब चार होता है ना बेटा तो एक ही डी की जरूरत पड़ती है देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जब छ होता है तो हमें दो डी की जरूरत पड़ती है क्यों क्योंकि डी टू एसपी थ्री या एसपी थ्री डी टू डी टू डी टू डी टू बोलो लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर चार में तो मुझे एक ही डी की जरूरत पड़ती है एक ही डी की जरूरत पड़ती है तो अगर मैं इसकी पेयरिंग करवा दूं तो मेरे पास तो एक डब्बा खाली हो जाएगा मेरा काम तो हो गया मेरा काम हो गया बेटा मेरा काम हो गया अब मेरे हो गए मजे ही मजे अब मेरे हो गए मजे ही मजे अब मेरा हाइब्रिडाइजेशन बन सकता है एक डी और एक एस एक डी एक एस दो पी मिलकर क्या हो जाएंगे डी एस पी टू बोलो क्या स्क्वायर प्लेनर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर प्लेनर क्या ये इनर डी होता है ऑब्वियसली डी एस पी टू इनर डी ही होता है क्या ये लो स्पिन है यस ये भी लो स्पिन है क्योंकि स्पिन पहले दो थी देखो दो अनपेड थे क्या अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है नहीं है अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है यस क्या ये डाया मैग्नेटिक होगा यस ठीक है भाई एस पी थ्री है वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है वो सही है वो ऐसे पूरा नहीं हुआ वो बस एसपी थ्री है वो ठीक बेटा है जैसे आप एन आई सी एल फोर ले लू तो एन आई सी एल फोर ले लू तो 2 ले लू तो अभी भी Ni+2 प्लस दो में ही आएगा ठीक है आएगा 4S0 आएगा 4P0 आएगा और फोर डी भी जीरो होगा अभी देखो ये पेयरिंग नहीं कर सकता अभी पेयरिंग नहीं हो सकता क्यों क्योंकि Cl- माइनस है वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हो सकती पेयरिंग नहीं होगी पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा यहाँ पे फिर एक डब्बा और इसका पी थ्री लेना पड़ेगा पेयरिंग नहीं होगी तो ये काम में नहीं आएंगे तो यहां से हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन और एसपी थ्री बोलेंगे बोलो क्या बोल देंगे टेट्राहेड्रल ठीक है जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग पैरा मैग्नेटिक होगा और जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है टू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन तो टू पॉइंट समथिंग जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग होता है ठीक है बेटा जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग बस फिर लो फिर भाई, ठीक है चलिए तो चार नंबर के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कुछ स्पेशल केस हैं वो देखना चाहोगे इसको हम सी और वीबीटी को एक साथ

में एंगल मस्ट होता है मस्ट एंगल तो दुनिया में बिना हाइब्रिडाइजेशन के बिना एस के हाइब्रिडाइशन नहीं होता यानी अगर किसी में एस भरा हुआ है ये देखो ये एन आई जीरो में बेटा तो हम थ्री डी एट फोर एस टू तो पहले हम एस के इलेक्ट्रॉन अंदर लेके आएंगे फिर ये वाले भी एस के इलेक्ट्रॉन हम अंदर लेके आएंगे क्योंकि जीरो स्टेट में तो S के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना बेटा ये तो जीरो स्टेट है मैंने तो प्लस दो बताया है प्लस दो में थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो होता है अभी तो जीरो है जीरो है तो पूरा भरा है पूरा भरा है तो एस को खाली करो कहीं एस भरा है तो एस को खाली करना पड़ेगा बिना एस के कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता एस तो चाहिए ही हमको एस खाली करो और वो भी डब्बा चाहिए पूरा क्यों क्योंकि सामने वाला तो लिगेंड है वो तो लोन पेयर देगा तुमको तो खाली डब्बों का हाइब्रिडाइजेशन करवाना है एक अच्छी बात बताऊं अभी तक आपने गौर नहीं किया हो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ खाली डब्बों का हो रहा है क्यों क्योंकि सामने वाला तो लोन पेर देने वाला है ना लिगेंड बेटा यहां पर हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ खाली डब्बों का हो रहा है सिर्फ खाली डब्बों ओनली वैकेंट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्साउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जितने होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे डब्बे खाली होते हैं कारण उसे बॉन्ड जो बनाना है वो तो लोन पेयर एक्सेप्ट करके बनाना है ना बेटा तो वो सिर्फ खाली डब्बों को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाता है और हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा हुआ है खाली आधे भरे पूरे सभी प्रकार के डब्बे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए वीबीटी ही यूज करना ओके कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए तुम वीबीटी ही यूज करना उसका कारण है सात आठ तो कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल और ये स्क्वायर प्लेनर ज्यादा नहीं है मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल के लिए हम सी यूज करेंगे थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए हम सी यूज करेंगे थोड़ा काम क्या हो जाएगा बेटा जल्दी हो जाएगा ठीक है तो हमको क्या करना है अगर ऐसी कोई चीज है तो हम उसको खाली करेंगे जैसे आप ये देखो कैसे समझोगे एनआईसीओ फोर है अभी बोला हमने दो इलेक्ट्रॉन हम किधर करेंगे ट्रांसफर ट्रांसफर करते ही ये क्या हो जाएगा बेटा D8 से दो इलेक्ट्रॉन अंदर गए तो दस हो गया दस हो गया तो अब दस होने के बाद तो कोई चांस नहीं है कि लिगेंड हो वीक लिगेंड हो क्या ही उखाड़ लेगा बोले क्या कर लोगे भैया मंत्री के बैठे हो तो हो कमरा नहीं है तो नहीं है अब सोते हुए लोगों को तो बाहर फेंकने से रहा तू है ना अगर डी टेन ही हो गया तो खेल खत्म हो गया ना बेटा अब इसके पास तो ऑप्शन ही बाहर का बचा बस फिर एक एस ले लो पी ले लो तीन sp3 थ्री बन गया डाया क्यों क्योंकि हमने एस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो आठ के दस हो गए <coughs> तो हमारा इस कॉम्प्लेक्स के लिए इस कॉम्प्लेक्स के लिए sp3 थ्री हो जाए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर पूछा जाएगा ये हर एक साल बाद पूछ लेता है वो ऑल्टरनेट ईयर्स पे ये चीज पूछ ली जाती जल्दी आ जाओ नेक्स्ट सवाल एफ सीओ -E फाइव समझो देखो हमने दो एग्जाम्पल लिए थे ऐसे ट्रांसफर वाले ये देखो ये ट्रांसफर वाले ऐसा सवाल लिए देखो ये देखो एक और बताऊंगा फिर बाद में ये देखो ये छह है छह के आठ हो गए बेटा छह हैं छह होते हैं दो अंदर गए आठ हो गए आठ को ऐसे भर लो एक दो तीन चार पांच आठ भर लिए अब आठ के बाद भी दो अनपेड बच रहे हैं और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है जो कि है स्ट्रॉन्गेस्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है

तो यहां पर भी हमें एक डी की जरूरत है अगर पेयरिंग होकर एक डब्बा खाली होता करवा दो हो गया हो गया तो डी एस पी थ्री बोल दो ट्राइगोनलिडलो एन इज इक्वल टू जीरो बोल दो डाया मैग्नेटिको एन जीरो मैग्नेटिक बोल दो, दो। स्पिन पहले से तो कम हो ही गई है इनफैक्ट अगर एस के इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं तो भी स्पिन को कम माना जाता है लो स्पिन इनर डी कॉम्प्लेक्स आप बोलोगे सर इनर डी वहां क्यों नहीं बोला कोऑर्डिनेशन नंबर आप में यही बताते है, कि मैं अंदर का हूं और बताता है कि मैं बाहर का हूं बात खत्म होगी दोनों डी आए जहां पर दोनों जगह डी आए एक अंदर एक बाहर वहां हमें यह मैं करना जरूरी हो जाता है कि इट इज इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल अब एसपी थ्री और डीएसपी टू में तो अंडरस्टूड uh, है ये चीज की ठीक है वो अंदर वाला ही है डीएसपी टू बोल रहे हो तो स्क्वायर प्लेनर अंदर वाला ही होता है डीएसपी टू है ऐसा तो एस पी टू डी कुछ नहीं होता है ना उसमें एसपी टू डी कुछ नहीं होगा डीएसपी टू ही होगा एसपी थ्री है आउटर ही है क्या देखोगे उसमें फोर्सफुली पेयरिंग बोलते हैं इसको फोर्स पेयरिंग ओ माय गॉड बड़े बड़े शब्द बड़ी बड़ी बातें सवाल छोटे छोटे भी नहीं आते ये हम कर चुके हैं एन आई सी एल फोर और ये दोनों तो हम हटा देते हैं इसको हाँ फालतू की पेयरिंग से बचे जबरदस्ती उदम नहीं मचानी है किसी के घर में जाके इतने कमरे चाहिए उतने ही लो चाहिए दो और तुम कह रहे के तीन खाली करो नहीं फालतू की पेयरिंग नहीं करनी है अपना घर थोड़ी बेटा अगले को बोला है कि यार तुम अंदर का कमरा दे दो तो जैसे ये रहा के थ्री सी एन सिक्स क्या निकला निकलास प्लस, थीन। प्लस थीन का मतलब डी कर दूं क्योंकि दिक्कत यहां तक डी फोर कर दिया अब डी फोर तुम ऐसे लगाओगे एक डब्बा ऑलरेडी खाली पड़ा है तुम्हें चाहिए दो डब्बे क्योंकि ओक्टा हेडरल है तो हमें तो दो डब्बे खाली चाहिए ना सिर्फ

यही बात से हमको पता चला कि अच्छा भैया हर किसी की पेयरिंग नहीं करानी बैठ के है ना पेयरिंग यहां पर ही करानी है हमको तो दो ही डब्बे खाली करेंगे दो ही डब्बे सिर्फ दो ही डब्बे तो फिर डी टू एस पी थ्री बोल देंगे इसको ऑक्टा हेड्रल एन दो हो जाएंगे लो स्पिन बोला जाएगा क्योंकि पहले स्पिन अनपेड इलेक्ट्रॉन चार हैं और अब दो ही बचेंगे बेटा अब दो ही बचेंगे तो चार से दो हुए तो स्पिन तो कम होगी और स्पिन कम होते ही लो स्पिन ही बोला जाएगा खुशी भाई राजस्थान में कहा से हैं? खुशी भाई खुशी भाई है आपस में बात कर रहे हैं टिंडर चल रहा है टिंडर टिंगरों का टिंडर मान जा टिंगर आप खावेंगो कट जा रुक जाओ टेंगर टेंगरियों ना करो चलो आ जाओ क्रिस्टल फील्ड पढ़े बाकी की चीजें बाद में ऐड कर लूंगा मैं क्रिस्टल फील्ड कर देते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं बेटा आज फटाफट आया मैं एक मिनट में तब तक इसको पढ़ो ये क्या कह रहा है जी चलो बेस्ड ऑन मॉडल इसने कहा लिगेंड और मेटल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो आइनिक है क्यों क्योंकि लिगेंड को आप पॉइंट चार्ज मानो मेटल को भी आप पॉइंट चार्ज मानो तो मेटल को कौन सा पॉइंट चार्ज माने तो इसने कहा मेटल को तुम पॉजिटिव चार्ज मान लो है ना और लिगेंड को तुम माइनस चार्ज मान लो तो लोगों के दिमाग में आया कि यार लिगेंड अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे लिगेंड अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो क्या करेंगे तो उसने कहा कि अगर कोई डाइपोल है इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड पॉइंट डाइपोल इज कंसिडर यानी कि पूरा माइनस होना हो उसके एक हिस्से पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जैसे अमोनिया है बेटा अमोनिया है तो ये लोन पेयर है अब लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहां है लोन पेयर है तो इसका मतलब है इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होने का मतलब है इसका ये हिस्सा जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह काम कर जाएगा तो उसको बोलते हैं पॉइंट डाइपोल अगर कोई एनाइनिक लिगेंड है तो, तो हमें दिक्कत ही नहीं है एनाइनिक ठीक है फिर क्या करेंगे वो लिगेंड अटैक करेंगे मेटल पर कैसे करेंगे लिगेंड आएंगे मेटल पर क्या करेंगे अटैक करेंगे अट्रैक्शन तो इसने समझाया लेकिन इसने साथ साथ यह भी बोला कि लिगेंड क्या लेकर आ रहे हैं तो आप बोलोगे अरे इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं क्या लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं मेटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन भी हैं लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं और मेटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन भी हैं बताओ आ तो रहे हैं ठीक है लेकिन क्या रिपल्शन नाम की भी कोई चीज होगी होगी जब रिपल्शन होगी तो मेटल के डब्बों की एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी अगर वो डब्बा की एनर्जी एक जैसी बढ़े सबकी सबकी एक जैसी बढ़े तो तो कोई तकलीफ नहीं लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है प्रॉब्लम ये है कि वो डब्बों की एनर्जी एक जैसी नहीं बढ़ती किसी की ज्यादा बढ़ती है और किसी की कम बढ़ती है बढ़ती दोनों की है बढ़ती सबकी है लेकिन किसी की ज्यादा बढ़ती है और किसी की मतलब ये ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता ऐसे होता है कि बढ़ रहे हैं एक स्लोली बढ़ रहा है और एक ऐसे 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 बढ़ रहा है यानी अपनी ओरिजिनल जगह से तो एनर्जी दोनों की बढ़ेगी लेकिन गैप फिर भी आएगा तो बताओ अटैक जब होता है तो एनर्जी बढ़ती है तय बात है क्या एनर्जी का बढ़ना सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल किस तरह से अटैक होता है लिगेंड का सिमेट्रिकल अटैक होता है या अनसिमेट्रिकल तो आंसर है लिगेंड का अटैक अनसिमेट्रिकल होता है यही कारण है कि मेटल के जो डब्बे हैं डी के पांच डब्बे डी के पांच डब्बे जो हैं वो क्या करते हैं मेटल के जो डी के पांच डब्बे हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है रिपल्शन की वजह से और सबकी बराबर नहीं बढ़ती किसी की ज्यादा बढ़ती है किसी की कम बढ़ती है जिसको रिपल्शन ज्यादा महसूस होगा उसकी ज्यादा बढ़ेगी और जिसको कम महसूस होगा उसकी थोड़ी कम बढ़ेगी समझ रहे हो बात को मान लो अब डी के डब्बे कितने अब ये क्या हो गया वेन लिगेंड अप्रोचेस मेटल आयन एनर्जी ऑफ डी और बाइटल इंक्रीजेस इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ डी इज अनसिमेट्रिकल विच कॉजे स्प्लिटिंग क्योंकि अगर एनर्जी दोनों की बराबर नहीं बढ़ेगी तभी तो टूटेंगे डब्बे तो मेन फर्क यही था वीबीटी और सी में मेन फर्क यही था कि वीबीटी ने इन डब्बों को एक एनर्जी लेवल पे रखा और हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया यह कहता है कि ये डब्बे टूट जाते हैं पहले ये डब्बे क्या करते हैं टूट जाते हैं मतलब तीन और दो के टुकड़ों में चले जाते हैं स्प्लिटिंग हो जाती है स्प्लिट का मतलब टूट जाना स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड हो जाना पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो जाना तो ये स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं तो ये एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है

ये मैंने एक रिलेशन लिखा है कि ऑक्टाहेड्रल किससे ऑक्टाहेड्रल एनर्जी होती है टेट्राहेड्रल एनर्जी होती है और स्क्वायर प्लेनर टाइप की भी एनर्जी होती है अलग अलग होती है हमारे सबसे काम का तो ऑक्टाहेड्रल ही है स्क्वायर प्लेनर में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल में हम जरूर इतना पढ़ेंगे कि ये तीन ऊपर चले जाएंगे और दो नीचे आ जाएंगे ये उल्टा हो जाता है टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है बेटा ये उल्टा हो जाता है अभी फिलहाल तो मुझे ऑक्टाहेड्रल भी पढ़ाना है यानी कि अभी तो मुझे तीन और दो में से तीन नीचे क्यों है और दो ऊपर क्यों है ये भी तो बताना है बेटा तो फिलहाल तो तुम्हें ये बता दो कि नेचर ऑफ स्प्लिटिंग इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑफ अटैक मतलब ये जो नेचर स्प्लिटिंग होगी ना ये डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अटैक कि अटैक कहां से हुआ है अटैक कहां से हुआ है एक्सिस से हुआ है या बिटवीन एक्सिस से हुआ है जो लिगेंड अटैक कर रहे हैं वो किस रास्ते से आ रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास D के ये डब्बे होते हैं जानते हो इनको डी और बाइटल होते हैं डी जेड ये एक्सीएल होते हैं ये नॉन एक्सीएल होते हैं सबको पता है ये एक्सीएल है और ये नॉन एक्सीएल है ये एक्सीएल है और ये नॉन एक्सीएल है ये एक्सिस वाले हैं और नॉन एक्सिस वाले हैं अगर मैं कहूं कि लिगेंड एक्सिस से अटैक कर रहा है क्या बोलू मैं लिगेंड जो है वो कहां से अटैक कर रहा है एक्सिस से अटैक कर रहा है तो किसको रिपल्शन ज्यादा महसूस होगा एक्सिस वालों को होगा तो उनको भी लेकिन मैं पूछ रहा हूं अगर लिगेंड एक्सिस से अटैक कर रहा है लिगेंड अप्रोच कर रहा है एक्सिस से तो किसको ज्यादा रिपल्शन महसूस होगा ये तुम्हारे पास पांच डब्बे हैं डी के इससे एक्सिस वालों का तो किसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी रिपल्जन ज्यादा महसूस होगा किसको एक्सिस वालों को तो जब लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करते हैं जो कि होता होता है जो क्या होता है क्या बेटा में लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करता है क्यों क्योंकि ओक्टाहाइड्रल तीनों एक्सिस पे होता है ओक्टाहाइड्रल देखोगे ना आप ओक्टाहाइड्रल ये देखो ओक्टाहाइड्रल देखो ओक्टाहाइड्रल कैसा होता है बेटा ऐसा होता है कि नहीं होता है अब ओक्टाहाइड्रल में तीनों एक्सिस काम आते हैं ये देखो ऑक्टाहेड्रल में ऐसा होता है कि नहीं होता है ये देखो एक एक्सिस दो एक्सिस और तीन एक्सिस ये कुछ ऐसा नहीं हो गया ये देखो है ना और इनके ये माइनस वाले कोऑर्डिनेट भी इधर 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 कुल मिला के तुम यहां देख लो ये देखो ये देखो ये देखो तीनों से अटैक करता है तो ऑक्टाहेड्रल में अटैक एक्सिस से होता है और ऑक्टाहेड्रल में अगर अटैक एक्सिस से होगा तो किसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी एक्सिस वालों की कौन से है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर तो यानी कि दो ऊपर जाएंगे और तीन नीचे रह जाएंगे रह जाएंगे नहीं उनकी भी एनर्जी बड़ी है लेकिन उतनी नहीं बड़ी जितनी उसकी बड़ी ऐसा नहीं है कि इनको रिपल्शन महसूस नहीं होगा रिपल्शन इनको भी होगा लेकिन इनको बहुत होगा दोनों को. क्यों? क्योंकि लिगेंड आ ही उसी रास्ते से ना ये मैंने समझाने का आप थ्री में देख सकते हो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं मैं जानता हूं ठीक है लेकिन ऐसे को आप समझ लेना आप मैं जानता हूँ आप इसको ऐसे करना चाह रहे हो थ्री डी में आपके पास डायग्राम होगा गूगल वूगल से देख लेना यार ठीक है भाई मैंने इनको समझाने के लिए अपने एक्सिस बदल दिए एक्स वाई कर दिया तो इसका नाम डी एक्स वाई जेड वाई कर दिया तो डीवाई जेड बाकी आप चाहो तो अगर एक एक्सिस को मानकर ही समझना है तो फिर एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा ठीक है एक ऐसा होगा इस तरह से होंगे ये एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा एक ऐसा एक ऐसा ठीक है और एक ऐसा है भाई इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो तुमको क्या करना है सीधी बात है लो कैसे होता है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड देखो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे होती है ये एनर्जी मेटल के डी के डब्बों की फ्री स्टेट में है नीचे पड़े हैं इस वक्त मेटल और लिगेंड एक दूसरे को जानते ही नहीं है इनफाइनाइट डिस्टेंस है पता ही नहीं है कि कब कौन क्या लिगेंड है फिर एक दिन अचानक से मेटल को लेगेंड का गुच्छा आता हुआ दिखा तो बहुत सारे अब अगर डिस्टेंस ज्यादा हो बहुत पास नहीं हो मैं तुमसे पूछूं कि 20 लोग आ रहे हो तो तुम नजदीक आने के बाद काउंट कर पाओगे कि 20 लोग हैं क्या तुम थोड़े दूर से काउंट कर लोगे उनको तुम्हें तुम क्या बोलोगे कि यार बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप आ रहा है तुमको पता है क्या कि वो बीस आ रहे हैं नहीं ना

ये तो है मेटल लिगेंड की डिस्टेंस इनफाइनाइट यहां पे इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वो अलग इनफाइनाइट है या अलग इनफाइनाइट है नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर इनफाइनाइट हो जाएं तो इसका मतलब है उस मेटल को तो वो फिर चारों तरफ से ऐसे घेर लेंगे मुझे बताओ कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स देखा है जिसमें तुम ऐसे लिख दो कि ये मेटल है और लिगेंड के नंबर कितने हैं तो हमने लिगेंड के नंबर दो पढ़े तीन पढ़े पांच पढ़े चार पढ़े छ पढ़े यही पढ़े यही तो पढ़े

जब इसको लगता है कि अरे खूब सारे आ रहे हैं तो इन अच्छा सबको ऐसा लगता है जितने डब्बे हैं सबको ऐसा लगता है कि सबको बराबर रिपल्शन मिलेगा तो ये ऐसे एनर्जी सबकी एक साथ बढ़ जाती है देखो सबकी एक साथ बढ़ ग़ी। बढ़ ग़ी, नहीं बढ़ गई 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 नहीं यहां यहां से सीधे आ गए मुझे बताओ क्या अभी स्प्लिटिंग हो गई यस yes और no. क्या इस वाले केस में स्प्लिटिंग हो गई यस और नो नहीं हुई ये सेम एनर्जी लेवल पे रहते हैं तो इनको बोलते हैं डी क्या बोलते हैं इस वर्ड को डी ये डी जनरेटेड है ये पांचों डब्बे एक एनर्जी लेवल पर है क्या यहां पहुंचने पर इनकी डी yes no? क्या यहां पहुंचने पर इनकी लॉस्ट हुई कि नहीं हुई आंसर है नहीं हुई यहां पहुंचने पर भी लॉस नहीं हुई अरे यहां पर पहले एक साथ थे अब यहां पर एक साथ है अरे पांच लोग नीचे थे अब पांच लोग छत पे हैं तो पांचों लोग छत पे एक साथ है ना तो डी जनरेसी लॉस्ट होने का मतलब है इन पांचों की एनर्जी में चेंजेस आ जाना आ आपस में तो यहां डी जनरे लॉस्ट नहीं हुई है लेकिन जैसे ही जैसे ही लिगेंड और नजदीक आते हैं इधर से इधर देख लेना बेटा यहां लिगेंड बहुत दूर है इनफाइनाइट डिस्टेंस यहां लिगेंड थोड़े पास आए हैं और यहां पर लिगेंड आकर अटैक कर चुके हैं जैसे ही पास आए जैसे ही पास आए और पास आए तो मेटल को लगा कि अरे भैया छह लिगेंड आ रहे हैं और और, और करके कर अटैक कहां से करे दोस्तों अटैक एक्सिस से हो रहा है और जैसे ही इनको पता चला कि अटैक एक्सिस से हो रहा है एक्सिस वालों की एनर्जी तुरंत आगे बढ़ गई तूफान आ गया ये नीचे रह गए जैसे ही अटैक एक्सिस से हुआ एक्सिस वाले ऊपर चले गए ये नीचे हो गए हो गई स्प्लिटिंग टूट गए अब बताओ डी जनरेसी लॉस्ट हुई क्या आंसर है यस कब हुई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा जब या वीक लिगेंड आएगा जब डी जनरेसी कब लॉस्ट होगी तो आ, बोलो स्ट्रॉग लिगेंड आएगा जब या वीक लिगेंड आएगा जब के स्ट्रांग <laughs> <laughs> आंसर है दोनों मैंने कब बोला कि लेकिन लेकिन कोई भी आए स्प्लिटिंग होगी फिर दो स्ट्रांग करें बस लिगेंड कोई भी आए स्ट्रांग आए वीक आए अटैक होगा अटैक होगा तो रिपल्शन होगा स्ट्रांग आए वीक आए स्प्लिटिंग होगी दोनों आएंगे तब स्प्लिटिंग होगी हां फर्क क्या होगा वो सुनो फर्क ये होगा कि जब स्ट्रांग आएगा तो ज्यादा होएगी मतलब गैप ये, ये, ये तो और वीक होगा तो कम रहेगा बट स्प्लिटिंग होगी और अगर स्प्लिटिंग होगी तो डी जनरेसी लॉस्ट होगी तो आपसे पूछा जाए कि डी जनरे कब लॉस्ट होती है तो आंसर है वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों केस में डी जनरे लॉस्ट होती है बेटा ठीक है अब ठीक है अब हमने क्या किया यहां पर एक सेंटर uh, ले लिया जिस पर हमने एनर्जी को जीरो मान लिया विच इज नॉन एज बेरी सेंटर और कुछ uh, वैल्यूज जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ओवरऑल एनर्जी गैप को हमने डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट किया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओक्टाहाइड्रल फील्ड एक्चुअली और यहां पर अगर ऊपर गए हैं तो जीरो से ऊपर वाले प्लस होते हैं तो इसको बोला जाता है प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ नीचे हैं तो माइनस होगा माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ नीचे वालों को टी टू जी बोला जाता है ये तीन डब्बे जो कि बिटवीन एक्सिस वाले थे वो तीन डब्बे ये रहे टी टू जी और ऊपर वाले को बोला जाता है ई जी ठीक है ऐसा लग रहा है कोई भाभी अपने देवर को बुला रही है लेकिन ऐसा नहीं है ये टी टू जी है सुनो अपने भैया को बुलाओ ई जी ठीक है भाई तो ये टी टू जी ई जी ठीक है भाई चले आगे अब सुनो अब ये हो गया सब ठीक है हो गया अब मजेदार बात है कि हमको सवाल करने अब सवाल करने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे किन में इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे इनमें इनमें इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे अब अब वो तो हो गया ये टूट गए ये टूटकर ऐसे हो गए अब टूटकर ऐसे हो गए तो इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग तो सीखेंगे ना मान लो मुझे डी फाइव भरना है अब डी फाइव इनमें कैसे भरू कैसे भरू डी फाइव इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीखेंगे आज फिर आज जल्दी उसके बाद से हम सवाल कर सकते हैं उसके बाद से हम कोऑर्डिनेशन नंबर छह के लिए सवाल कर सकते हैं आ जाओ ये देखो देखते जाना दो तो कंडीशन है दो कंडीशन स्ट्रोंग लिगेंड की केस में और वीक लिगेंड के केस में कंडीशन है स्ट्रोंग लिगेंड के केस में स्ट्रोंग लिगेंड में क्या ज्यादा होता, होता है अभी देखो अभी पहले सिखा देता हूं वो रिलेशन अपने आप तुमको याद हो जाएगा आ जाओ आ जाओ इसीलिए मैंने हर एक के लिए दो बनाए देखो किस किस को याद है कि मैंने कहा था D1, D2, D3 होने पर स्ट्रॉन्ग वीक में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि अंदर के डब्बे हमेशा ही खाली होते हैं तो ये देखो D1, D2, D3 में स्ट्रॉन्ग वीक एंड वीक लिगेंड में सेम चलेगा कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे बेटा वैसे तो तुम चाहो तो MDJ तुम्हारे सामने है एमडीजे लगाओ आंसर पाओ फील भी दिला दूंगा आ जाओ एम कहता है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना तो T2G के बाद वापस T2G में ही आओ है ना मतलब T2G T2G दो बार आवाज दगाओ फिर EG EG और अगर वीक लिगेंड होता है ना तो अल्टरनेट चलो T2G EG फिर T2G फिर EG एम देख लो फटाफट एक बार एम को अच्छे से पढ़ लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रिपीटेड पाथवे स्ट्रॉन्ग लिगैंड रिपीटेड पाथवे वीक लिगैंड अल्टरनेट पाथवे स्ट्रॉन्ग लिगैंड रिपीटेड पाथवे T2G भरेगा फिर वापस T2G में पेयरिंग होगी फिर EG में जाएंगे फिर EG में पेयरिंग होगी अगर आपको बात नहीं समझ आई तो मैं समझा सकता हूं देखो ये मेरे पास डब्बे हैं तीन यहां पे हैं और एक यहां पे हैं। मेरी बात को समझना मुझे बताना कि अगर मैं टी टू जी के बाद टी टू जी बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है एक दो तीन कहीं चलेगा एक दो तीन लेकिन मैंने कहा टी टू जी के बाद वापस टी टू जी में ही आना है एक दो तीन तो बताओ चार पांच छह ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की फीलिंग हुई अब टी टू जी के बाद तुमने वापस टी टू जी ले लिया अब तुम जाओगे ई जी में ये लो अब वापस ई जी में ही रहोगे तो टी टू जी टी टू जी ई जी ई जी ये चलता है किसमें स्ट्रोंग लिगेंड में ये ये जुगाड़ है बेटा इससे आपको कोई गलती नहीं करवा सकता यहां पे देखो अब मैं अगर वीक लिगेंड बोल रहा हूं वीक लिगेंड तो वीक लिगेंड में क्या था वीक लिगेंड में टीटू जी, टी टू जी ऐसा था क्या वीक लिगेंड में ऐसा था तो इसका मतलब है वीक लिगेंड में कैसे करेंगे एक दो तीन लेकिन अब हमें यहां नहीं आना है ऊपर जाना है क्योंकि ये लिखा हुआ है फिर यहां जाकर ऊपर गए ऊपर जाकर वापिस नीचे आए फिर वापिस ऊपर गए तो जब ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा और फिर ऐसे चलेगा तो एक साथ मेरे साथ स्टेप करो ऐसे 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 ये क्या है स्ट्रॉग लिगेंड डांस का स्टेप नहीं है लेकिन अगर ऐसे 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 तो क्या है वीक लिगेंड वीक लिगेंड में हम ऐसे भरेंगे अब भरो सवाल चलो आ जाओ चलो अलग अलग चीजें बताता हूं मैं आपको आ जाओ अलग अलग, अलग चीजें बताता हूं दिमाग में फिट कर लेना एकदम चलो स्ट्रॉग लिगेंड डी वन एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है नीचे तीन डब्बे और ऊपर एक डब्बा मान लो नहीं सॉरी एक डब्बा तो वो तुम्हारा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं नीचे तीन डब्बे और ऊपर दो डब्बे मान लो इसके डब्बे इस डब्बे की बात नहीं कर रहा हूं उसको अलग रहने दो उसको अलग रहने दो वो लगाना है अभी तीन डब्बे दो डब्बे दिमाग के सामने सब सबके दिमाग के सामने डब्बे हैं सबकी आंखों के सामने डब्बे हैं एक इलेक्ट्रॉन भरना है कहां भरू यहीं भरूंगा और कहां भरूंगा टी टू जी मैं भरूंगा टी टू जी वन कर देता हूँ जी जीरो कर देता हूं अब आप बोलोगे नहीं ये तो स्ट्रॉन्ग लेगा अरे स्ट्रॉन्ग वीक क्या होता है एक तो एक ही है वो तो वहीं जाएगा ना स्ट्रोंग कर ले वीक कर ले पहला तो वहीं जाएगा तो दूसरा भी वहीं जाएगा तो तीसरा भी वहीं जाएगा क्या मतलब फिर D1 हो यहां D2 हो आगे D3 थ्री यहाँ तीन तक तो नीचे ही जाएंगे एक दो तीन ये तो वहीं ये तो भरेंगे ही भरना आ रहा है सबको भरना आ रहा है अब देखो इसको चार से कहानी बदल जाती है इसीलिए चार से मैंने दो दो कर दिए एक काम करो चार को पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड में बनो एम डी से देख लेना रिपीट करना है चार को पहले स्ट्रोंग में भरो चार को पहले स्ट्रॉन्ग में भरो बढ़ा दो भरो कैसे भरोगे गए एक दो तीन एक दो तीन वापिस यही आना है एक दो तीन वापिस यही आना है क्यों क्योंकि स्ट्रोंग लिगेंड में भर रहे हैं एक दो तीन ऐसा क्यों हुआ ये ऊपर क्यों नहीं गया एक दो तीन ये चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भी तो जा सकता था ये चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भी तो जा सकता था देखो मैं बताता हूं ये तो इस, ये तो बात हो गई इसकी अभी मैं बताता हूं ये एक ये, ये, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भी तो जा सकता था क्यों नहीं गया क्योंकि गैप ज्यादा होगा यार गैप ज्यादा होगा एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन या चौथा इलेक्ट्रॉन बैठा है तो था इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि मैं कहा जाऊं यहां जाऊं बहुत पैसा लगेगा कह रहा है कि पांच हजार रुपये दे दे पांच हजार रुपए है ऊपर आ जाए पांच हजार रूपये फिर ये वाले इसको किसी ने बोला कि देख यार ज्यादा ऊपर नहीं उड़ना पांच हजार रुपए है तू तो तीन हजार रुपये में नीचे ही रह जा बोले तेरे तो दो हजार रुपए तब भी बच रहे ना बोले हाँ तो बोले तीन हजार रुपये में यहाँ पेयरिंग कर ले वैसे तो इसमें भी लगेंगे पर लगेंगे तीन हजार ही तो इसने बोला कि यार ऊपर जाऊंगा पांच हजार रुपए लगेंगे नीचे जाऊंगा तीन ही हजार रुपए लगेंगे तो इसने नीचे वाला रास्ता अपना लिया नीचे वाला रास्ता मतलब पेयरिंग नीचे वाला रास्ता मतलब पेयरिंग यानी इसको समझ आया कि अभी मेरे पांच हजार रुपए ज्यादा लग रहे हैं है ना इसको ये समझ आ गया कि मेरे पांच हजार रुपए ज्यादा लग रहे हैं तीन हजार रुपए कम है तो ये कह रहा है कि मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी पेरिंग एनर्जी से कम है ये कह रहा है कि मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी पेरिंग एनर्जी से कम है इसी को हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल दिया इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल दिया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए हम लिख सकते हैं ये ऐसा रिलेशन होता है इसी कारण से गैप ज्यादा होता है तभी तो ऊपर नहीं जा पाता नीचे रिपीट हो जाता है पेरिंग हो जाती है। रिलेशन इसलिए बनता है आज के बाद ये रिलेशन तो नहीं भूलोगे दूसरी बार अगर यह चौथा इलेक्ट्रॉन वहां चला जाता, उपर, है, ना? कब जाता? मान लो, ये है मान लो ये है, जाने के इसके मान लो दो हजार रुपए लग रहे हैं यहाँ जाने के पांच हजार रुपए लग रहे हैं तो वो ऊपर चला जाएगा क्या दिक्कत है उसको कब जाएगा जब गैप कम होगा जब डेल्टा ओ कम हो और पेरिंग एनर्जी ज्यादा हो इसको तो वीक लिगेंड बोलते हैं तो यानी कि वीक लिगेंड का रिलेशन भी हमें समझ आ गया और वो वीक लिगेंड का रिलेशन हमें समझ आ गया इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि ये ऐसा हो जाएगा भाई भी। बेटा ठीक है चलो तो वीक लिगेंड में फोर्सफुली पेरिंग नहीं होती वीक लिगेंड में फोर्सफुली पेरिंग नहीं होती नॉर्मल चलता है अब आओ आगे देखो भरो फिर चार को कैसे भरोगे स्ट्रॉन्ग में भरना है एक दो तीन चार टी टू जी फोर जीरो वीक में भरो एक दो तीन चार ऊपर चला गया टी टू जी तीन ई जी वन ठीक है स्ट्रॉन्ग लिगेंड भरो पांच भरो पांच एक दो तीन चार पांच नीचे के नीचे पांच है ये जीरो कर दो वीक लिगेंड ऊपर जाना पड़ेगा एक दो तीन चार पांच तो कैसे हो जाएगा तीन दो स्ट्रोंग लिगेंट छ भरो स्ट्रॉन्ग लिगेंड छ भरो भाई छे भरो छे भर स्ट्रॉंग लिगेंड में एक दो तीन चार पांच छह सबके सब नीचे आ गए जीरो कर दो लो वीक लिगेंड में छह भरो कैसे भरो गए एक दो तीन चार पांच वापिस नीचे ही आना है छे. एक दो तीन वापिस देख लो एक दो तीन चार पांच वापिस नीचे ही आना है छिपीटेड अल्टरनेट पाथ में है ना एक दो तीन चार पांच छ यानी कि टी टू जी में चार हो गए और इजी में दो हो गए सात वाले भरो सात 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 वाले 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 कैसे बेटा में भरना है पहले एक दो तीन चार पांच छोटे तो तो। तो टी, टी, टी टू जी टी टू जी दो बार अब इजी तो यहां कितना आएगा छ आएगा और एक आएगा सात को वीक में भरो वीक में एक दो तीन एक दो तीन चार पांच छ सात तो नीचे पांच हो गए और ऊपर दो हो गए ठीक है भाई चले आगे अब देखो आठ को जिस तरह से पहले तीन को फर्क नहीं पड़ता उसी तरह से आखिरी तीन को भी फर्क नहीं पड़ता पहले तीन को कोई फर्क नहीं पड़ता आखिरी तीन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी ले आओ दोनों तरह से भर के देख लो तुम आठ को दोनों पैटर्न से भर के देख लो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ क्या पैटर्न सिक्स और टू ही आए देख लो अब तुम दूसरे पैटर्न से भर के देख लो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अभी भी उतना ही आया कि दो ऊपर छ नीचे इसी तरह से ये छह और यहाँ कितने हो जाएंगे तीन ये छह और यहाँ कितने हो जाएंगे चार कभी चेंज नहीं होंगे मतलब पहले वालों में भी स्ट्रॉन्ग वीक का फर्क नहीं पड़ता और आठ नौ दस में भी स्ट्रॉन्ग वीक का फर्क नहीं पड़ता तो ये जो एम डी जे लिखा हुआ है बेसिकली ये वर्क किसके लिए कर रहा है चार से लेकर सात तक आपको काम करके देगा से लेके सात तक आपको काम करके देगा तो हम मेटल के कॉन्फिग्रेशन सोचेंगे कैसे सोचेंगे मान लो एम एन लिखा हुआ बेटा एम एन मान लो एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है चलो अभी हम कर ही लेते हैं अब अपना काम हो गया आप अपनी गोली की तरह सवाल कर सकते हैं ये देखो हमने ले लिया के फोर एफ एन सिक्स क्या ले लिया बेटा के फोर एफ सी एन सिक्स ले लिया ले लिया यहां हम लगाएंगे इसमें वीबीटी और यहां हम लगाएंगे इसमें सी एफ टी दोनों में फर्क देखना क्या है कहाँ कहा, क्या होता है सबसे पहले सी करके देख लेते हैं सी से हमको यह पता चला कि यह है आपका आयरन जो है वो प्लस दो में है प्लस दो का मतलब थ्री डी सिक्स और क्योंकि साइनाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है साइनाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमें आया कि डी सिक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कैसा होगा तो डी सिक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होगा तो टी टू जी सिक्स और ए जी जीरो सिक्सोंग लिगेंड में कैसा होगा टी टू जी सिक्स होगा ये लो अब इसको देखते ही हमने क्या कर लिया ये बना दिया ऐसा ये बना दिया ऐसा दिमाग में सोचना है बनाना भी नहीं है ज्यादा और हमने कहा कि ये ये तो T2G6 है लो साहब और ये दो डब्बे हमारे है ही खाली हो गए दो डब्बे खाली हैं उसके बाद ये पी खाली है और उसके बाद ये पी थ्री भी खाली है ये थ्री डी हो गया ये आ, मतलब थ्री डी ही है बेसिकली जिसको हम ई जी लिख रहे हैं यहाँ टी टू जी लिख रहे हैं बट ये है तो थ्री डी ना तो थ्री डी है ये फोर एस है ये फोर पी है अब क्या करेंगे ये आपस में खाली हो गया तो ये मिल जाएंगे खाली हो गया तो ये क्या लिख देंगे हम डी टू एस पी थ्री लिख देंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है देख लो जीरो है मैग्नेटिक हो जाएगा स्पिन कम हो गई तो लो स्पिन कर देंगे ठीक है अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो डाया मैग्नेट ओक्टा हेड्रल तो है ही ऐसे निकालते हैं सी एफ टी से वीबीटी से कैसे निकालते हैं लो आ जाओ वीबीटी कैसे निकालें वही फिर वही करो थ्री डी सिक्स है ना इसमें पेयरिंग का सोचना पड़ेगा उसमें पेयरिंग का सोचना नहीं है क्योंकि पहले से तुमको वो कॉन्फिग्रेशन भरना आता है तो पता लग जाएगा कि खाली है कि नहीं है जहां पर ये दोनों खाली मिलेंगे वहां तो हम काम में ले लेंगे जहां नहीं मिलेंगे वहां नहीं लेंगे तो जैसे यहां पर है तो यहां हमें दिमाग लगाना पड़ेगा एक दो तीन चार पांच और ये छह अब आ जाओ यहां पे और अब आ जाओ यहां पे ऐसा मान लो ये क्या है हमारा थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो है बेटा थ्री डी सिक्स फोर एज जीरो है आयरन प्लस टू में तो हम यहाँ क्या करेंगे हम पहले सोचेंगे साइनाइड लिगेंड है पेयरिंग करवा सकता है साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पेयरिंग करवा सकता है तो हम पेयरिंग करवाएंगे यहाँ पर हमको यहाँ पेयरिंग करवा करवा के ऐसे देखना पड़ेगा एक, दो। फिर हम पेयरिंग करवाएंगे पेयरिंग करवाएंगे ऐसे तो ये पेयरिंग हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी तो ये छह इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे अभी ये हो जाएंगे ऐसे वाले अभी भी देख लो कुछ नहीं है सेम चीज है बस वो दो डब्बे जो आपने यहाँ पे दिखाए हैं वो यहाँ पर हैं स्प्लिटिंग है तो ये भी क्या हो जाएंगे डी टू एस पी थ्री हो जाएंगे बाकी सब सेम आ जाएंगे ये सी से ऐसे देखते हैं सॉरी वीबी से ऐसे देखते हैं सी से ऐसे देखते सी में आपको पेयरिंग करवानी नहीं करवानी सोचना नहीं पड़ता बस आपको बस एक ही दिमाग लगाना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ऐसा कर दो इसमें पेयरिंग क्यों नहीं होती हो तो रही हमें करवानी पड़ती है मतलब और वहां तुम क्या करोगे कि पहले सोच लोगे कि लिगेंड कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाई आपको मोहित सर डाउट वीक वीक अब भाई वीक लिगेंड में अपनी मर्जी से जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन वीक लिगेंड में फोर्स पेयरिंग नहीं है आदित्य मैसेज करना बंद कर प्लीज इरिटेट करना बंद कर वीक ड में फोर्सफुली पेयरिंग नहीं होती है वीक इलिगेंड में जो है नॉर्मली उसको जाना ही पड़ेगा ना वीक लिगेंड में वीक लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी जीरो मानी जाती है गाइस आइसोमेरिज्म हो गया क्या नहीं अभी होगा और सवाल कराता हूं मैं तुमको आ जाओ और सवाल करा देता हूं आ जाओ फटाफट लो। अभी मैं लिख दू के थ्री एफ सिक्स के थ्री एफ सिक्स इधर लगाओ VBT और इधर लगाओ सी एफ टी इधर लगाओ सी एफ टी लेन आ रहा है प्लस तीन में आयरन कहां आ रहा है प्लस तीन में डी फाइव होगा डी फाइव फोर एस जीरो हो जाएगा अब अगर डी फाइव है और वीक लिगेंड है वीक लिगेंड क्यों बोला क्योंकि हेलोजन है बेटा वीक लिगेंड है ठीक है हेलोजन है तो वो क्या होंगे वीक लिगेंड होंगे डी फाइव वीक लिगेंड क्या हो जाएगा टी टू जी थ्री जी टू अब हमको पता चल गया कि टी टू जी तो थ्री है मतलब एक दो तीन और ई जी भी क्या है दो है यानी डब्बा खाली नहीं है तो यानी कि हम बाहर के डब्बे लेंगे और बाहर का डब्बा मतलब ये वाला ले लो बाहर का डब्बे का मतलब क्या हो जाएगा ये वाला ले लो अब डब्बा खाली नहीं है तो ये वाला ले लो ये वाला लोगे तो क्या हो जाएगा sp3d2, थ्री डी टू अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच पूरे पूरे दिख रहे पैरा मैग्नेटिक हाई स्पिन आउटर डी वो भी करके देख लो ऐसे भी करके देख लो ज्यादा तो बताऊंगा नहीं बस ऐसे ही बताऊंगा ये कुछ नहीं है ये ऐसा कैसा रहेगा ये मिल जाएंगे ये मिल जाएंगे अब ये मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डी एस पी थ्री डी टू हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल सेम है अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर भी पांच है पैरा मैग्नेटिक होगा ज्यादा आसान ये पड़ेगा तुम्हारे ऑक्टाहाइड्रल के लिए ये वाला सोचो जल्दी हो जाएगा काम भाई ओके okay. तो अब आपको परेशान होने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये तो मैंने अब आपको सिखाई दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए आपको कुछ करना नहीं है सी लगानी नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए तो अब हमने सी पढ़ लिया है सी एफ सवाल हम अब कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है आ जाओ फिर सी के सवाल करते हैं इसको रीअरेंज करना पड़ेगा वो मैं कर दूंगा हाँ ये टेट्रा ही चाहिए है ना टेट्राहेड्रल का डायग्राम देख लो सिर्फ डायग्राम देख लो टेट्राहेड्रल के सिर्फ डायग्राम देख लो ये देखो सिर्फ डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेट्राहेड्रल में तीन ऊपर दो नीचे आते हैं रीजन है लिगेंड का अटैक कहाँ से होता है बिटवीन एक्सिस इसमें एक्स ऐसा होता है ना लिगेंड का अटैक कहां से होता है अगर मैंने रुक जाओ अगर क्या पता मेरे पास ही पड़े हो नोट्स देख लेता हूँ नहीं है नहीं 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 कोई बात नहीं छोड़ो खूब सारे सवाल है आधे से ज़्यादा तो मैं होमवर्क दूँगा तुमको बैठ के यहाँ पे अभी ये लो, पहले तो ये चीज देखो ये आपको लिगेंड वीक लिगेंड का आइडिया दे देगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेनली बेस्ड ऑन डोनेशन स्ट्रेंथ ये देखो कार्बन डोनर है स्ट्रॉन्ग है कार्बन डोनर है ये सब नाइट्रोजन डोनर है यहां तक ये देखो नाइट्रोजन डोनर है ये नाइट्रोजन डोनर है ये देखो ये नाइट्रोजन डोनर है यहां तक नाइट्रोजन डोनर है नाइट्रोजन डोनर है कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग थे कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग है नाइट्रोजन डोनर है फिर ये ऑक्सीजन डोनर आ रहे हैं ठीक है थीके? फिर ये सारे क्या आ रहे हैं ऑक्सीजन डोनर आ रहे हैं और यहाँ पे हेलोजन आ रहे हैं बट सल्फर थोड़ी दिक्कत करता है ये सल्फर जो है ना ये बीच बीच में घुस जाएगा बाकी इन जनरल अगर हम यहां देखें तो हेलोजन हेलोजन एंड सल्फर तो कुल मिला के हेलोजन एंड सल्फर हैलोजन एंड सल्फर के बाद हेलोजन एंड सल्फर के बाद हमारे पास ऑक्सीजन है के बाद नाइट्रोजन है और उसके बाद कार्बन है ये स्ट्रेंथ है ये पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल इस बात पर डिपेंड करती है पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप उठा के देखोगे तो ये इस बात पर डिपेंड करती है कि डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन ही है ठीक है बेटा है ना नहीं होता है और इनको क्या मानते हैं हम वीक लिगेंड मानते हैं डब्ल्यूएफएल कर दो इसको ठीक है भाई चले आगे चले भाई लेग हो गया का अरे लेग हुआ क्या लेग लेग हुआ क्या, लेग हुआ क्या? ऐसा लगा बच्चे कह रहे किसी किसी टाइम लग तो रहा है वो चक्री घूम रही है यार चक्री घूम रही किसी किसी टाइम आठ मिनट बाईस सेकंड एक बच्चे का एवरेज व्यू है इससे ज्यादा कोई नहीं टिक रहा यहां पे। आठ मिनट बाईस सेकंड। वाह क्या कंसिस्टेंसी अरे तू तो, तो स्टार्टिंग से आदित्य स्टार्टिंग से हैं लेकिन एवरेज तो तब निकलेगा ना जब कुछ लोग चला चला के तो एवरेज तो वैसे निकलेगा ना चला चला के जा रहे हैं तो जो शुरू से हैं उनका भी एवरेज खराब करके जा रहे हैं वो लोग ये बीच बीच में चक्री आ रही है किसी किसी टाइम यार है चक्री आ रही है किसी किसी टाइम पे यार हाँ भाई लो चार्जर दे लो आप चार्जर ही ज्यादा सही रहेगा तो ऑन भी हो गया अरे तुम बैठे हो पर एवरेज अलग चीज होती है ना बेटा आजो आजो। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको पता लग ही गया अब आज फिर टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है बेटा ध्यान रखना टेट्राहेड्रल में जो अटैक होता है वो उल्टा होता है लिगेंड अटैक कहाँ से करेगा लिगेंड अटैक कहाँ से करेगा लिगेंड अटैक बिटवीन एक्सिस से करेगा अटैक एक्सिस के बीच से करेगा और नॉन एक्सियल की एनर्जी इसमें ज्यादा हो जाएगी ऑक्टा हेड्रल का अपोजिट हो जाएगा मतलब इधर ये ऊपर तो पर तीन नीचे दो ठीक है बाकी कोई पूछता नहीं है टेट्रा हेड्रल रहने दो उसको छोड़ो हटाओ डायग्राम डायग्राम ही ठीक है आ जाओ काम काम की चीज करेंगे बेटा ज्यादा नहीं करेंगे सोच रहा हूं कि एक कोई सवाल ऐसा करें जो पता लग जाए yes. and is differ in. मतलब किसमें है? अब CFT लगाओ, अब मतलब लगाओ, लगाओ। ज़्यादा दिमाग मत दिख रहा किसम डिफरें डी फाइव आयरन प्लस सिक्स ये, ये हो जाएगा डी सिक्स आयरन प्लस टू डी सिक्स और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है तो ये तो हो जाएगा टी टू जी थ्री ए जी टू और ये हो जाएगा टी टू जी सिक्स ए जी जीरो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का ही सेम होगा नहीं मतलब जिमेट्री दोनों की सेम होगी ओक्टा ओक्टा दोनों ही ओक्टा होंगे छह हैं तो तो जिमेट्री में तो सेम नहीं है तो जिमेट्री जिमेट्री तो काट दो मैग्नेटिक मोमेंट और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम माना जाएगा यहां पे क्योंकि एक एस पी थ्री डी टू है और एक डी टू एस पी थ्री है इसको सेम माना जाएगा बेटा ठीक है तो मैग्नेटिक मोमेंट अलग आएगा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच आ रहे हैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच आएंगे और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो आ रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट और कलर में फर्क आएगा लिगेंड की स्ट्रेंथ से कलर में तो फर्क रहेगा अभी कलर हमने पढ़ा नहीं है बट ये सवाल अभी एक बार के लिए कर लो कलर नहीं पढ़ा कलर वाले सवाल में करा दूंगा ऑर्डर बता दो आप तो ये तो खुद ही कर लोगे देख के बता देना ये तो वैसे ही काट दो क्योंकि साइनाइड तो सबसे आगे होता ही है ठीक है साइनाइड सबसे आगे होता ही है और नाइट एनओ टू से नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का डोनर स्ट्रेंथ नहीं होता काट दो और और, और, और और क्या कह रहा है और क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो भैया हाई भैया हाई भैया देखो ये कट सकता है क्या ये कट सकता है क्या ऑक्सीजन पीछे है और हेलोजन की डोनेशन स्ट्रेंथ ज्यादा दे रखी है ये भी कट गया बस फिर आंसर हो गया पहला किसी को याद है नहीं है पर मेरी एक छोटी सी बात याद है डोनेशन स्ट्रेंथ वहां से भी ये ऑप्शन काट के कर सकता है बच्चा ठीक है भाई ऑप्शन काट के कर सकते हो आपको और द कॉम्प्लेक्स शोइंग द स्क्र प्लानर द डी और बाइटल स्क्वायर प्लेनर में कौन सा डी यूज होता है बेटा जल्दी बता जल्दी बता टाइम नहीं है जल्दी बता क्या ये वाला यूज हो जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है जल्दी बताओ ये यूज होता है नेक्स्ट देखेंगे डिजेनेरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स लॉस्ट अंडर स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड मिक्स्ड फील्ड चिलेटेड फील्ड कुछ भी ले ले कुछ भी ले ले मिक्स्ड फील्ड मतलब वो है जिसमें वो बच्चा कह रहा था ना कि सर स्ट्रांग भी आ जाए और वीक भी आ जाए वो मिक्स्ड फील्ड लिगेंड होता है डेटा बेस्ड फील्ड लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जो चिलेशन करें अरे कोई आ जाए यार कोई भी आ जाए कोई भी आ जाए स्प्लिटिंग होगी ठीक है तो अपडेटेड वर्जन है मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग वीक अब मिक्स्ड फील्ड चिलेटेड लिगेंड फील्ड कुछ नहीं वो सब बातें एक ही हैं कोई भी आ जाए सीधी बात है लिगेंड कोई सा भी आ जाए हो गया काम आज फिर स्टेबिलिटी अभी करेंगे सी एफ एस की वैल्यू भी अभी करेंगे ओ हो 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 लो कंसिडर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस इज योर डी कितनी बार आएगा डी फाइव टी टू जी थ्री ई जी टू क्यों क्योंकि वीक लिगेंड है वेनेडियम प्लस टू प्लस टू क्या होगा डी थ्री होगा और डी थ्री में हमेशा तो ये तो टी टू जी थ्री ए जी जीरो ही हो जाएगा ये है आपका आयरन प्लस टू और ये हो जाएगा आपका डी सिक्स और वो भी वीकली गेंड में तो वीकली गेंड है ना तो ये है टी टू जी फोर सिक्स है ना एक दो तीन एक दो तीन चार पांच छाओ तो टी टू जी और ए जी टू ऐसा ही होगा अब अनपेड इलेक्ट्रॉन लगाओ दिमाग इसमें तो सारे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए पांच हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच हो गए दिख रहे हैं तीन और दो पांच इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन हो गए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ऊपर तो दो दिख रहे हैं नीचे एक जगह पेयरिंग और है तो चार हो जाएंगे तो इसका मतलब है पहला पी है पी का सबसे ज्यादा है पी में ज्यादा है फिर आर है और फिर क्यू है तो पी आर क्यू देख लो भाई कहीं पे इंक्रीजिंग अच्छा इंक्रीजिंग पूछा है तो क्यू आर पी देख लो अपने को क्या जा रहा है क्यू आर पी ओ कहा से आ गया ही? आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्यू आर पी ठीक है भाई ये सब्जेक्टिव है इसको ये क्या बोल रहा है द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैंगनीज इन डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज मतलब डेका कार्बोनिल एम एन टू डाई मैंगनीज एम एन टू डेका कार्बोनिल मतलब एम एन टू ये लो कह रहा है कि एक एम एन तो एक एम एन एम एन के बीच में बॉन्ड था फिर यहां पे क्या था एक पे पांच बॉन्ड थे है ना एक पे पांच लगेंगे एक दो तीन चार और पांच ठीक है ऐसा ही होगा और एक बॉन्ड ये रहा क्या बनाओगे इसको क्या बनाओगे बताओ बताओ जल्दी आंसर जल्दी 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 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं क्या होगा ऑक्टाहेड्रल यस ठीक है छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये लो तो ये कर लेना अभी एक बार मेरे को यार जो सवाल चाहिए वो तो मिल नहीं रहे हैं यार मैं ऐसे ऐसे सवाल कहाँ से आ गए हैं ये समझ ही नहीं आ रहा ये लो ये करते हैं ये ये करो ये कोई सवाल किधर उधर हो गए सब मिक्स हो गए कोई बात नहीं मैं एक एक करके करवा दूंगा कोई चिंता वाली बात नहीं है ठीक है करेक्ट आंसर निकालना है अपने को क्रोमियम प्लस तीन डी थ्री होता है क्रोमियम प्लस तीन डी थ्री हो गया आयरन प्लस तीन डी फाइव हो गया एन आई प्लस टू डी एट हो गया वेनेडियम प्लस तीन डी टू हो गया अब देख लो कॉन्फिग्रेशन ढूंढना है हमको तो डी थ्री और वो भी वीक लिगेंड डी थ्री वीक लिगेंड हो स्ट्रोंग हो क्या फर्क पड़ता है टी टू जी थ्री ए जी थ्री हो जाएगा तो पहले का तो दूसरा हो गया बेटा ए का तो दूसरा हो गया ए का दूसरा हो गया अच्छा बताओ डी फाइव है तो टी टू थी ये दो बी का तीसरा हो गया ये लो ये यहाँ आ गया है ना ये यहाँ आ गया आठ है आठ आठ तो कहाँ दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं तो ये चार हो गया ये सी का चार हो गया और डी का वो ऊपर वाला हो गया डी का वन हो गया तो देख लो ए दो ए का टू टू है ही नहीं ऑप्शन ही नहीं है एक ऑप्शन है लो आंसर हो गया चार आंसर क्या हो गया बेटा चार हो गया इस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या ख्याल है? अरे दो बॉन्ड बना रहा है होगा यार। क्या प्रॉपर्टी एंड द शेप ऑफ सी आर एन एस थ्री सिक्स अभी आएगा गया क्रोमियम प्लस तीन है बेटा क्रोमियम प्लस तीन मतलब डी थ्री हो गया डी थ्री अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कई फर्क नहीं पड़ता टी टू जी थ्री है और इजी जीरो है अब ई जी जीरो है तो ये तो अंदर वाला है मतलब डी टू एसपी थ्री कर दो इसको डी टू एस पी थ्री करोगे तो ऑक्टा कर दोगे ऑक्टा कर दोगे प्लस पैरा ही होगा ये तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन है है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन है तो पैरा होगा पैरा मैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल नहीं पैरा मैग्नेटिक एंड ऑक्टाहेड्रल आंसर हो गया फर्स्ट आंसर हो गया फर्स्ट आ जाओ लो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज हेलाइड लिगेंड्स फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स सही है क्योंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेंगे लिगेंड्स कैन एन आई सी एल फोर इज आउटर ऑरबाइटल कॉम्प्लेक्स अब वो sp3 है तो आउटर ही है ठीक है एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस इज इनर ऑरबाइटल ये गलत है ये गलत है अभी निकाला है हमने इसका sp3d2 होता है आउटर होता है ये आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा थर्ड तेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड के एग्जाम्पल बता दो एक बार प्लीज तू पागल है क्या भांग खा के बैठा है यहां यहाँ पे है भांग खा के बैठा है क्या ये क्या बताया मैंने ये गया रुक जा बस सूखे नजे कर रहा है क्या तू तो यार भाई मेरे है ये क्या है ये क्या बताया मैंने ये और ये अभी एक बार के लिए याद नहीं हो रही है तो डोनर आइटम तो पता चलता है अजीब आदमी है यार मुंह उठा के चला आ गया कह रहे कि स्ट्रांगली गन वीक गन बता दो अब ये सवाल आप कर सकते हो होमवर्क देके जा रहा हूं जो जो होमवर्क देके जा रहा हूं करने जो जो हो सकते हैं वो करवा रहा हूं फटाफट फटाफट यस ये बताओ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में t2g ऑर्बिटल्स के साथ क्या होता है t2g ऑर्बिटल्स पहली चीज तो नीचे आते हैं नीचे आते हैं तो ये तो राइज़ तो हो नहीं सकते हैं, तो ये तो काट दो अब नीचे आते हैं तो कितना नीचे आते हैं बेरी सेंटर से 0.6 आते हैं बेरी सेंटर से 0.6 नहीं आते वो तो ऊपर वाले होते हैं तो 0.4 नीचे आते हैं बेटा बेरी सेंटर से 0.4 नीचे आते हैं कर लो फटाफट सवाल लो क्या ही सवाल है लो इफ ये कब होता है गैप कम कम होता है जब वीक लिगेंड होता है गैप कब कम होता है जब वीक लिगेंड होता है तो डी फोर लिगेंड एक दो तीन चार बता दे टी टू जी थ्री ई जी, जी वन हो गया अले आंसर हो गया पहले ओके okay, भाई तो आ गई सबके बाद जाओ फिर आ जाओ आ जाओ ये तुम खुद कर सकते हो हमने नोट्स में तीनों हमारे नोट्स में है ये है ना नोट्स में सवाल है होमवर्क कर लेना तीनों सवाल नोट्स में है सब कुछ एज इट इज करवा रखा है सब कुछ एज इट इज करवा रखा है ठीक है अब आती है कलर वाली बात ठीक है कि ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे करना है ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना है तो मैं आपको इसका जुगाड़ इसी सवाल में बता देता हूँ जब भी कभी वेवलेंथ की बात आए तो इस सवाल को कैसे करना है वो सुन लो हमारी जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं और एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन सबको पता होगा ऐसा होता है क्या ये रिलेशन सबको पता है एनर्जी और लैमडा का पता है बस लगाओ दिमाग कर लो कोई कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है इसके लिए लगाओ दिमाग और कर लो लगाओ ये देख लो एनर्जी और लैम्डा एब्जॉर्ब कर लो फिर क्या पूछ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर है जितना स्ट्रांग लिगेंड एनर्जी और स्ट्रांग लिगेंड होगा स्ट्रांग लिगेंड होगा तो स्ट्रांग लिगेंड होगा तो ये एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी मतलब जितना स्ट्रांग लिगेंड उतनी कम वेवलेंथ तो स्ट्रांग लिगेंड इसमें कौन सा है साइनाइड है अमोनिया है H2O है अब बताओ लगाओ दिमाग साइनाइड में साइनाइड जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उतनी ही कम वेवलेंथ होगी ना बेटा तो मतलब साइनाइड सबसे कम आ जाएगा उसके बाद एन एस और उसके बाद एच टू आंसर हो गया चार बात खत्म हो गई चलो हटाओ ऐसे सवाल इस तरह से करने जब इस तरह का लिगेंड की स्ट्रेंथ और वेवलेंथ का कंपैरिजन आ जाए तो ऐसे सवाल करना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा गैप ज्यादा लाएगा गैप ज्यादा का मतलब एनर्जी ज्यादा एनर्जी ज्यादा मतलब एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ उतनी ही कम ये रिलेशन आपको पहले से पता है एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन चले आगे आगे बढ़े चलो नेक्स्ट ये सवाल है अब ये सवाल है एन सी एग्जाम्पलर का देखो ये क्या है ये क्या है ये आपका ये ये, ये, ये आपका एम एन सी ये एम एन थ्री प्लस है एम एन थ्री है बेटा एम एन थ्री प्लस आएगा ये आपका एफ ई थ्री प्लस आएगा ओके ये आपका कोबाल्ट थ्री प्लस आएगा और ये आपका एफ ई टू प्लस आएगा कोबाल्ट थ्री प्लस का मतलब क्या हो गया डी सिक्स ये भी हो गया आपका डी सिक्स ये हो गया आपका डी फाइव सॉरी डी फोर और, और यह हो गया आपका डी फाइव लिगेंड सारे ही स्ट्रोंग है लिगेंड तो सारे ही स्ट्रोंग है यानी कि सारे के सारे स्ट्रोंग लिगेंड है सारे के सारे स्ट्रोंग लिगेंड है तो क्या हो जाएगा ये टी टू जी फोर ए जी जीरो ये क्या हो जाएगा टी टू जी फाइव ए जी जीरो सारे स्ट्रोंग है नीचे आएंगे ये देखो ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो टी टू जी सिक्स ई जी जीरो और ये भी क्या हो जाएगा टी टू जी सिक्स ई जी जीरो लो ये भी स्ट्रोंग है ये भी स्ट्रोंग है अब पूछ क्या रहा है ये कौन से डाया है अरे तो इनमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं उनमें नहीं आ रहे हैं है ना इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है इन दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए और सी ए और सी आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए और सी आंसर हो गया आइए नेक्स्ट ये अब तुम करोगे ये तुम करोगे होमवर्क ये तुम करोगे अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनिक इसमें नहीं है सब कुछ है ये मत पूछना कि ये वीक लिगेंड है नहीं है अभी सब पता है तुमको वीक 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 स्ट्रॉन्ग इसके लिए तो अब क्या ही बचा है यार इसको तो उधेड़ के रख दिया लो होमवर्क हो गया होमवर्क हो गया होमवर्क हो गया हम्म सब कर सकते हो अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होमवर्क जो सवाल मैं करवाना चाहता हूं वो ही आ जाए तो ठीक है मैग्नीट्यूड यस yes. कह रहा है कि ये किसका ज्यादा होगा ए 2008 में किसका ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिगेंड स्ट्रेंथ लिगेंड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा अब देखो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कौन सा सबसे स्ट्रॉग है तो पहला ही वाला स्ट्रॉन्ग है तो मैग्नीट्यूड उसी का ज्यादा होगा सारे स्ट्रॉन्ग है आया मैं एक मिनट है, है, अभी सेल है यस रॉन्ग क्वेश्चन ये गलत क्यों मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना भाई हाँ कर ले फिर मैग्नीट्यूड में तो इस लिगेंड की स्ट्रेंथ से देख ले पता लग जाएगा मैग्नीट्यूड पूछ रहा है प्लस माइनस क्यों कर रहा है तो इसको नीट दो हजार अठारह में पूछा है पसंदीदा सवाल होमवर्क नीट दो हजार उन्नीस में पूछा है के फोर एफ सी एन सिक्स का होमवर्क नीट दो हजार बीस में पूछा है होमवर्क पीछे लिखवा रखा है ए आई ट्रिपल ई दो हजार चार में पूछा है अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे निकालते जाओ कर लेना जो जो कोऑर्डिनेशन नंबर चार है उसको वी से करना जो कोऑर्डिनेशन नंबर चार है उसको वीबीटी से करना है ना है ये वो बी से करना बेटा इसको बाकी इसमें तो बचेगा नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन पहला ही आंसर है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे पहला ही आंसर है आंसर पहला कर दो इसको ए आई ट्रिपल ई दो हजार चार में पूछा हुआ सवाल है। चलो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना आइसोमेरिज्म वगैरह शुरू करें क्योंकि इसमें से ना क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे मुझे इसमें से कुछ सवाल लेने पड़ेंगे इसमें इसमें कलर वलर वाले सवाल हैं वो कलर वलर वाले सवाल जो है ना देखने पड़ेंगे यार ठीक है इसको एक बार मैं सही कर लेता हूं अगर आप मुझे दस मिनट का ब्रेक दे दो तो मैं मांग रहा हूं आपसे दस मिनट का ब्रेक ठीक है मैं इसको अरेंज कर लेता हूं थोड़ा सा वक्त चाहिए थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं और फिर पी से ही कलर वाला पार्ट समझा के और उसके बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे फिर चीज़ों को दस मिनट दे दो बस अरेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन अरेंज कर लेता हूँ अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे है ना ओके दस मिनट दो प्लीज uh, एक बार के लिए स्क्रीन हटेगी है ना ब्लैक मैजिक है वो स्टूडियो इंचार्ज वगैरह आते हैं तो वो सामने नहीं है तो, स्क्रीन ब्लैक मैजिक थोड़ा सा हटाना पड़ेगा काला जादू करें ठीक घबराना मत खराब नहीं होगा काफी लंबा ब्रेक भाई टाइम लगता है रीअरेंज करने में अगली स्लाइड कहां पड़ी थी कोई अतः पता नहीं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे प्रकट हो गया स्टेबिलिटी <laughs> जो है वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है और ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है वो स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है हम जानते हैं तो मैं ये बोलूं कि की स्टेबिलिटी अगर गैप पे, पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू सी एफ टी तो ये किस किस पे डिपेंड करता है देख लेते हैं तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसएफ का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सी एफ एस ई का मतलब क्या होता है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आगे जाकर इस एस का मतलब स्टेबिलाइजेशन भी होगा वो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी को भी शॉर्ट फॉर्म में सी एफ ही कहेंगे इसीलिए जब भी सवाल आता है तो यह बात को जानना जरूरी होता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहा है या क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी की बात कर रहा है एनी चलिए ये जो गैप है अभी फिर हम अभी तो हम इस कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी तो हम इस गैप की बात करें ये गैप किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पे चार्ज ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन पे जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन यानी कि पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल देख लो ज्योमेट्री देख लो कॉम्प्लेक्स की कितने लिगेंड आ रहे हैं बेसिकली ज्योमेट्री का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड्स का मतलब क्या बेटा नंबर ऑफ लिगेंड्स चिलेशन मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर होता है बेटा चिलेशन अगर कहीं पे रिंग बन रही है तो स्टेबिलिटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है रिंग फॉर्मेशन जो है वो स्टेबिलिटी को एकदम से इंक्रीज कर देता है अभी आ जाओ सवाल देखो पहले पहला फैक्टर कौन सा है नेचर ऑफ लिगेंड कुछ नहीं करना बस जो चेंज देखो फर्क क्या है वो सुनो मेटल सेम होना चाहिए ठीक है लिगेंड अलग होंगे तभी तो स्ट्रेंथ की बात करेंगे मेटल पर चार्ज सेम होना चाहिए मेटल सेम होना चाहिए चार्ज ऑन मेटल सेम होना चाहिए और ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग हो कोऑर्डिनेशन नंबर छह होना चाहिए सब में छ है तब जाके हम बोलेंगे कि लिगेंड अगर स्ट्रेंथ लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा तब जाके बोलेंगे हम लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा ये देखो तब जाके हम बोलेंगे तो यहां पर साइनाइड फिर एनओ टू और फिर एच टू ओ किसकी ज्यादा है बेटा इसकी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसीलिए जब भी कभी स्टेबिलिटी का सवाल आएगा तो एक ही फैक्टर होगा जो वेरी कर रहा होगा बाकी सब कांस्टेंट होंगे यानी कि इस पर मेटल पे चार्ज कांस्टेंट है, है ना और नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो सेम है तो आपको ढूंढना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की किस वजह से हमको आंसर करना है अगर हम बात आए चार्ज पे तो इसका मतलब हुआ कि ये देखो मेटल सेम है सेम है लिगेंट्स यहां सेम होने चाहिए तो फिर फर्क क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस तीन है और इसका प्लस दो है प्लस तीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा भले ही ये EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन ये फिर भी ज्यादा स्टेबल होगा और NI जरा बताओ क्या एनआई जो है वो प्लस फोर में है और यहां पर एनआई जो है वो क्या है बेटा प्लस टू में है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो मेटल ज्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड बनाएगा ये आपका दूसरा वाला हो गया देख सारे फैक्टर ध्यान में रखते रहना तीसरा फैक्टर है जेड इफेक्टिव ऑफ सीएमआई एक्चुअली डी ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव बढ़ता है अब सीरीज का जो आपका इफेक्टिव है, वो होता है तो फोर डी फाइव डी सीज में जेड इफेक्टिव ज्यादा ही रहता है इनफेक्ट फोर डी से ज्यादा भी फाइव डी का होता है सारे लिगेंट कोई भी हो सामने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की तरह ही काम करेंगे अगर कोई मेटल फोर डी फाइव डी का है तो सारे के सारे स्ट्रोंग ही काम करते हैं वापिस सुनो अगर कोई मेटल 4d 5d का है अगर कोई मेटल 4d 5d का है तो सारे लिगेंड स्ट्रॉग होते हैं मेटल तो फिर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेंगे क्यों क्योंकि ये इनकी नहीं उसकी औकात से चलेंगे फिर चलिए भाई नेक्स्ट आ जाओ अब इस तरह सवाल देखो एग्जाम्पल देखो देखते रहो आयरन फिर रूठा जो है ऑफिसर फिर रूठा ऑफिसर है ना ये देख लो ये देखो आयरन प्लस तीन रूथेनियम प्लस तीन ऑस्मियम प्लस तीन यहां इरिडियम का भी कॉम्प्लेक्स ले सकते हो प्लस तीन इरिडियम भी नीचे ही आता है तो कुल नहीं है प्लस तीन है चार्ज सेम है मेटल चार्ज चार्ज सेम है लिगेंड सेम है मेटल की पोजीशन अलग अलग है नीचे आने पर जे डिफेक्टिव बढ़ता है यह थ्री डी सीरीज ये डी सीरीज तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी NI, PD, PT, नहीं पढ़ोगे पिटोगे ये ये भी देखो सीरीज 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 लो पड़ोगेक्टिव इंक्रीज हो रहा है स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई यही कारण है ये तो बेचारा एसपी थ्री टेट्राहेड्रल है ये जबकि क्या होते हैं स्क्वायर प्लेनर होते हैं पूछो क्यों यहां पर क्लोराइड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहा है बेटा क्लोराइड यहां पर किसकी तरह काम कर जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये टेट्राहेड्रल होंगे ये स्क्वायर प्लेनर होंगे इस बात का ध्यान रखना ठीक है भाई तो अब कभी ऐसा सवाल करो तो ध्यान रखना 4d 5d सीरीज के मेटल के साथ ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्या होता है अगर स्क्वायर प्लेनर है तो सबसे ज्यादा गैप होगा ऑक्टाहेड्रल का कम और टेट्राहेड्रल का सबसे कम स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल का लगभग 1.3 होता है अब वो वैल्यू 1.3 से 1.7 तक वेरी कर सकती है दूसरा अट्ठारह हजार तो फाइंड डेल्टा टी फोर सीओ सी एल फोर कह रहा है कि इसके ओक्टा हेड्रल की ओ है तो टेट्रा हेड्रल निकालो तो टेट्रा हेड्रल की होती है फोर बाई नाइन डेल्टा ओ फोर बाई नाइन करोगे तो ये कितना हो जाएगा आठ हजार हो जाएगा क्या बेटा ये आंसर हो गया ये exemplar का सवाल है बेटा में दिया हुआ सवाल है ये आंसर आएगा कौन सी वैल्यू याद रखेगा ये हाँ ये रिलेशन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहाइड्रल का रिलेशन याद रख लेना एनसीआरटी में दिया हुआ है टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल का रिलेशन एनसीआरटी में दिया हुआ है ध्यान रख लेना टेट्राहेड्रल और ओक्टाहेड्रल का रिलेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कृपया ध्यान रख लें ये वाला ये तो फिर भी नहीं दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है ये तो ध्यान रख लेना चलो आ जाओ ये देखो तो अब ज्योमेट्री वाले सवाल देखो वो डी एस पी टू ये एसपी थ्री डी टू ये ओक्टा हेड्रल वो स्क्वायर प्लेनर तो स्क्वायर प्लेनर ज्यादा स्प्लिटिंग करता है ये ओक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, तो ये ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा ये स्क्वायर प्लेनर ये टेट्राहेड्रल, तो ये ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा क्यों क्योंकि हम तो सिर्फ इस वाले रिलेशन से चल रहे हैं ना बेटा ये बोर्ड हैंग होने लग गया है थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं फिर आता है चिलेशन वाला फैक्टर मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर रिंग फॉर्मेशन चिलेशन स्टेबिलिटी बढ़ा देता है रिंग फॉर्मेशन जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है एनओ टू रिंग नहीं बनाएगा ये स्टेबल है यहाँ पे ई एन रिंग बना रहा है यहाँ ईडी रिंग बना रहा है अरे लेकिन ये तो तीन ही बना रिंग बनाएगा वो छह रिंग बनाएगा सॉरी पांच रिंग बनाएगा ईडी टी ये तो पांच रिंग बनाएगा ना बेटा ये पांच रिंग बनाएगा तीन रिंग बनाएगा जब दोनों रिंग रिंग हो तो रिंगा 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 अब पांच ज्यादा रिंग वाले को स्टेबल कर दो ऐसे सवाल आ जाए तो कर लेना सवाल आएंगे ऑप्शन सामने होंगे घबराना नहीं है चीज अगर बीस से तीस परसेंट भी पता है तो आप दिमाग लगा लोगे ठीक है घबराना नहीं है इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी पूछेगा तो मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए अब बात आती है बेटा कि ये कलर की क्या माया है तो पहले तो हमने ये चीज तो ऑलरेडी पढ़ ली कि ये रिलेशन ऐसा होता ही है एनर्जी का के साथ फिर यहां पे देखना है कि जनरली द जनरलीक्सेज आर कलर ड्यू टू तो द डीडी ट्रांजिशन विच इज एक्सप्लेन बाय सी एफ टी बेसिस ऑफ स्लिटिंग सी एफ टी ने हमने कहा कि ऐसे डब्बे टूट जाते हैं हमने मान लिया जब टूट जाते हैं तो एनर्जी गैप आ जाता है ये एनर्जी गैप जो है वो विजिबल रीजन में रहता है इसीलिए कॉम्प्लेक्सेस कलर दिखाई देते हैं वापिस सुनो क्या ये एनर्जी गैप अगर विजिबल रीजन में रहता है जो कि जनरली रहता है t2g eg का विजिबल रीजन में रहता है इसीलिए यहाँ से यहां dd ट्रांजिशन होता है उसी की वजह से कलर होता है उसी की वजह से क्या होता है बेटा कलर आता है अब ये देखो सवाल सवाल क्या आगे की चीज क्या कह रहा है कि d1 से d9 dd ट्रांजिशन होगा कलर्ड होगा D0 से d10 dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है दैट्स व्हाई d0 एंड d10 आर कलरलेस इन एक्वस मीडियम एक्वस मीडियम में ये कलर होंगे बट अगर डी जीरो होकर और डी टेन होकर भी कलर्ड है तो वहां पर रीजन डी डी ट्रांजिशन नहीं है है ना देन अदर फैक्टर्स लाइक चार्ज ट्रांसफर मतलब एल एम सी टी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में भी प्रेजेंट जैसे आप देखो के एम एन ओ फोर है डी जीरो हो गया क्रोमियम प्लस सिक्स है डी जीरो दोनों डी जीरो है लेकिन ये कलर्ड होते हैं रीजन होता है बेटा इसमें charge transfer की वजह आपसे पूछा जाए के एम एन फोर का कलर बताओ क्या डीडी ट्रांजिशन है आंसर है नो क्या के टू सीआर सेवन ऑरेंज इसलिए होता है कि उसमें डी डी ट्रांजिशन है आंसर है नो no. वैसे डी डी ट्रांजिशन डी जीरो से डी टेन डी जीरो डी टेन में नहीं होता फिर भी अगर डी जीरो डी टेन कलर दिखाई देते हैं तो उसका कारण डी डी ट्रांजिशन नहीं कुछ और चार्ज ट्रांसफर होता है क्योंकि हमारे सिलेबस में तो एक्चुअली में नहीं है बट हाँ क्योंकि ये दो कंपाउंड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं कि इनके कलर का कारण पूछ ले तो एल एम बोल देना अब ये कलर क्यों होता है तो डी डी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में ही कलर क्यों आता है जैसे ये देखो ये एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, है? तो एच टू वो लिगेंट की तरह काम कर रहा है लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो स्प्लिटिंग हो रही होगी स्प्लिटिंग हो रही है तो डीडी ट्रांजिशन हो जाएगा वॉयलेट कलर का होता है अब मैं उसको गर्म करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं कत्ते सुखा दूं पानी है या गायब गायब टी आई सी एल थ्री अभी भी टाइटेनियम प्लस तीन में ही है अभी भी डी वन ही है लेकिन अब डीडी ट्रांजिशन नहीं हो सकता बिकॉज अब स्प्लिटिंग वाला खेल खत्म हो गया इसलिए अब ये वो वॉयलेट कलर का है ये कलरलेस हो गया एनसीआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल है वापिस देख लेना बेटा सीधा पूछ लेगा वो इसका कलर कौन सा है सीधा पूछ लेगा वायलेट और इसका कलर क्यों है ये लो पूछेगा कि वो कलर्ड है तो कारण है डीडी -डी ट्रांजिशन क्यों क्योंकि वहां लिगेंड है और यहां लिगेंड नहीं है लिगेंड गायब लिगेंड गायब नॉर्मल सोल्ट नॉर्मल सोल्ट डीडी ट्रांजिशन खत्म सर एल पे

अब जब आप इसको हीट करते जाओ ये एनहाइड्रस हो जाएगा पानी वानी सब खत्म सिर्फ सी फोर बचेगा सूखा बट नो डी डी ट्रांजिशन कलरलेस सी फोर आपका कलरलेस हो जाएगा चले आगे नेक्स्ट यस yes. तो अब हम कलर देखें कैसे कई बार होता है ना कि हमको कलर देखना होता है तो अगर हमें कलर देखना है तो हम एब्जॉर्ब्ड कलर निकाल सकते हैं और उसके सामने वाला कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको देखना पड़ता है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच विच इज एब्सॉर्ब किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो उसने एब्सॉर्ब किया है उसके उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा हम क्या निकाल सकते हैं हम एब्सॉर्ब निकाल सकते हैं हम एब्सॉर्ब वेवलेंथ निकाल सकते हैं एनर्जी के बेसिस पे हमको पहले से पता है एनर्जी हम इस लिगेंड की स्ट्रेंथ देख निकाल लेंगे ये रहा विबग्योर अगर ग्रीन एब्जॉर्ब होता है तो रेड दिखाई देगा येलो एब्बॉर्ब होता है तो वाइलेट दिखाई देगा ब्लू एब्जॉर्ब होता है तो ऑरेंज ऑरेंज एब्जॉर्ब होता है तो ब्लू रेड एब्जॉर्ब होता है तो ग्रीन ये सब आपस में ऐसे कनेक्ट होता है इधर से इधर जाने पर वेव बढ़ती है वी आई बी ग्यो विब ग्योर की वेवलेंथ क्या होती है बढ़ती है तो वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन उल्टा होता है तो एनर्जी क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी यानी इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और उसकी एनर्जी सबसे कम है एमडीजे कहता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाई एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करता है हाई एनर्जी किधर होगी इस तरफ जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो इधर वाला एब्जॉर्ब करेगा मान लो उसने ब्लू एब्जॉर्ब किया ब्लू एब्जॉर्ब किया तो वो आपका ऑरेंज रिफ्लेक्ट करेगा वो क्या होगा आपका ऑरेंज रिफ्लेक्ट करेगा तो याद रहे ऑरेंज स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाई एनर्जी का एक तो ये ऐसी क्यों स्मेल मार रहा है यार एक सेकेंड ना यस तो लिगेंड हाई एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करता है बस इतना ध्यान रख लो यानी कि लो वेवलेंथ का कलर एब्जॉर्ब करता है अभी इसको अप्लाई करते हैं आओ क्या yeah. लिगेंड का इफेक्ट होता है कलर पे बिल्कुल होता है एनसीआरटी ने दिया है कि अगर एनआईए सिक्स है एन आई एच टू ओ सिक्स है इसके अंदर हम एक ई एन मिला दें तो एक ई एन आएगा और ये चार हो जाएंगे वो ठीक है वो दो ये दो बॉन्ड बनाता है तो वहां से दो एच टू को हटना पड़ेगा ये दो कलर होता है फिर उसके बाद एक एन और मिला दिया उसमें एक ई एन और मिला दिया इसमें एक एन और मिला दिया तो एनआई और ई एन दो हो गए अकॉर्डिंगली एच टू के नंबर करो ये देखो ये और कलर हो गया ब्लू और अगर एक ईएन और मिलाते हो सारे स्ट्रोंग हो गए ये हो गया आपका क्या एन आई अच्छा ई एन और एन आई का रेशियो टू इस ए, थ्री इज टू वन हो गया तो ई एन और एन आई का रेशियो थ्री इज टू वन हो गया तो ये कलर कौन सा हो गया वायलेट कलर हो गया तो यस हमारे स्ट्रेंथ लिगेंड की स्ट्रेंथ का कलर पे फर्क तो आएगा ही ना बेटा ये देखो हमने लिखा है ना इसको कि लिगेंड की स्ट्रेंथ का कलर पे फर्क तो पड़ेगा ही तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप उसको याद कर लीजिएगा एक सेकेंड बेटा जैसे ये वाला सवाल है करके दिखाता हूं कैसे करते हैं लो आओ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ई एन एच टू ओ सी एल सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में लिगेंड की स्ट्रेंथ आएगी मैंने लिगेंड की स्ट्रेंथ बता दी ई एन सबसे स्ट्रॉन्ग फिर एच टू ओ और सी एल सबसे पीछे आ गया ये लिगेंड की स्ट्रेंथ है ठीक है ये क्या हो गई आपकी लिगेंड की स्ट्रेंथ हो गई तुमको क्या करना है इनके एब्जॉर्ब्ड कलर निकालने हैं कैसे निकालोगे ये कलर दिए हुए हैं हमको मैच करना है कि, कि किसका कलर कौन सा है मैच मैट्रिक्स वाला सवाल है हम यहाँ पे अपना रफ वर्क कर रहे हैं हम एब्सॉर्ब्ड कलर निकालेंगे जो भी गिवन कलर है ब्लू का एब्जॉर्ब हमारा ऑरेंज होता है और ग्रीन का हमारा रेड होगा हम एब्जॉर्ब निकाल लेंगे पहले और यहां पे येलो का हमारा वायलेट हो जाएगा लो निकाल दिया अब एक बार के लिए इसको भूल जाओ और मेरी बात सुनो मैंने कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो हाई एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करता है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो हाई एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करता है ये हमारा वी आई बी जी वाई ओ आर है इधर से इधर जा रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही बेटा कम हो है और लैमडा क्या हो रहा है बढ़ रहा है अब भी मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाई एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करता है अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें कौन सा है ए वाला और सबसे हाई एनर्जी का कलर इसमें कौन सा है ये वाला तो यानी कि ये कौन एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्ब बाय ए यस और नो ये ए से एब्जॉर्ब होगा उसके बाद ऑरेंज आ रहा है और उसके बाद रेड आ रहा है तो ऑरेंज कौन करेगा एब्सॉर्ब बाय बी और ये किससे करेगा बाय सी लो अब करना कुछ भी नहीं है हो गया काम देख लो फटाफट ये देखो अगर इसने इसने वायलेट एब्सॉर्ब किया इसने वायलेट एब्सॉर्ब किया तो मतलब इसने ये लो किया तो यानी कि ये कलर इसका हो गया फिर फिर इसने 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 ऑरेंज किया तो इसका ब्लू कलर हो गया फिर फिर ये ब्लू कलर हो गया बचा रेड ये सी ने ये सी ने एब्जॉर्ब किया रेड सी ने किया यानी कि ये जो ग्रीन हमको दिखाई दे रहा है ये इसका कलर ऐसे निकाल देता समझ आई ये चीज समझ आ गई ठीक है ऐसे देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऐसे देखते हैं कुछ अच्छी बात एनसीआर में लिखी हुई है यूजेस वगैरह या कुछ डिफरेंट चीज लिखी हुई है कलर ऑफ जेम स्टोन लाइक कलर ऑफ रूबी एंड एमरल्ड इज ड्यू टू द क्रोमियम प्लस थ्री डी थ्री आयन कभी पूछ ले कि इनका कलर किस आयन की वजह से होता है बेटा तो क्रोमियम प्लस थ्री आयन की वजह से होता है याद रह जाएगा ये एक डब्बे में बंद लिखा हुआ है मैंने सोचा आपके लिए मैं ये ले आऊं ताकि ऐसा सवाल भी अगर आए तो आप खुद सोचो ना पूरा चैप्टर मजे से पढ़ा रहे हैं खूब सारे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जाने क्या क्या चीजें पढ़ ली सी पढ़ लिया ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया अनाप शनाप चीजें पढ़ ली लेकिन वो अगर ये सवाल बना के दे देगा तो हमारा तो पढ़ा कराया सारा खराब हो गया ना बेटा तो खेल ही खत्म हो गया हमारा तो सीधा सीधा तो इसलिए मैंने कहा ये देख लो एक बार क्योंकि एनसीआरटी की लिखी हुई लाइन है कुछ भी हो सकता है ठीक है भाई कुछ नहीं है ये सब तो आपको चाहे याद रहना रहे दोनों में ही क्रोमियम प्लस थ्री आयन होते हैं इस वजह से डीडी ट्रांजिशन की वजह से इन दोनों के कलर्स होते हैं बस सिंपल सी बात है इनके अंदर क्रोमियम प्लस तीन आयंस होते हैं दोनों में फिर आता है कि अभी कैलकुलेशन वाली बात करनी है हमको अब कौन सी बात करनी है हमको

एम जो है वो आपके ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आप यहां रखिए स्प्लिटिंग एनर्जी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो मल्टीप्लाई करना अदरवाइज उसको डेल्टा ओ ही रहने देना एक्स जो है वो है नंबर ऑफ न्यू पेयर्स पेयरिंग ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर कोई लिगेंड के इन्फ्लुएंस से पेयरिंग हुई है तो ही हम देखेंगे सीधा शब्दों में बोल दूं कि अगर लिगेंड वीक हैं तो हमेशा पेयरिंग जीरो हो जाएगी कारण ली वीक लिगेंड में पेयरिंग हमेशा जीरो माना जाता है कारण वीक लिगेंड में फोर्सफुली पेयरिंग नहीं होती यानी नंबर ऑफ नए पेयर हमेशा जीरो माने जाएंगे और जब तुम एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो मानोगे तो आगे चाहे तुमको 20000 क्यों ना लिखा हुआ हो 0 20000 0 खत्म बात तो इसलिए ध्यान रखना वीक लिगेंड के अंदर पेयरिंग एनर्जी जीरो हो जाती है हमेशा अपने आप पूछो क्यों क्योंकि वीक लिगेंड में कोई भी पेयरिंग फोर्सफुली नहीं होती लिगेंड की इन्फ्लुएंस से नहीं होती लिगेंड की वजह से पेयरिंग नहीं हो रही है। वो नॉर्मल पेयरिंग है होनी चाहिए हो सकती है भाई पांच डब्बे हैं छह इलेक्ट्रॉन भरने तो पेयरिंग होगी ना कहां से भरोगे मुझे बताओ 1 2 3 4 5 पांच डब्बों में छह इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पेयरिंग होकर रहेगी चाहे लिगेंड हो चाहे मत हो नॉर्मली तुम डी सिक्स कैसे पेरिंग के, के दिखा दो नहीं भर सकते तो इसका मतलब है 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 वो नॉर्मल पेयरिंग 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 नेचुरल नेचुरल तो जब भी नेचुरल पेरिंग होती है तो वो न्यू पेयर नहीं होते वो नेचुरल पेयरिंग होती तो न्यू पेयर नहीं होते तो एक्स को आप क्या मानोगे जीरो मानोगे तो वो जीरो कर देगा आगे कितनी भी पेयरिंग एनर्जी लगा लो क्या कोई जीरो सी सिस्टम होता है कि कैलकुलेशन जीरो हो जाए हमारी करके देखो कैसे होगा D5 है D5 की वैल्यू निकालो बेटा D5 फाइव वीक लिगेंड में D5 फाइव वीक लिगेंड में टी टू जी थ्री ए जी टू होता है ना तो तीन इंटू माइनस जीरो पॉइंट चार कर दो नकुल नकुल क्या कह रहा है अबे मोहित तेरे लिए लास्ट वार्निंग है ये वो एक स्विच है वहां पे ठीक है ना ये जो फोकट की समाज सेवा कर रहा हूं ना मैं बंद कर दूंगा अभी दो तो मिनट में ठीक है ना अब खड़े हैं दस दस घंटे पढ़ा रहे हैं आठ आठ घंटे पढ़ा रहे हैं फ्री में ये कंटेंट दिखा रहा हूं मैं तुमको मास्टर बन गए देख देख के ये लोग पढ़ा रहे हैं अपनी क्लासों में जा जाके दे रहा हूं जब देखते हैं ना हम यूट्यूब पे पढ़ाते हुए तो सोचते हैं अबे ट्रिक तो बदल देता भाई ट्रिक भी नहीं बदली दीदी भैया पता नहीं कौन कौन पढ़ा रहे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई कर, कर लो इसको वैल्यूज रख लिया आपने मल्टीप्लाई कर लो अच्छा वीक लिगेंड है तो मैंने उसको तो आगे को तो जीरो ही मानना है वीक लिगेंड है तो मेरे आगे पेयरिंग वाला सिस्टम ही जीरो हो गया ये देखो माइनस वन पॉइंट टू प्लस जीरो प्लस तो जीरो हो गया ना इसी तरह से डी टेन कॉन्फिग्रेशन चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो ये वाला कॉन्फिग्रेशन रहेगा टी टू जी सिक्स इसमें भी देखो माइनस टू पॉइंट फोर जीरो आएगा और प्लस टू पॉइंट फोर जीरो आएगा यह तो जीरो जीरो वाला कोई सवाल पूछे तो ऐसे देख लेना अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी सी एफ एस वो सीएफएसई तो होगी कैलकुलेशन जीरो हो तो वो देख लेना ऐसे कैलकुलेशन जब भी पूछे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सवाल करना चाहोगे इससे रिलेटेड आ जाओ फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एन आई नहीं पढ़ोगे पिटोगे करेक्ट है कोबाल्ट 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 मेटल सेम प्लस 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 लिगेंड की स्ट्रेंथ बती एच टू एन एस थ्री सी ओ ये भी सही है कोबाल्ट एच टू ओ है ना कौन कौन रहेगा इेगुलर ये भी टॉप टू बॉटम वाला है ये भी सही है ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज इस तरह से देखते चलो नेक्स्ट ये बताओ फिर कैंडियम है प्लस तीन है कैंडियम प्लस तीन में क्या होता है भाई कैंडियम प्लस टू में क्या होता है डी वन प्लस तीन में क्या हो जाएगा जीरो जीरो है तो कलर्ड तो नहीं होगा क्योंकि डी जीरो तो कलर नहीं मानते हम डी जीरो तो आएगा अब डी जीरो आएगा तो कलर्ड तो नहीं होता काट दो फिर कलर्ड तो और प्लस 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 पैरा मैग्नेटिक का भी कोई सवाल बनता नहीं है अब तो कलरलेस और पैरा मैग्नेटिक का भी खेल खत्म हो गया वो डाया मैग्नेटिक ही होगा क्योंकि तो जीरो है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं तो आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट है ये देखो 2009 में सवाल पूछा है इसने दिमाग लगाओ कौन एब्सॉर्ब करेगा विजिबल लाइट ये देखो ये डी टेन है नहीं करेगा ये डी जीरो है नहीं करेगा ये डी जीरो है नहीं करेगा ये डी थ्री है तो बस अब आपको दिमाग लग जाएगा कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं आता हो तीन ऐसे ऑप्शन है जो D0, D0, D10 है एक D3 है तो हम मान लेंगे कि इसमें डी डी पॉसिबल है इसमें डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है बस वो दिमाग लगा के सवाल करना था एम टी दो हजार नौ का आंसर अच्छा चलो नेक्स्ट उसके अगले साल फिर पूछ लिया मन नहीं भरा उनका अगले साल पूछा कौन नहीं करता 2009 में पूछा कौन करता है फिर मजा आया 2010 में कह रहे अब बताओ कौन नहीं करता बे बावड़ो ये डी एट है ठीक है ये डी एट है अभी बताऊंगा इसी में खेल आएगा ये डी थ्री है और ये डी ये क्या है डी सिक्स जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे वहां देखते हैं अब ये स्क्वायर प्लेनर है बेटा ये क्या है स्क्वायर प्लेनर है अब ये स्क्वायर प्लेनर है तो इसका मतलब है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे ये डी टू हो जाएगा भले ही ये डी एट है पर ये स्क्वायर प्लेनर होने की वजह से आंसर हो जाएगा आपका बाकियों में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे 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 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बचेंगे उसमें नहीं बचेंगे क्योंकि वो स्क्वायर प्लेनर है उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे दो वो भी इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन है और इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन चार बचेंगे आओ फिर करो सवाल हाई स्पिन डी फोर हाई स्पिन डी फोर का मतलब डी फोर इन लिगेंड वीक लिगेंड का मतलब हो गया टी टू जी फोर सॉरी टी टू जी थ्री टी टू जी थ्री वन अब ये तीन इंटू माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ बताओ वन इंटू करोगे तो वन ही होगा तो ये माइनस वन पॉइंट टू हैंग कर रहा है लो आंसर हो जाएगा फर्स्ट दो तो कौन लिख रहा है रे दो तो कौन लिख रहा है रे दो कौन लिख रहा है भाई पहले तो इसको सही कर देता हूं मैं ना ये इस तरह से हैंग करेगा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई रुक जाओ रुक जाओ करते हैं इलाज इसका आइसोमेरिज्म लास्ट है बस आइसोमेरिज्म आधे घंटे में खत्म कर देंगे यार कुछ खास बात नहीं उसमें एक लिस्ट दूंगा कर लेना उससे चलो लो भाई सवाल कर दिए सारे ये एक एक बच रहा है लो लो जी 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 बताओ ये देखो पता है जय मैन दो में पूछा हुआ सवाल है जय मैन दो में पूछा हुआ सवाल है क्या कह रहा है हमको बस इतना जानना है कि एनर्जी एनर्जी और लेमडा एब्जॉर्ब का रिलेशन ऐसा होता है बस फिर खत्म बात ये एब्जॉर्ब वेवलेंथ ही पूछी उसने सबसे स्ट्रॉग ये है इसकी वेबलेंस सबसे कम होगी सबसे कम सबसे कम सबसे कम 310, सबसे कम 310, तो सी का फर्स्ट होना चाहिए सी का फर्स्ट होना चाहिए ले भाई, बाकी तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना हो गया हो हो हो, हो गया चलो भाई अब हमको क्या करना है आइसोमेरिज्म शुरू करना है पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म निपटाते हैं आइसोमेरिज्म फॉर्मूला सेम होना चाहिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन लिंकेज हाइड्रेट कोऑर्डिनेशन खत्म स्टीरियो जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल आई... ओ.. ओ.. पढ़ेंगे अब आयोनाइजेशन लिंकेज हाइड्रेट कोऑर्डिनेशन को फटाफट फटाफट समझ लेते हैं आ जाओ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है पहले लिंकेज आ गया है बदतमीज़ भाई लिखना पड़ जाएगा क्या आयोनाइजेशन कहीं चला गया डिलीट हो गया तो आयोनाइजेशन पहले पढ़ाना पड़ेगा अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ये लो आयोनाइजेशन लिखा हुआ नहीं है भाई लिखना पड़ेगा मान लो कॉम्प्लेक्स है ठीक है एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ लिखा हुआ है पी टी यहाँ लिखा हुआ है एन एस थ्री यहाँ लिखा हुआ है टू या इसको फोर कर लो पी टी एन एस थ्री फोर सी एल टू ऐसा है ठीक है और यहाँ बाहर लिखा हुआ है क्या बी आर टू फिर यहाँ पे आ गया पी टी एन एस थ्री फोर एन एस थ्री फोर और यहाँ लिख दिया बी आर टू और यहाँ लिख दिया बाहर क्या सी एल टू ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है ठीक है देखते जाओ इस चीज को इसमें और इसमें कोई मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हुआ क्या नहीं हुआ क्या कोई मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हुआ नहीं हुआ चेंज क्या हुआ चेंज क्या हुआ चेंज क्या हुआ इंटरचेंज ऑफ काउंटर आयन विथ लिगेंड्स यानी कि काउंटर आयन और लिगेंड अगर आपस में अंदर बाहर चेंज हो जाए उसके लिए जरूरी क्या है कि काउंटर आयन भी एक लिगेंड की तरह काम कर सकता हो मेरी बात को समझना बेटा अगर मैं बाहर अमोनियम लगा दूं और बोलूं कि अंदर से किसी को ट्रांसफर करने के लिए बोल ये अंदर बैठ ही नहीं सकता अंदर वही बैठ सकता है जो लिगेंड की तरह काम कर सकता है इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना आइसोमेरिज्म में यह बात तो तय है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लिगेंड और काउंटर आयंस आपस में चेंज होते हैं लिगेंड और काउंटर आयंस आपस में क्या होते हैं चेंज होते हैं ड्यू ड्यू टू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स एंड काउंटर आय इंटरचेंज होते हैं काउंटर आयन और लिगेंड लेकिन जरूरी है कि काउंटर आयन ऐसा तो हो जो लिगेंड की तरह काम कर सके वरना चेंज कैसे करेगा वो तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं बेटा इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जहां पर आयोनाइजेशन स्पीयर से आयोनाइेशन स्पीयर से क्या हो आयोनाइजेशन स्पीयर से चेंजेस आ जाएं अच्छा इसको AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो ये AgBr का PPT देगा और अगर इसको AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओ तो ये AgCl का PPT देगा इसी से पता लगता है इसी से पता लगता है कि ये दोनों अलग-अलग चीज हैं ठीक है भाई अरे रहने दो उसको नकुल सहदेव को तुम क्यों परेशान हो रहे हो फिर आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म लिंकेज बहुत आसान आइसोमेरिज्मीडेंटेड लिगेंड अगर है तो लिख दो हा है बस और जितने एम्पीडेंटेड लिगेंड हो उसकी पावर टू कर दो मतलब की N. की N. की पावर 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 और N का मतलब होता है नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड इसमें नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड एक है टू की पावर एक दो बनेंगे इसमें दो है टू की पावर टू चार बनेंगे लो और मैंने बता भी रखा है कैसे बनेंगे किस सी एन को ऐसे ही रहने दो इसको ओ एन ओ कर दो फिर एनसीएस एनसीएस करके इनको दो को उल्टा कर दो तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो टू की पावर टू हो जाएगा आपका आंसर फिर आता है हमारा सोलवेट आइसोमेरिज्म नॉन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म व्हेन सॉल्वेंट इज वॉटर अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एच टू ओ प्रेजेंट एच टू ओ के नंबर अगर चेंज हो जाए ये देखो बेटा सब कुछ सेम है इधर बाहर दो एच टू ओ है इधर बाहर एक एच टू ओ है क्यों क्योंकि क्लोरीन के बदले ये इधर देखो चेंज हो गया ये दो क्लोरीन है ये दो क्लोरीन है दो क्लोरीन दिख रहे हैं एक क्लोरीन यहां बाहर आ गया अब ये बाहर दो क्लोरीन हो गए तो अंदर एक एच टू शिफ्ट हो गया वो H2 के नंबर आपस में ये भी जो है वो चेंज हो जाते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ठीक है बेटा क्या बोलते हैं इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म फिर आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म डब्बे डब्बे में लिगेंड चेंज हो जाए ये देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए हमेशा क्या होना चाहिए डब्बा 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 अब डब्बे डब्बे में चेंज हो मेटल सेम इज डिफरेंट है तो हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म करेंगे n यहां पे लिगेंड कितना है चार है तो एन बाई चार ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा दोस्त जब मेटल और लिगेंड दोनों ही अलग हो तो जितने लिगेंड है उतना कर देंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मेटल कोबाल्ट है लिगेंड मेटल क्रोमियम है दोनों अलग हैं जब मेटल और लिगेंड दोनों ही अलग हो तो जितने लिगेंड्स होते हैं उतना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिख देना बात खत्म ठीक है बाकी आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कौन शो करता है और कौन नहीं कितने कुतने वाले नहीं पूछेंगे तुम्हारे से वैसे भी यस फिर आता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं आ जाओ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं देख लो रुक जाओ ये लो तो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहली चीज है मोनोडेंटेड लिगेंड जब प्रेजेंट हो अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई स्क्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर चार कोऑर्डिनेशन नंबर जब चार होता है तो वहां पर एक स्क्वायर प्लेनर होता है और एक हमारा टेट्राहेड्रल होता है बेटा स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि पीओ एस प्रेजेंट होती है यह कभी भी जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं ऑल बॉन्ड आर सेम बॉन्ड एंगल्स है ना सारे बॉन्ड क्या होते हैं बॉन्ड एगल सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम ठीक है तो ये जीआई नहीं दिखा सकता बट ये ओआई दिखा सकता है लेकिन ये आपका ओ आई नहीं दिखाएगा लेकिन जी आई दिखा सकता है तो यह चीज ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर चार में स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है यहां पे टेट्राहेड्रल कभी भी जी आई नहीं दिखाएगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है अब बात आ जाते हैं कि अगर मोनोडेंटेड लिखा होता है तो वो मैं इसको A, B, C, D, e, और इस तरह से लिखूंगा इसका मतलब हो गया कि एक मेटल चार मोनोडेंटेड लिगेंड और वो भी सेम कोई जीआई नहीं आएगा ओआई की बात नहीं करेंगे हमने एक साथ काट दिया स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सीधा काट देना प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है कभी नहीं देगा अब बात जीआई की करते हैं तो जीआई देगा तो पहले ये जो चप चारों सेम हो तो नहीं मिलेगा तीन सेम एक अलग नहीं मिलेगा दो सेम दो अलग मिल जाएगा दो सेम और बचे हुए दोनों अलग अलग तो भी सेम ही चलेगा और अगर

और जब मैं ऐसा लिखूंगा कैपिटल में तो समझ जाना कि वो डिफरेंट डोनर एटम्स है जैसे हमारे लिए सबसे ज्यादा काम आएगा ग्लाइसिनेटो और सेम डोनर एटम्स जो है वो हमारे पास ई एन आएगा है ना ऑक्सीट आएगा ये सब सेम डोनर एटम में होते हैं दोनों नाइट्रोजन होते हैं दोनों ऑक्सीजन होते हैं है ना ये सब और ये ग्लाइसिनेटो में एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन होता है कोई एक्सेप्शन कुछ नहीं है जो पढ़ा रहा हूं पढ़ ले तेरे सवाल हो जाएंगे दिमाग मत लगाओ ठीक है भाई चलो अब सीधा जुगाड़ सीधा जुगाड़ बाईडेंटेड लिगेंड जब भी तुम लिखोगे एमडीजे कहता है कि अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आ गया तो जीआई हमेशा जीरो कर दो सिमेट्रिकल 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 ई एन ई एन ई एन एम ए ए टू यानी ई एन टू एम ए ए बी टू यानी ई एन सी एल टू ना बी टू का मतलब दो मोनोडेंटेड हो गए सी एल सीएल एम ए ए बी सी यानी कि पी टीएन ए बीसी मतलब एक अलग दूसरा अलग एन एस थ्री सी एल ये देखो इस तरह से इस तरह से कॉम्प्लेक्स निकालते हैं एम ए ए टू यानी कि ये दो हो गए ये एक और दो सेम ये एक और दो सेम ये एक और दो अलग अलग ये एक और दो अलग अलग अरे एक भी जगह तुमको अगर सिमेट्रिकल दिख जाए सी आई खत्म और ओ आई तो इनका पहले से खत्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो पहले से खत्म है ये बता, समझाया हुआ है मैंने तो हालांकि ठीक है, समझाया हुआ है आप समझ लेना चाहे नोट देख के बाकी मैं सीधा कह रहा हूं अगर आपको सिमेट्रिकल वाइडेंटेड दिख जाए काट देना सीधा हिसाब एमडीजे फिर आता है कि अनसिमेट्रिकल हुआ तो, तो आ जाओ फिर अनसिमेट्रिकल हुआ तो ये अनसिमेट्रिकल तो, है दोनों

बी के सामने बी और ए के सामने बी है नो जी आई चेंज करके भी देख लो नहीं होगा ये देखो अगर अलग अलग कर दूं तो अब चेंज हो सकता है कि बी के सामने बी है चेंज करोगे तो बी के सामने सी आ सकता है यहां चेंज हो सकता है यहां चेंज हो सकता है, हो सकता है। दो जी आई नकुल आयोनाइजेशन सोलवेट आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बेसिकली यस एनसीआरटी ने लिखा हुआ भी ये पॉइंट कि वो भी तो आपस में आयोनाइजेशन स्पीयर से ट्रांसफर कर रहा है कोई बात नहीं चलो टेट्राहेड्रल के केस में हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जब होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा इसके अलावा कोई भी केस आ जाए सब इनएक्टिव है ठीक है ये लो लिखे हुए मैंने इतने सारे केस ये सब इनएक्टिव है छोड़ो गोली मारो उसको ये है तो एक्टिव बाकी सब इनएक्टिव मतलब अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो चारों अलग होने चाहिए और बाइडेंटेड है तो दोनों अनसिमेट्रिकल होने चाहिए और अनसिमेट्रिकल के साथ बाकी दो अलग अलग होने चाहिए तो हम उसमें पीओ एस नहीं निकालेंगे और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा

मेरा बड़ा मन करता है कि मैं रिंग बना के ऐसे प्लेन ऑफ सब लेकिन समय नहीं है ना तुम्हें तो पूछेगा तो वही कि कौन कौन एक्टिव और इनएक्टिव ये ध्यान रखना ये लिखा हुआ है ये ध्यान रख लेना और फिर उसके बाद मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ वो तुमको करने ये देखो मतलब किए हुए हैं मैंने बट तुमको करने प्लेटिनम पेलेडियम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चार है तो वो स्क्वायर प्लेनर ही होंगे रीजन है फोर डी फाइव डी ठीक है पहले ही बता चुका हूं फोर डी फाइव डी और दिंकैडमियम हैं है और कोऑर्डिनेशन नंबर चार है तो टेट्राहेड्रली होंगे रीजन है डी टेन तो डी एस पी टू नहीं हो सकता इसीलिए एस पी थ्री ही होगा

यस yes. ये देखो ये रहे सवाल सारे ये रहे तुमको करना क्या है किस में जी आई आएगा किस में नहीं आएगा बताना किस में आएगा किस में नहीं आएगा ये बताना है बस बता दोगे बता देना लो होमवर्क करके जा रहा हूँ दे के जा रहा हूं ठीक है बाकी मैंने मेंशन कर दिया स्क्वायर प्लेनर और वो सब वो तो देख लेना और टाइप भी मेंशन कर दिए किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो वो देख के कर लेना कर लोगे बेटा खूब सारे सवाल दे दिए मैंने होमवर्क कर लोगे कर लेना हो जाएगा थोड़ा देर बैठ के देखना अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर छह में ओक्टा हेड्रल सीधा सीधा दो जुगाड़ देखते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह लगा के करोगे तो फंस जाओगे सीधा आ जाओ अगर दो सेम लिगेंट प्रेम पे जैसे यहा और यहा कितनी ट्रांसपोजिशन है एक ट्रांसपोजिशन दूसरी ट्रांसपोजिशन और तीसरी ट्रांसपोजिशन अगर यहां पे और यहां पे लिगेंड सेम हो जाए किसी में भी एक जगह पे एक दो तीन में से कहीं पे भी एक जगह पर अगर ये सेम हो जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा उसमें प्लान ऑफ सिमेट्री आ जाएगी देसी जुगाड़ है और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा रूल ये है कि दो ट्रांसपोजिशन म्यूचुअली सेम हो जाए यानी कि अगर ये ए है और ये बी है तो फिर आप ये ढूंढ लो कि एक ए और बी वाली और ढूंढ लो तीन ट्रांसपोजिशन में से ए बी ए बी यानी कि दो ट्रांसपोजिशन आपस में सेम हो जाए पहला रूल सुनो कोई भी एक ट्रांस ट्रांसपोजिशन पे दो लिगेंड सेम हो जाए ऑप्टिकली इनएक्टिव दूसरा रूल अगर दो ट्रांसपोजिशन आपस में ही सेम हो जाए इधर क्लोरीन लग रहा है इधर अमोनिया लग रहा है फिर इधर क्लोरीन लग रहा है इधर अमोनिया लग रहा है सेम हो गया उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी इफ एनी टू ट्रांसपोजिशन आर म्यूचुअली सेम देन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज आल्सो प्रेजेंट आपको नहीं लगाना उसमें पीओएस आप तो दिमाग लगा लो देख लो दिमाग लगा लो काम खत्म क्यों परेशान हो रहे हो ये सब मैं कर चुका हूं ना तुम तो ये पढ़ो मजे लो आराम से एमडीजे इफ नॉन आर प्रेजेंट अगर रिंग एक प्लेन से हट जाए रिंग डिफरेंट प्लेन में हो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है तो ये दो रूल ऊपर वाले इन एक्टिव के हैं और तीसरा रूल जो है वो एक्टिव के लिए है अगर नॉन कोप्लैनर रिंग्स प्रेजेंट है अगर नॉन कोप्लैनर रिंग्स प्रेजेंट हैं तो हम उसको क्या करेंगे हम उसको नॉन कोप्लेनर रिंग्स को प्रेजेंट है ये ले ले तो फिर हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे वापस बोलो रूल फटाफट 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 फटा -फट, दो दो ग्रुप किसी भी ट्रांसपोजिशन पे सेम हो जाए आमने सामने दो एलिगेंट सेम हो जाए ऑप्टिकली इनएक्टिव दो पोजिशन आपस में म्यूचुअली सेम हो जाए ये और ये में से तीन में से कोई से भी दो सेम हो जाए क्या हो जाएगा ये और नॉन कोप्लेनर रिंग्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो एक्टिव हो जाएगा Anyways, छोड़ो उस सब बात को। मुझे तो बताओ ये रहे आपके सामने पूरा हिसाब किताब। 11 केस हैं। टी यहां पर खत्म हो जाती है यहां से यहां तक एनसीईआरटी टी है सिर्फ तो आगे वाले केस मुझे नहीं लगता वो कभी पूछेगा ठीक है सिर्फ एनसीईआरटी यहां तक बोलती है ये सब मोनोडेंटेड केस है केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स ये ऐसा होगा तो याद करने का तरीका है एक टोल फ्री नंबर है बेटा मेरा ही नंबर है टोल फ्री याद करना कभी महिला कभी काम आऊँ तो क्या डबल जीरो ट्रिपल टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन नाइन एंड सिक्स फिफ्टीन कभी भी एनी टाइम ट्वेंटी फोर सेवन टोल फ्री नंबर है डबल जीरो ट्रिपल टू थ्री फोर फाइव है ना डबल जीरो ट्रिपल टू थ्री तीन चार पाँच छः नौ और छः पंद्रह ये लिखो डबल ज़ीरो ट्रिपल टू थ्री फोर फाइव और इनको बनाना सीख लेना बेटा आ जाओ ऐसा ही कितने देगा क्या देगा ये यहां तक जरूर ध्यान रख लेना बेटा ये ना यहां तक तो आना ही आना है ठीक है ये सिर्फ यहां तक इधर इधर से इधर बहुत इंपॉर्टेंट है इधर इधर ठीक है जैसे ये रहा, जब छे के छे सेम होंगे तो जी आई तो आएगा नहीं सारी ट्रांसपोजिशन ऐसी होगी ए ए, 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 ए ए नो जी आई प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली एम ए फाइव बी है तो इसके भी ए ए बी बनेगा ये लो ऑप्टिकली ये भी इनएक्टिव हो गया क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप रूल वन लग गया रूल वन लग गया लो, ये देखो तीसरा है एम ए फोर बी टू ऐसे चार ए हैं तो दो बना लो पहले ए ए फिर दो और बचे ए ए फिर दो भी बना लो बी बी अभी इसको होल्ड करो और इनको चेंज करके देखो बन गए क्या इसको होल्ड करो पहले वाले को और ए बी ए भी कर दो इनको आपस में चेंज करो हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव हालांकि दो जीआई बनेंगे लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे क्यों क्योंकि पहला रूल लग गया यहां पर भी पहला रूल लग गया लगने को यहां दूसरा रूल भी लग गया लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा एम ए फोर बी सी ए ए ए ए बी सी चेंज करके देख लो हो जाएगा ए ए को होल्ड करो ए बी ए सी करके चेंज हो जाएगा ये भी दो जी आई देगा ये दोनों के दोनों ही इनएक्टिव होंगे दोनों के दोनों ही क्या होंगे बेटा इनएक्टिव होंगे क्योंकि रूल वन लग गया यहां पर रूल वन लग गया यहां पर फिर आता है एक एम ए थ्री बी थ्री ए ए ए बी 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 और ए बी ए बी ए बी ये एन में दिया हुआ है देखो बेटा एन में इसको दिया हुआ है कि अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल बनता है विद द सेम लिगेंड तो उसको बोलते हैं फेशियल और अगर इक्वेटोरियल प्लेन में कोई ट्रायंगल बनता है विद द सेम नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड तो उसको बोलते हैं मेरिडाइनल क्या बोलते हैं उसको मेरिडियोनल सॉरी Meridional नहीं Meridional बोलते हैं फेसियल और ये क्या होता है? तो दोनों का चीज ध्यान रख लेना ये है, वो फेसियल है। क्या याद रखना है ट्राइंगल अगर फेस में बनता है ऐसे एक एक्सियल पोजीशन ले लो दो इक्वेटोरियल लेके फेस फेस जानते हो ना फेस जैसे ये यहाँ पर भी एक फेस है ये एक फेस है ये ये इधर ये एक फेस है ठीक है अगर ऐसा बनता है तो फेशियल होगा कहीं पे भी बने वो चाहे कहीं पे भी जैसे अभी यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है पीछे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है ऐसे ऊपर भी चार फेस है नीचे भी चार फेस है आठ फेस है टोटल आठ फेस में से कहीं पर भी अगर ये कंडीशन हो गई तो फेशियल है और उसके अलावा बाकी सब मेरिडियोनल है ये देख लो मेरिडियोनल ये रहा ए, ए ए उस प्लेन में एक ट्रायंगल बनेगा तो मेरिडियोनल है उस प्लेन में एक ट्रायंगल बनेगा वो उधर भी बन सकता है इधर बना रखा है अभी मैंने एक कह रहा सर मेरी गर्लफ्रेंड भी पढ़ रही है सही से पढ़ाओ अच्छे से पढ़ाओ अब तुम्हारा ध्यान ही नहीं लग रहा होगा इधर तेरी गर्लफ्रेंड पढ़ रही है तो साथ बैठ के पढ़ रही है क्या साथ बैठ के तो ग्रुप स्टडी होती है पढ़ाई थोड़ी होती है मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं फालतू में मेहनत कर रहा हूँ इतनी रात को मतलब वहां पे आपस में लड़की लड़कियां बात कर रहे हैं छोड़ो चलाओ कुछ मोबाइल में और सो जाओ क्या हाँ। करना है जीवन में जैसे इसका एग्जाम्पल ये समझा रखा है है ना एम ए थ्री बी थ्री का एनसीआरटी में दिया हुआ ये एग्जाम्पल समझा रखा है ये देखो, ये देखो। अब ये बन रहा है एनएस थ्री एन एस थ्री एन थ्री फैक्ट ये एनएस थ्री एन थ्री एन थ्री ये मर ये देखो ऐसा बन रहा है ये एम ए थ्री बी थ्री तो है ये इस तरह का फैक मर एनसीआर फिर आता है कि अगर बाइडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड ज्यादा करना ही नहीं है हमको तो एक आता है एम ए ए थ्री जिसमें जी आई जीरो एस आई दो प्लस ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जोड़ देंगे हम इसमें जी आई तो जीरो आएगा ही क्योंकि सारे के सारे सेम है फिर यहां पर ए ए टू बी टू है तो जी आई दो आएगा और ऐसा ही तीन हो जाएंगे क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस बनेगा तो सिस होगा वो एक्टिव होगा ये भी सेम चलेगा अभी देख लेते हैं इसको कैसे हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये एक ही है मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आज तक जितने सवाल आए हैं एट्टी परसेंट इसी में आए हैं है ना अस्सी परसेंट ये सवाल आए हैं या उसमें से हम बात करें तो 80 परसेंट यह सवाल है अब मैं आपको बता देता हूं लेता हूं कोबाल्ट ले लिया, अब देखो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है यह आपका हो गया प्लस ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है एम ए ए टू और बी टू टाइप का कॉम्प्लेक्स है क्या ये रहा। अब इसमें क्या होगा वो सुनो इसमें क्या होगा सुनो ये है क्या एम आपका मतलब कोबाल्ट ले लिया फिर यहां पे आपने Cl, CL अगर ऐसे ले लिया तो इसको बोलते हैं ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू सी एल ठीक है ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू सी एल ठीक है Cl सी एल के रेस्पेक्ट में ट्रांस है तो यहां पे क्या आएगा आपका यहां पे क्या आ जाएगा आपका ई एन ई एन आ जाएगा ये देखो ई एन ये रिंग बन गई और एक ई एन यहां ये रिंग बन गई ऐसा बनेगा अब मैं इसका सिस बनाऊं अगर मुझे इसका सिस बनाना है सिस विद रेस्पेक्ट टू सी तो कैसा बनेगा सोचो जरा ये कोबाल्ट है ठीक है सिस बनाने के लिए इनको आपस में यहां लाना पड़ेगा सीएलसीएल अब मेरे पास कितनी वैलेंसी आ गई खाली ये वैलेंसी बच रही ये बच रही ये बच रही ये बच रही, ये बच रही है अब ऑब्वियसली बात है मुझे ई एन ऐसे जोड़ना पड़ेगा कि मैं ऐसे जोड़ू और यहां जोड़ू तो ऐसे जोड़ू अब मुझे बताओ नॉन कोप्लेनर रिंग्स आ गई तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया एक्टिव ट्रांस इनएक्टिव लेकिन ये एक्टिव सिस एक्टिव एक्टिव तो इसकी मिरर इमेज बनेगी और उस मिरर इमेज को कैलकुलेट करके निकाल दो फिर एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा और एक इसकी मिरर इमेज हो जाएगी अगर सिस एक्टिव है तो उसकी मिरर इमेज भी तो हो जाएगी इसका मतलब है यहां पर टोटल ऐसा ही कितने हो जाएंगे बेटा तीन हो जाएंगे एक नहीं हो जाएंगे टोटल ऐसा ही कितने हो जाएंगे तीन सेम चीज है अगर मैं यहां सीएल टू ना लेकर बी आर और बी आर अलग अलग ले लू समझना मेरी बात को तो ये कैसा हो जाएगा सेम फोर सेम फोर एम ए टू बी सी सेम होगा वही ट्रांस बनेगा बीआरसीएल विद रेस्पेक्ट टू बीआरसीएल ट्रांस बना लेना फिर थिस बना लेना यहां बीआर और सीएल लगा लेना सेम चीज वापस बन जाएगी अगेन वही सेम रीजन आएंगे सेम और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बेटा सबसे ज्यादा ये देखो ये सेम चलेंगे दोनों के दोनों सेम चलेंगे 2 3 2 3 ऐसा ही है ये ये जीआई 2 है सिस एक्टिव होगा इनका दोनों का सिस एक्टिव होगा चलो बताओ अगर आप सवाल कर लें तो ये एक, एक एक्स्ट्रा ले लेना यार देख लेना इसको है ना समय बचा नहीं है खुद कर लेना कि डायरेक्ट पूछते हैं कि सिग्मा बॉन्डेड कौन सा है पाई बॉन्डेड कौन सा है सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड में सारे मेटल कार्बोनिल आ गए हम पढ़ चुके हैं सिर्फ पाई बॉन्डेड की बात करें तो फेरोसिन कोबाल्टोसिनोसिन ये सब पाई बॉन्डेड होते हैं ऑर्गेनो कंपाउंड कौन से होते हैं

विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमेरिज्म नहीं है एम ए फोर बी टू ए बेटा जी आई होता है लिंकेज होगा क्योंकि एस सी एन है आयोनाइेशन होगा क्योंकि ठीक है ऑप्टिकल नहीं होगा ऑप्टिकल नहीं होगा आंसर हो जाएगा चार ये ओ आई नहीं देता ए ओ आई नहीं देता एम ए फोर बी टू ओ आई नहीं देता ठीक है ठीक है ध्यान रख लेना कौन सा नहीं प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है चार हो जाएगा ठीक है एम ए फोर वो उस लिस्ट में याद होगा ना उससे पता लग जाएगा इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा लगाओ फिर ये तो रहेगा नहीं क्योंकि ये तो फायर प्लानर है ये रहा वो सवाल हर बार यही आता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं क्योंकि ये एम ए ए थ्री है तो ये तो नहीं होगा इसको तो काट दो ये रहा आपका एम ए ए बी टू ये भी स्क्वायर प्लैनर है सॉरी 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 वही होगा वही होगा ये स्क्वायर प्लेनर है ये square है, और ये एम ए फोर बी टू है तो ये वैसे नहीं देगा ये नहीं देगा ये नहीं देगा, ये नहीं देगा वही होगा उसमें जी आई नहीं होगा बेटा जी आई नहीं होगा बट ओ आई तो होगा आंसर हो जाएगा फर्स्ट हाँ हाँ सही है सही है सही है सही एकदम सही एकदम सही फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास ए आई पी एम टी दो हजार छह में पूछा हुआ देखो यो सवाल का कह रहा हो यहाँ के अंदर क्या है ये एम ए फोर बी टू है एम ए फोर बी टू में ओ आई नहीं आता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता ऑप्टिकल काट 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 ऑप्शन ही एक बचा देख ले ऑप्शन ही एक बचा ठीक भी ऑप्शन ही एक बचा राजा कर लेना इसको ये एम ए ए टू बी टू है कर लेना अभी बताया है एम ए ए टू बी टू है कर लेना अब होमवर्क है लो आ जाओ विच ऑफ विच विल गिव द एन एनशो कौन देंगे भाई एन एनशो मॉप मतलब ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स देख लो फिर कौन सा होगा इस ये नहीं दे ये नहीं देगा ये नहीं देगा छः छः वाले चार छः नहीं देगा चार छः नहीं ये एक ही बच रहा है इसका वो सिस वाला ए आई पी एम टी दो हजार सात में पूछा है सिस वाला एम ए ए टू बी टू मैंने कहा ना दस में से आठ बार वही सवाल आता है फिक्र मत करो में से आठ बार वही सवाल आता है चिंता नहीं दो हजार दस में पूछा कि कलर क्यों है इसमें तो ये MA4B2 है बेटा अब इसमें कोई आयोनाइेशन हो नहीं सकता बाहर कोई वैलेंसी लिंकेज का सवाल पैदा होता नहीं कोऑर्डिनेशन में डब्बे डब्बे चाहिए तो जी आई की, की वजह से कलर चेंज हो जाता है सर जी की वजह से कलर कैसे चेंज हो सकता है अरे पोजीशन चेंज होती है ना लिगेंड की तो डिस्टेंस का फर्क पड़ता है मेटल लिगेंड की तो स्ट्रेंथ का फर्क आता है एनर्जी का फर्क आता है और कलर का फर्क आ जाएगा हाँ बताओ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डब्बे डब्बे अब डब्बे डब्बे कौन से होते हैं बेटा डब्बे डब्बे होते हैं कोऑर्डिनेशन वाले ए आई पी एम टी दो हजार ग्यारह में डब्बे डब्बे कौन से होते हैं, डब्बे डब्बे ये, होते हैं ये लो बी सी डी और वो भी स्क्वायर प्लेनर ओहो ये तीन हो जाएंगे तीन जी आई आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एम ए टू बी टू एम ए टू बी टू क्या दिखाएगा ऑप्टिकल तो स्क्वायर प्लेनर दिखाता नहीं लिंकेज की इसमें बात है नहीं तो फिर जी आई दिखाएगा दो दो जी आई एम ए टू बी टू दो जी आई होते ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी

एम ए फोर बी टू आ गया तो दो जी आई भी आ गए लो फिर कर लो इसी को आंसर हो गया थर्ड आंसर हो गया थर्ड पीपीटी भी आ गया पीपीटी भी आना दोनों कंडीशन है पीपीटी भी आना चाहिए सबर करो चेक कर लो इसमें पीपीटी नहीं आएगा पहला आंसर मत लगाओ नलायकों देख लो पहले इसको पहला आंसर मत लगाओ सबर करो एंड ये कौन सा है भाई और ट्रांस कौन से हैं? तो चलो करो अब तो एक ही चैप्टर बड़ा बच रहा है सोल्ट एनालिसिस वो सबसे लास्ट में होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में और ब्लॉक आपका बाईस तारीख को होगा वो तो छोटा सा है सिर्फ एनसीईआरटी में अब जो सिलेबस का पार्ट है वही पढ़ेंगे और कुछ फालतू तो बात पढ़ेंगे ही नहीं उसमें ब्लॉक में जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ाऊंगा उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा ले भाई चले हैं चला नहीं क्या तुम्हारे पॉल नहीं आया क्या लपड़ा हो गया लग रहा है छोड़ो चलो ये महाराज जी ये पीटी है ये पीडी है सिस ट्रांस नहीं है कुछ भी नहीं है ये वो उसका सिस है ये किसी और का ट्रांस है ये दोनों आपस में सेम ही नहीं है जिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लगाने वालों नालायकों देख ही नहीं रहे कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए फॉर्मूला सेम होना चाहिए देख नहीं रहा कोई जी कौन नहीं देगा इसमें से जी ये नहीं देगा यार ये एम ए ए तो ये जी क्यों देगा नहीं देगा लो बाकी सब देंगे बोले देंगे एम ए थ्री बी थ्री एम ए फोर बी टू लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन नहीं दिखा सकता एन एस थ्री बेचारा लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता जो एम्बिडेंटेड होते हैं वही लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड ये पीडी है ये पीडी है सी सिक्स एच फाइव ठीक है एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से कौन सा प्रेजेंट होता है भाई लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है कह रहा है एनसीईआरटी एग्जांपलर का सवाल है ये क्या है दोनों कंपाउंड सी ओ एस ओ फोर एन एस बताओ ये कौन से हैं? ये बी आर ये सी एल ए कौन से हैं? ये कुछ भी नहीं है इधर बी आर है इधर सी एल है मोलिकुलर फॉर्मूला ही अलग है पागल बना दिया तुमको कुछ भी नहीं है ये एन सी आर टी एग्जाम्पलर का सवाल है गलती मत करना चलो और जो भी अभी जा रहे हैं सब लाइक करके जाओ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक करो सब्सक्राइब करो बताओ इसमें से कौन सा है सी आर वॉयलेट और ये सी एल टू एच टू वो बाहर आ गया एक एच टू वो बाहर आ गया हाइड्रेट हो गया बेटा पानी अंदर बाहर हो जाए तो क्या हो जाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हाँ चेक कर लेना मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए ये है एप्लीकेशन एंड यूजेस आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ पढ़ लेना और सवाल कर लेना ठीक है भाई और इसके अलावा क्या देके के मैं एक दो स्लाइड ऐड करूंगा लास्ट में दो स्लाइड ऐड करके जाऊंगा एम डी जे की लास्ट में ऐड करूंगा बेटा दो स्लाइड ऐड करके जाऊंगा एम डी जे की ठीक है चलो ये ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए नहीं करा रहा हूं मैं ये लो भाई चैप्टर हमने कर लिया है एम की दो, दो स्लाइड ऐड करके जाऊंगा जो कि सी एफ टी और वीबीटी में काम आएगी आपको दो स्लाइड है ना जो आपका काम आसान करेगी दो स्लाइड ऐड करके जाऊंगा नीचे की तरफ सबसे लास्ट में थैंक यू के ऊपर चेक कर लेना ठीक है और बाकी तो शुक्रिया यार थैंक यू थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले में बी ब्लॉक के अंदर इसमें अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज छोड़ी है तो इसी चैनल पर उम्मीद पड़ा है वहां देख लेना लगता आपको।, तो कुछ -कुछ naming, तो, आपको लगता है आपको मतलब मैंने लेस इंपॉर्टेंट चीजें ही छोड़ी छोड़ी अगर तो कुछ कुछ चीजें फालतू की नहीं करवाया और हमें पढ़ना है रिवाइज करना है उम्मीद का पिछला लेक्चर देख लेना यहीं पढ़ा है इसी चैनल पे पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ लेना। कोई दिक्कत नहीं मैं ही पढ़ा रहा हूँ मैं ही पढ़ा रहा हूँ वही सेम कंटेंट है कोई चेंजेस नहीं है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you. Thank you so much. Namaskar. Good night.